नमस्कार बच्चों वेलकम टू फिजिक्स वाला स्वागत है आपका आपके प्यारी सी सीरीज में जिसका नाम क्या है बच्चों जल्दी से बता दो सर उम्मीद और आज हम एक बड़ा ही खतरनाक दिलचस्प बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आए हैं बेसिकली यूनिट का नाम तो ऑसिलेशन है पर ऑसिलेशन के अंदर बेटा दो पार्ट आ जाते हैं एक वेव आ जाता है और एक क्या आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो जल्दी से बता दो पहले तो क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है मैं दिखाई दे रहा हूँ सुनाई दे रहा हूँ सारी चीजें बढ़िया हैं एस एच एम नमस्कार 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 बेटा नमस्कार आदाब सत असलम वालेकुम साकार तीन चार बढ़िया बढ़िया चीजें सीख ली हैं हर हर महादेव जय श्री महाकाल राम राम सीताराम अब जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ फिर अपन शुरू करें बेटा आज की कहानी आज कमरिया में बहुत दर्द है लचक गई पता नहीं कहां पे तो कमर में बड़ा पेन है तो ज्यादा उछल खूंद कर नहीं पाऊंगा मैं और एक जैसे चेसबोर्ड में नहीं घोड़ा ढाई कदम की चाल चलता है तो वैसे ही ढाई कदम की चाल चलने वाला हूं मैं अब जल्दी से बता दो यार आवाज आ रही है अच्छा आपको एक बात बताता हूं इसी, इसी से इसी यहीं से अपन अपनी कहानी को शुरू करते हैं मेरे ख्याल से आ, बच्चे ठीक ठाक आ गए अपन को अब ना देर करते हुए शुरू कर देना चाहिए जल्दी से एक बार थम्सअप दे दो कि हां सर पढ़ाई शुरू करिए फिर अपन आगे चले एक बार जल्दी से सब लोग थम्सअप दे दीजिए फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं देखो नहीं बेटा इसको पहले वाले चैप्टर से लेना देना इसका नहीं है ज्यादा ठीक है बहुत बेसिक चीजें होंगी जो हम अच्छे से सीख लेंगे कर लेंगे ठीक है आप परेशान मत हो अच्छा देखो अब मैं रियलिटी बताता हूँ क्या होता है ठीक है आप बताना अगर मैं ये जो बात कह रहा हूं वो सही या गलत है आप थोड़ा सपोर्ट करना इस बात का क्या होता है बेटा पहले तो ये देख लो अपन पढ़ने के आगे हवा चीज आपको समझाता हूं अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो पहले तो जरूरी बात समझो मेरे ख्याल से जितने बच्चे वीडियो देखने आए हैं मैं ये मान के चलता हूं या ये मान रहा हूं कुछ को छोड़ करके देखो कुछ को छोड़ करके वो कुछ लोग मेरे यहाँ पे तारीफ करने आए हैं ठीक है कि सर ऐसा सर वैसा वो वो चलता रहेगा ठीक है उनको छोड़ करके कुछ बच्चे यहां पे आए हैं बेटा क्या एक बढ़िया सा सपना लेकर के हम डॉक्टर बनेंगे हाँ सर और तो सपने साकार होते हैं और वही हमें करना भी है तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा सर इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा नीट और नीट में बेटा दो पार्ट होते हैं एक होता है आपका इलेवेंथ वाला पार्ट और एक आपका कौन सा हो जाता है जल्दी से बता दो सर एक हमारा ट्वेल्थ का पार्ट होता है ठीक है अब इलेवेंथ के पार्ट में बेटा बस दो ही चैप्टर रह गए और ये जो अब दो चैप्टर रह गए हैं बेटा ये अपने आप में एक यूनिट है जिसे हम ऑसिलेशन कहते हैं ये अपने आप में एक यूनिट है सुनते जाओ सुनते जाओ बढ़िया बात बताने वाला हूं सुनते जाओ अगर इससे पहले कभी भी ऑसिलेशन नहीं बढ़ाना तो मेरा यह प्रॉमिस है आप लोगों से कि इस इंस्टेंट पे अगर आप यहां से लेकर के एंड तक पूरा वीडियो देखने वाले हो मेरी गारंटी है ऑसिलेशन के एक एक पी के सवाल मैं करा के जाऊंगा आपको एक भी सवाल मिस नहीं होगा और ये आप खुद अपने से करोगे बस ये सोच करके बैठ जाओ इसका कोई पढ़ाने वाले चैप्टर से लेना देना नहीं है बेटा ठीक है अब

मैंने खुद ऑसलेशन बढ़ के नहीं गया था पता नहीं क्या अजीब सी बातें हो रही थी जो बिल्कुल बाउंसर जा रही थी मतलब अपने तन में मैंने मान लिया था कि यार ये तो अपने बस का है ही नहीं चैप्टर और उसके बाद फिर बाकी गए अपन तो यही मान के चले थे कि ये जो ऑसिलेशन है लगभग बेटा इसमें से आप ये मान लो कि तीन से चार सवाल आते ही आते हैं क्योंकि बेटा ये अपने आप में एक यूनिट है ऐसी वैसी चीज एक यूनिट है दिस यूनिट वेटेज ऑफ़ टोटल पेपर सोलह छोड़ देते हैं तो हमने यही सोचा यार ये सोलह मार्क्स तो कभी हम टोटल नंबर में गिनते ही नहीं थे ठीक है अब मैं यहां से कह रहा हूं आप लोगों से कि बेटा ये चैप्टर फिर मैंने क्या किया जब आगे चले गए इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया चीजें बढ़िया से चलने लगी फिर जब पढ़ाने पे आए तो मैंने सोचा यार तसल्ली से इस चैप्टर को मैं समय देता हूँ फिर मुझे पता चला यार ये वास्तविकता में तो ये बहुत आसान चैप्टर है आप और कहीं और किसी जगह गलती कर सकते हो बट बेटा यहाँ पे इस चैप्टर में गलती हो ही नहीं सकती है और बहुत मैं बता रहा हूं एनएलएम से ज्यादा ईजी अगर आप मेरी बात सुनो सही से तो इससे आसान सवाल किसी के ही नहीं सकते आप ये मान लो ये तो हमने डर बना रखा है हमने और बना रखा है कि ऑसिलेशन में तो यार साइन वाइन होती है बहुत गणित यूज होती है ऐसा कुछ भी नहीं है आप बस यहां पे ध्यान से देखते जाओ क्लियर है हाँ सर। तो ऑसिलेशन में बेटा दो पार्ट होते ठीक है ऑसिलेशन का पहला जो अपन पार्ट पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है बेटा एस और दूसरा जो होता है बेटा वो वेव मोशन होता है समझ में आ रहा है अगर ये वेव कर लेते हो अच्छे से तो वेव ऑप्टिक्स आदि वैसे ही खत्म हो गई कुछ भी नहीं है अगर ये वेव कर लिया इसमें भी तो पड़ते हो पर अगर ये चीज कर लो तो वो वैसे ही निपट गया अब एस एच एम की बात सुनो अब अपन एस एच एम वाले पार्ट को बेटा पढ़ने वाले हैं ये मैंने बता दिया है तीन से चार क्वेश्चन आने निश्चित हैं समझ में आ रहा है तो अपन बेसिकली एक पूरी यूनिट की बात करने वाले हैं अभी और ये यूनिट हर किसी का बड़ा कमजोर रहता है बड़े आराम से एक एक पॉइंट इंट्रोडक्शन से लेकर के डिस्प्लेसमेंट से लेकर के सुपर पोजिशन ऑफ एस तक मतलब ऐसी कोई भी चीज का डर नहीं रहेगा पर एक चीज से ही हो सकता है बेटा जब आप हमें समय दोगे पहले समय था यही चैप्टर को करने का करीबन चौदाह दिन पर एग्जाम नजदीक है आप इसको हमें अगर पढ़ना है सीखना है तो आपको समय बेटा कभी ना कभी देना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता कि ये यार आप तो बस एक घंटे का वीडियो बना दो एक घंटे में बिल्कुल प्रो बन जाऊं अगर हर कोई एक एक घंटे में सीख रहा होता बच्चों तो इतना साल भर या दो साल कोर्स क्यों चला रहे होते आखिरी के हफ्ते में चलाते एक घंटे में एक लेक्चर देखो और बढ़ गए बन गए हम डॉक्टर तो हम रियलिटी पे आते हैं कि भाई समय कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा उस टाइम पे मैंने एक एक घंटे हर दिन देता तो थो थोड़ा इजी होता अब वो सारे एक एक घंटे आज ही देने पड़ेंगे तो समय तो बेटा लगेगा ही लगेगा अब जल्दी से बता दो क्या आप समय देने के लिए तैयार हैं। बेसिक से पढ़ाना अरे बेसिक के बेसिक से पढ़ाऊंगा बेसिक की स्पेलिंग बी एस आई सी होती है ना और मैं इतने बेसिक से पढ़ाऊंगा कि इसके आगे ए लगा दूंगा ए बी फिर बेसिक इतना बेसिक पढ़ाऊंगा यह समझ लो क्या आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा ओरिजन बताऊंगा पर आपको समय देना पड़ेगा समय देना पड़ेगा मैं सिखाने के इंटेंशन से आया हूं डिपेंड यह करता है कि आप सीखने के इंटेंशन से बैठे हैं कि नहीं बैठे ठीक है अब दुनियादारी सब भूल करके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बड़ी अपनी स्टडी टेबल पर बैठो पेन कॉपी लेकर के बैठो आज की क्लास से मैं ये दो क्लासेस सेगमेंट कर लोगे बेटा आपके चौदह सोलह नंबर पक्के हैं समझ में आया कैरी अ गुड अमाउंट ऑफ वेटेज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बेटा अपन चीजों को समझते हैं कि सर ये मोशन को समझते हैं बेटा पहले अपन किसको मोशन को और अभी मोशन को बेटा जो समझाना शुरू कर रहा हूं ये पाथ के बेसिस पे समझाना चाह रहा हूं के मतलब उन्होंने चलते टाइम पे रास्ता कैसा अपनाया है या उनके रास्ते में क्या अलग बात है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं क्लियर है तो उस चक्कर में पहला मुझे मोशन पता चला जिस पहले मोशन को मैं क्या कहता हूं बेटा पीरियोडिक मोशन सारी शुरुआत बेटा यहीं से ही है पीरियोडिक मोशन सर पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है वो दोहराए जा रहा है दोहराए जा रहा है दोहराए जा रहा है तो इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स ओवर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है बेटा ये रिपीट करता है अपने पाथ को उसको अपन क्या कहते हैं पीरियोडिक मोशन सर एग्जाम्पल क्या हो गया मैंने कहा एग्जाम्पल ये देख लो ये बेटा अपनी क्या है सन है एस यू या एस ओ जरा स्पेलिंग लिख करके बता देना कईयों को तो यही स्पेलिंग ही नहीं पता होगी अरे एक से एक अभी तुम क्या जानते हो सन की स्पेलिंग ये लोग एस ओ एन लिखते हैं इतने खतरनाक हमारे पास नीट एस्परेंट है हल्के में मत लेना इनको तो ये हमारी अर्थ है बेटा अर्थ क्या कर रही है जल्दी से बता दो सर अर्थ क्या कर रही है हमारे सन के चक्कर लगा रही है कि नहीं लगा रही है जल्दी से बताओ और ये जो चक्कर लगा रही है बेटा ये कैसा मोशन है ये इस तरीके से चक्कर लगा रहा है तो ये कैसा मोशन है प्रियोडिक है कि नहीं है और प्रियोडिक मोशन के जल्दी से एग्जाम्पल बता दो आप लोग हाँ सर ये जो अर्थ है हमारे अर्थ जो किसके चक्कर लगा रही है सन के लगा रही है बेटा कौन सा मोशन सर ये एक मोशन है अच्छा अर्थ के चक्कर कौन लगा रहा है अर्थ के चक्कर या अर्थ किसी के चक्कर लगा रहा है अर्थ सन के चक्कर लगा रहा है और अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है ये बताओ सर अर्थ के चक्कर तो मैंने सुना है कौन लगा रहा है बेटा जल्दी से बताओ सर अर्थ के चक्कर लगा रहा है मून तो ये क्या हो गया बेटा हमारा मून हो गया थोड़ा दूर बना देते ये क्या हो गया बेटा हमारा मून तो ये जो भी मोशन कर रहे हैं ये कैसा मोशन है बेटा ये सारे के सारे मोशन प्रियोडिक मोशन है आप देखो ये आपका प्यारा सा सुंदर सा घर ठीक है और ये घर में ये घर से आप कहां गए सर घर से हम लोग गए स्कूल ये क्या है बेटा आपका घर है ये क्या है स्कूल तो घर से स्कूल स्कूल से घर घर से स्कूल स्कूल से घर तो ये सारे के सारे बेटा जो आपके पाथ हैं ये कैसे पाथ है बेटा ये सारे के सारे पाथ आपके पीरियोडिक पाथ है क्लियर है कि नहीं है ठीक है यार अब मैंने कहा ऑसिलेटरी क्या होता है मैंने पूछा अब ऑसिलेटरी क्या होता है तो बच्चा कहता है सर मैं एक एग्जाम्पल से आपको ऑसिलेटरी समझाता हूं ऑसिलेटरी में एक बहुत खास पोजीशन मिलती है सर मुझे और अब यहां से एसएचएम की शुरुआत हो रही है अब यहां से shm की शुरुआत हो रही है मैं में नींव रखने जा रहा हूं पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है सब लोग अपनी सांसें थाम के बैठ जाइए थाम के बैठ जाओ अपनी-अपनी पेटियां बांध लो तो यहां पे ऑसिलेटरी मोशन होता है बेटा किसके अबाउट मीन पोजीशन के अबाउट सर मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है मैंने कहा बेटा ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्सेस क्या होते हैं जीरो होते हैं नेट फोर्सेस क्या होते हैं जीरो होते हैं एक गलत फहमी दूर कर देता हूं मुझे पता है क्या सर बेटा जीरो में, में भी ऑब्जेक्ट पे जीरो लग रहा है तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है नहीं वेलोसिटी हो सकती है एक्सलरेशन ये बोलो क्या जीरो बेटा एक्सलरेशन जीरो तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बेटा टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन मीन पोजीशन ठीक है सर सर एक ऐसा एग्जाम्पल दो ना यार जिससे मैं समझ सकूं कि वास्तविकता में मीन पोजीशन क्या है थोड़ा फील आ जाए मैंने कहा चलो मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से ये बिल्कुल बेसिक अपन बात करेंगे मैंने कहा अच्छा ये बताओ आज नहाया था जल्दी से बताओ आज नहाया था सर आपके पढ़ाने से नहाने का क्या लेना देना मैंने कहा देखो कई बार ऐसा होता है हम नहाने जाते हैं और नहाते टाइम पे क्योंकि बाल्टी भर रही है टाइम पास सूझ रहा है कि टाइम पास क्या करें तो हम क्या करते हैं जो मग्गा रहता है उसको अपन ऐसे उल्टा डाल देते हैं हाँ सर ऐसे डाल देते हो कि नहीं और फिर देखा है मग्गे को ऐसे हल्का सा छूना तो ये मग्गा क्या करेगा ऐसे ऐसे करेगा ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं करेगा हाँ सर कई बार आपने देखा होगा कि बाहर कहीं नदी में या शांत पानी में कोई बोतल है कांच की बोतल है या प्लास्टिक की बोतल है तो वो भी बोतल ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है बेसिकली बेटा ये जो पोजीशन है ना अगर ये अभी रुका हुआ है तो दिस पोजीशन ये इसकी कौन सी हो जाती है एमपी हो जाती है एमपी कौन सा मेन पोजीशन और इससे ये कहा जाता है सर आपने अभी बताया इससे ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा फिर ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा और इसी तरीके से ये ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे होता रहता है ये ऊपर नीचे वाले पार्ट को बेटा टू एंड फ्रो कहते हैं पहले तो आप बिल्कुल ये समझो पहले तो आप ये समझो हाँ ठीक है सर दूसरी बात सर और कहीं पे भी तो देखा होगा मैंने कहा दिखाता हूं कह रहे सर ये ये बातें मत करो आप आप तो मुझे ये बताओ कि हमें यहां पे कहा देखने को मिलेगा मैंने कहा बेटा याद करो वो दिन जब आपने मंदिर गए और मंदिर में किसको देखा बेटा घंटे को हाँ सर वो देख करके हमें अपनी याद आ गई कोई भी आता है बजा के चला जाता है सर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा ये उम्र है तो आपने क्या किया के मंदिर का के ऐसा घंटा है आपने ऐसा बजाया एक्चुअल बैल बनाओ एक्चुअल तो नहीं बन पाई पर थोड़ा बहुत चलो छोड़ो इसी पे आ जाओ तो ये आपने क्या किया बेटा थोड़ा इधर किसका आया आपने इसको क्या किया थोड़ा सा पुश किया तो ये इसकी कौन सी पोजीशन थी बेटा मेन पोजीशन ये क्या करेगा सर इधर से ये ऐसे आगे जाएगा यहां से ये पलटेगा फिर ये पीछे जाएगा फिर ये आगे जाएगा फिर ये पीछे जाएगा और बेटा यही इसका मेन पोजीशन वाला पार्ट चलता रहता है क्लियर है कि नहीं है हाँ सर मैंने कहा सर और कहीं पे भी होगा मैंने कहा बिल्कुल होगा मैंने देखा याद करो वो दिन जब आप लोगों ने क्या पढ़ाता बेटा स्प्रिंग पढ़ाता ये मास एम है और बेटा ये इसकी मेन पोजीशन है याद करो इसी स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ भी होती है हाँ सर नेचुरल लेंथ और मेन पोजीशन में कितना डिफरेंस होता है जरा कमेंट करके बता सकते हो क्या हाँ सर और आप इस डब्बे को अगर बेटा थोड़ा सा मार दोगे ना तो ये डब्बा क्या करेगा ये सर स्प्रिंग ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो ये सारे के सारे मोशन कैसे होते हैं बेटा पीरियोडिक मोशन होते हैं ऑसिलेटरी uh, मोशन होते हैं ये ऑसिलेटरी मोशन भी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट जरूर कर रहे हैं ऐसा नहीं है ये रिपीट नहीं कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे भी रिपीट कर रहे हैं बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियडिक एंड ऑसिलेटरी के सर ऑसिलेटरी के पास एक खास पोजीशन होती है जिसे हम लोग मेन पोजीशन बोलते हैं बिना मेन पोजीशन के ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट डिफाइंड मतलब किसी के आगे पीछे डोलते हो भव की तरह सुनाइए गाना अरे यार मतलब किसी के आगे पीछे डोलोगे तभी तो होगा बेटा वो डोलने वाला पार्ट जो है बेटा दैट इज ऑसिलेटरी पर यहां पे आप देखो ये कौन सा मोशन है बेटा ये प्रियोड क्या है यहां पे कोई मीन पोजीशन नहीं है नो मीन पोजीशन तो सबसे पहले तो यही डिफरेंस समझो क्लियर है हाँ सर तो यहां पे बेटा एक स्टेटमेंट आ जाता है खास जो आपको जानने में इंटरेस्ट होगा क्या के ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी पहले इस बात को समझो सारे ऑसिलेटरी मोशन बेटा प्रियोडिक मोशन होते हैं पर सारे प्रियोडिक मोशन बेटा ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं क्या आप ये सुन रहे हो क्या नहीं जल्दी से बताओ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया छा गए ठीक है सर मैंने कहा ठीक है सर आगे आप बताओ कहानी इसकी मैंने कहा आप क्या हुआ बेटा यहां से आई शुरुआत किसकी हुक्स जी की कहानी किसकी हुक्स जी की याद है हुक्स लॉ तो उन्होंने कहा कि यार एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स की पावर एन और यहां पे एफ इक्वल्स टू माइनस हटा करके बेटा माइनस का के एक्स की पावर n ये बेटा किसी भी फोर्स की एक जनरल इक्वेशन हो जाती है किसी भी फोर्स की एक जनरल इक्वेशन हो जाती है बहुत धुआंधार चीज आ रही है बिल्कुल बूम हो जाएगा अचानक से बहुत ही अच्छी चीज आ रही है हुक्सलो क्या कहता है बेटा कि कोई भी फोर्स की इक्वेशन रहती है जैसे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन क्लियर है जहां पे एफ क्या है बेटा एफ क्या है सर एफ है हमारा फोर्स एक्स क्या है सर डिस्प्लेसमेंट ठीक है और माइनस बेसिकली बेटा इनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पे मैं क्या बना देता हूं वेक्टर साइन बना देता हूं क्लियर है कि नहीं है पहले ये बताओ हाँ सर अब मैंने कहा यहां से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आएगी जो आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए दैट विल सेव योर टाइम दैट विल सेव योर टाइम कौन सी बात सर मैंने कहा ध्यान से सुनो जब भी बेटा क्या जब भी f इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n होगा n की पावर मतलब X की power, that is n, उसकी वैल्यू वन होगा तो बेटा मोशन क्या सा होता है एस एच एम होता है एन की पावर टू होगा मतलब इवन पावर होगा कौन सा होगा बेटा इवन पावर होगा तो ये मोशन बेटा ट्रांसलेटरी होगा और एन की पावर बेटा ऑड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ऑसिलेटरी हो जाएगा क्लियर है ना एस एच एम इज ऑल्सो अ ऑसिलेटरी मोशन बट बेटा ये एक बड़ी ही सिंपल पावर का है वन है ना वन मतलब चीजें आसान है चीजें आसान है इसलिए उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल दिया एस एच एम इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन अब यह मत करना कि यार नहीं एस एच एम ऑसिलेटरी मोशन नहीं है क्या है पर उसका एक अलग से स्पेशल नाम दे दिया जैसे आपके यहां एग्जाम हुआ किसी की रैंक वन टू थ्री आई पर जो वन आती है उसे अपन क्या कहते हैं टॉपर कहते ना तो उसे वन क्यों नहीं कहते हमेशा ही वन कहेंगे सर नहीं टॉपर एक अलग नाम दिया उसको एक अलग डेजिग्नेशन दी दी कि यार नहीं यार वो सबसे पहले है ऐसे ही ऐसे चैम में बेटा जहां एन की पावर है तो ऑसिलेटरी पर क्योंकि की पावर वन है तो स्पेशल नाम दे दिया क्या बेटा ऐसे चैम पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बेटा हाँ सर तो इतनी बातें बेटा आप लोगों को याद रखनी है क्लियर है अब यहां से चीजें खुलने वाली है यहां से चीजें खुलने वाली है अब आप, आप बढ़िया से टिक करके जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको बस सुनो उसको बस सुनो साथ में लिखने की जरूरत नहीं है उसको बस सुनो अगर ये आपने सीख लिया या ये समझ लिया मैं दो तीन जगह आपको रोकूंगा ये वो स्टार्टिंग पार्ट है जहां पे मैं आपके एक बेसिक की लेयर बनाऊंगा इसके ऊपर थोड़ी देर बाद 10 से 15 20 मिनट बाद एक एनालिसिस ऑफ एसएचएम में भी मैं तुमसे कहूंगा यार थोड़ा रुको ठीक है यहां पे भागने का कोई मतलब नहीं है इस जगह ठीक है सर रुक गया बताओ क्या करवाना है रुक करके मैंने कहा एक बात समझो बेटा अगर ये मेरा पाथ है ठीक है सर और ये जो इसका मिड पॉइंट होता है ना ये हाँ सर ये क्या होता है बेटा मिड पॉइंट है मिड पॉइंट है मतलब ये जो डब्बा है बेटा ये जो डब्बा है ये ये इस डब्बे की क्या हो गई मेन पोजीशन हो गई कौन सी पोजीशन हो गई मेन पोजीशन जहां पे सर नेट फोर्स क्या है इस पे जीरो है नेट फोर्स क्या है बेटा इस पे जीरो है अब ये बेटा जो राइट हैंड एक्सट्रीम पे जितना जा सकता है ना उसे अपन क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं ये प्लस ए होता है अभी सुनते जाओ और यहां है माइनस ए होता है दिस इज व्हाट दिस इज डिस्प्लेसमेंट अगर बेटा मैं इसको कहां खिसकाऊ इसको मैंने बेटा इधर खिसकाया पॉजिटिव एक्स क्लियर है पर डब्बा आना कहां चाहिए बेटा मेन पोजीशन पे आना चाहिए भैया कोई भी ऐसी कंडीशन बन गई कि आपने डब्बे को खिसकाया और डब्बा मेन पोजीशन पे नहीं आएगा ना तो दिक्कत है तो फिर वो ऑसिलेशन नहीं करेगा वो आपने इधर ढक्का दिया तो वो इधर ही को निकल जाएगा जैसे बॉल होती है ना बॉल को अपन छोड़ देंगे तो बॉल कहां चली जाएगी नीचे क्या बॉल वापस आएगी क्या नहीं ऑसिलेशन बढ़ते टाइम पे ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम मेन पोजीशन से किसी को भी डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो वापस पोजीशन पे आए वरना तो वो ऑसिलेशन ही नहीं होगा हमारा ये ये चैप्टर ही खत्म हो गया आप ये मान लीजिए क्लियर है हाँ सर। तो मैंने इसको बेटा प्लस में घिसकाया आप हमें बताओ इसमें फोर्स कहां लगनी चाहिए सर इसमें फोर्स अपोजिट लगनी चाहिए मतलब फोर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा नेगेटिव आनी चाहिए क्लियर है हाँ सर इसी तरीके से बेटा इस डब्बे को अगर मैंने इधर खिसकाया मतलब अब डब्बे को मैंने कहां खिसकाया सर माइनस एक्स में खिसकाया तो अगर डब्बे को माइनस एक्स में खिसकाया तो बेटा इसमें फोर्स कहां लगना चाहिए बेटा फोर्स इसमें प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में लगना चाहिए मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए तब तो ये क्या करेगा बेटा एस एच एम करेगा मेरी बेसिक कंडीशन ये है मतलब मेरा लगने वाला फोर्स मेरी डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए देन ओनली इट विल डू ऑसिलेशन ठीक है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ टू दैट ऑफ displacement. क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है हाँ सर अब मैंने कहा कि सर आपने जो इक्वेशन दी गई है मैं उसमें जरा चेक करता हूं कि भैया आपने सही इक्वेशन बताई है कि नहीं बताई है ऐसा तो नहीं धोखा कर दिया मेरे साथ मैंने कहा चेक कर लो बच्चे हैं भाई क्रांतिकारी हैं तुम तो जानते ही हो बच्चे ही हो आपने बोला एन की वैल्यू वन है ये जनरल इक्वेशन है माइनस के एक्स की पावर एन ठीक है आपने बोला कि जब वन होगा ये एस एच एम करेगा है तो ये भी एक क्या बेटा ऑसिलेशन बट इसका नाम स्पेशल है नाम क्या है स्पेशल है मैंने कहा ठीक है चलो सर चेक करता हूं एक्स की वैल्यू वन डालता हूं तो एफ इक्वल टू माइनस के की पावर एक्स वन आ गया अब आप हमें ये बताना पहला केस अगर एक्स को मैंने पॉजिटिव डाला बेटा इधर नहीं सुनोगे तो नहीं आएगा ये चैप्टर तो मेरी बात मान लेना अगर एक भी चीज आप नहीं सुनोगे नहीं ध्यान दोगे तो सच बता रहा हूं बेटा चीजें नहीं आएंगी आप मेरा मेन इंटेंशन है ये जो सबसे आपको अन इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है इसमें बेटा मैं सारी चीजें अच्छे से सिखाऊं माय इंटेंशन इज दिस आप ये बात सुनो मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि भैया आप बहुत सारी चैटें लिखो और उस पर मैं पढूं एंड आई विल गेट के नहीं भैया बहुत अच्छा है माय इंटेंशन इज कि ये चैप्टर सिखा दू कई बच्चे ये चैप्टर सच में नहीं पढ़ते हैं सच में नहीं पढ़ते उन्हें सच में पसंद नहीं है तो बस जैसा बाकी लोगों ने कोशिश करी है, एक कोशिश मेरी भी रहेगी कि इसको आपको अच्छे से एक बार में पूरा कनेक्ट करके सिखा सकूं तो प्लीज पेन कॉपी लेके बैठना प्लीज दिमाग को खोल करके बैठना ऐसा नहीं है देखते देखते नींद आ गई है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से सुनो तो मैंने क्या किया और बेटा यही फील है बाकी सारे चैप्टर बिना फील के बिना कुछ के कर दो पर ये वाले का फील नहीं आएगा तो सच में नहीं कर पाओगे क्लियर मैंने कहा ना मुझे भी ये इतना बेकार लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है तो प्लीज इस पर ध्यान दो एक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा पॉजिटिव ठीक है सर एक्स की वैल्यू अगर बेटा पॉजिटिव हो गई मैंने ये एफ इक्वल्स टू माइनस के अगर बेटा x पॉजिटिव होगा तो ये प्लस और माइनस माइनस तो फोर्स देखो नेगेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है मतलब फोर्स का बेटा जो डायरेक्शन आएगा वो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है हां सर मतलब अगर इस डब्बे को आप बेटा कहां खिसकाओगे प्लस x में खिसकाओगे तो इस पे लगने वाला फोर्स माइनस में होगा बिल्कुल सही अगर मैंने इधर खिसकाई कोई चीज को तो वो चीज वापस आ जाएगी जैसे सावन के झूले होते हैं ना झूले को ऐसा फेंकते हैं आगे तो झूला वापस पीछे आ जाता है सेम बेटा ठीक है सर अभी तो मैंने कहा होता है मतलब अब मैंने एक्स को क्या डाला नेगेटिव अपोजिट आना चाहिए एक्स नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स नेगेटिव वन पावर चल रही है एफ इक्वल्स टू बेटा के एक्स तो क्या फोर्स आपको पॉजिटिव नजर आएगी नहीं आई आए? हाँ सर मतलब अब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कहा किसमें आ रहा होगा बच्चों जल्दी से बता दो सर प्लस एक्स में आ रहा होगा दैट्स वाई दिस इज ऑसिलेटरी मतलब जब भी एन की वैल्यू क्या होगी बेटा वन होगी वो ऑसिलेटरी होगा क्लियर है हाँ सर अभी एक बच्चे ने लिखा सर आपने ये एन इक्वल्स टू इवन एन इक्वल्स टू इवन के केस में आपने ट्रांसलेटरी कैसे लिख दिया एक बच्चे ने लिखा था मैंने कहा ठीक है बेटा मैं इधर पे बता देता हूं कैसे आएगा ट्रांसलेटरी बस देखना यहां पड़ेगा इधर उधर देखोगे तो नहीं आएगा यार मजा प्रियोरिटी बेस पे पर रखोगे ये भी आपको प्रायोरिटी पे रखेगा आप विश्वास करना बेटा जिंदगी में कोई धोखा दे जाए पढ़ाई कभी आपको धोखा नहीं दे सकती कोई भी दे देगा धोखा पढ़ाई कभी धोखा नहीं देगी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ध्यान से देखो अब f इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे माइनस के x की पावर n n इवन है एक काम करते n की एक एग्जाम्पल अपन टू ले लेते हैं ये स्क्वायर हो गया ये फोर से ये भी फोर से ठीक है सर अब आपने कहा सर x आपने डाला पॉजिटिव सर फोर्स इज़ टू माइनस के यहां पर हा तो प्लस एक्स है ये माइनस है तो एफ की वैल्यू क्या आ गई माइनस के एक्स आ गई सर सर आपने इस डब्बे को इधर पे प्लस एक्स में घिसकाया इसमें फोर्स तो माइनस एक्स में आ गई यही सेम कंडीशन तो ऑसिलेटरी में भी हो रही थी हा सर मैंने कहा बेटा अभी तुमने एक ही साइड को फेंका है मतलब अगर मैं बेटा ये नंबर लाइन सिस्टम पे बनाऊं ये आपकी मेन पोजीशन है आपने इसको यहां खिसकाया प्लस एक्स में और इस पे फोर्स कहां लग रही है माइनस एक्स में आप इस साइड भी तो चेक करो आपने तो ये वन साइड चेक किया है एक ही तरफा चेक किया है मैंने कहा ठीक है दूसरी साइड चेक कर लेता हूं एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव डालता हूं एफ इक्वल्स टू माइनस के यहां पे माइनस का एक्स का होल स्क्वायर बेटा नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, फोर्स की वैल्यू आ गई प्लस का माइनस का के एक्स अब क्या हुआ मैंने कहा सर अब तो अनर्थ हो गया मैंने कहा क्यों अनर्थ क्यों हो गया वो कहता है, सर मैंने जब इसे माइनस एक्स में भेजा तो फोर्स भी माइनस में ही लगने लगी कोई फोर्स ऐसी है ही नहीं जो इसको वापस मीन पोजीशन पे लेके आए समझ में आया आप लोगों कि बेटा यहां पे तो चलो ठीक है इसने मीन पोजीशन से जब डब्बे को माइनस एक्स पे खिसकाया तो इस पे फोर्स भी माइनस एक्स पे लगने लगी क्या बेटा कोई ऐसी फोर्स है जो इसे मीन पोजीशन पे लाए क्या आपको कोई नजर आ रही है क्या जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कोई नजर आ रही है क्या नहीं सर मतलब एक बार ये इधर जाएगा तब तो ठीक है वापस आ जाएगा पर इधर से जब जाना शुरू करेगा तो बेटा ये वापस इधर कभी नहीं आ पाएगा इसका एस, एग्जाम्पल दे सकते हो आप एग्जाम्पल बताओ ऐसा कुछ आप फेंको वो लौट के तो आ जाए पर आपके पास ना रुके वो चलता जाए चलता जाए चलता जाए और चलता जाए मैं देखूं जरा ऐसा कोई है जिसको इसकी थोड़ी हवा लग रही है ऐसा है कोई हाँ सर है ना आप एक काम करो इसी एरो को जरा उल्टा घुमा के देखो ऐसा पात कभी किसी का देखा है क्या ऐसा पात कभी किसी का देखा है क्या एक कह रहा वाटर माउंटेन बास्केटबॉल <laughs> इलेक्ट्रॉन क्या-क्या बोलते रहते हो सर ऐसा पाठ तो हमने बहुत देखा है मोशन अंडर ग्रेविटी में यही तो होता है कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को फेंकूं ये बॉल ऊपर जाती है पलट के वापस आती है पर वो यहां रुकती नहीं है वो नीचे जाती जाती है जाती जाती है जाती जाती, जाती है दिस इज is... कौन सा मोशन है सर ये सर ये ट्रांसलेटरी मोशन ही तो हो गया आएगा। जल्दी से बताओ। इतनी बात है। अरे पता नहीं क्या, क्या, है क्या है वी वी लिख रहे जल्दी से हाँ ठीक है सर ये बात समझ गए अब इसी में आप जरा मुझे ये बता दो क्या बेटा आप लोगों को अब तो समझ में आ गया ना ये स्टेटमेंट के अब एन odd होगा तो दोबारा से मुझे ऑसिलेशन मिल जाएगा या ये भी लिख करके बताऊं जल्दी से बताऊं देखो आप देखो f इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर माइनस एन अब ऑड के लिए चलो n की वैल्यू थ्री ले लेता हूं तो ये थ्री हो गया तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव तो f माइनस का के एक्स क्यूब आएगा हाँ सर तो अब आपने डिस्प्लेसमेंट किस में किया है पॉजिटिव में ना एक मिनट डिस्प्लेसमेंट कितना किया है बेटा प्लस एक्स में किया है तो फोर्स कितने में मिल रही है माइनस एक्स क्यूब में मिल रही है और वही अगर आप डिस्प्लेसमेंट में करेंगे ठीक है तो फोर्स क्या मिल जाएगी बेटा एक्स का क्यूब तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा ये माइनस और माइनस प्लस क्यूब तो ये देख लो ये तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है ना कि ये जब किस पे जाएगा बेटा प्लस एक्स में तो फोर्स कहां लगेगी नेगेटिव और ये जब कहां जाएगा बेटा नेगेटिव में जाएगा तो फोर्स कहां लगेगी बेटा पॉजिटिव पर ऑर्डर कितना है तीन तो इतनी हाइयर ऑर्डर को अपन नहीं पढ़ते बेटा अपन आसान से चीज सिंपल सी चीजें सी सीखते हैं और उस सिंपल सी चीज को हमने क्या बोला सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि एक कैसा मोशन है जो कि सर एक ऑसिलेटरी मोशन है और सर इस ऑसिलेटरी मोशन की जनरल इक्वेशन जो आएगी एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगी इतनी बात को आप समझो आगे जाकर के मैं आप लोगों को इसकी एक्सलरेशन की इक्वेशन भी दिखाऊंगा तो बेसिकली हमें ये कंडीशन फोर्स के लिए चेक करनी होती है और ये कंडीशन उसके एक्सलेशन के लिए चेक करनी होती है टू प्रूव वेदर द मोशन इज एस एच एम और नॉट ये दो कंडीशन के बिना पे ये दो कंडीशन की बेसिस पे मैं ये बताऊंगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है नहीं है नहीं है जल्दी से बता दो जल्दी से बताओ चलें आगे हाँ सर अब बेटा इसके बाद अपन चीजों के और डिटेल में जाने वाले हैं ठीक है अब इधर से अपन क्या जाने वाले हैं बेटा डेप्थ में उससे पहले एक सवाल f इक्वल्स टू दी गई इक्वेशन टू एक्स या माइनस का टू एक्स प्लस का टू क्लियर है स्ट्रेट बताना है बेटा अपन को वेदर इट इज एस एच एम और नॉट या फिर हां एस एच एम और नॉट जल्दी से बता दो हमें पता है भाई आप लोग प्रो हो बता दोगे और बेटा सेम सवाल एफ इक्वल्स टू माइनस का टू एक्स माइनस टू के लिए स्टेट वेदर एस एच एम है कि नहीं यही बताओ यार सीधा यस और नो जल्दी से बताओ यस 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 ये पहला वाला है पहला वाले के लिए जल्दी कमेंट में बता दीजिए वाय यस या नो पहले वाले के लिए यस है कि नो है जल्दी से बता दो जतिन शैफा सुमित दोनों ही नहीं है सुमित एक बार फिर से सोचो अंतरात्मा से पूछो जल्दी 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 केसी विवेक नीतू यस 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 पहला वाला तो मुझे नहीं लग रहा यार बॉस देखो कैसे बता दिया तुमने नजरों से ही बता दिया पहले ये बताओ आंखों से ही बता दिया तुमने हाँ सर हम लोग प्रो हैं मैंने कहा यार मैं तुम्हारी जगह होता तो एक दो स्टेप लिखता पहले चीजों को समझता फिर बाद में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म को अपनाते पहले तो अपन समझते आप लोग लगता है थोड़ी जल्दी भावनाओं में बह गए ठीक है देखो एफ नेट एफ एफ इक्वल टू एक्स प्लस टू है सबसे पहले मैं पता क्या करता मैं इसकी मीन पोजीशन पता करता तो मीन पोजीशन कहां मिलेगा जरा ये बताओ नेट सर जहां जीरो हो जाएगा तो एफ नेट को जीरो डालता बराबर माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस तो टू बराबर माइनस टू एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन और जैसे ही एक्स की वैल्यू वन आती मैं एक नंबर लाइन सिस्टम बनाता यहां पे मैं वन को लिखता ये वन होता ये टू होता और ये थ्री होता वन के पहले क्या आता जीरो वन के इधर क्या आता माइनस वन और ये माइनस टू भैया ये गिनती आती है कि नहीं आती है हाँ सर अब मैं एक काम करता अगर मैंने इसको टू रखा एक्स की वैल्यू को अगर मैंने टू रखा तो फोर्स का जवाब नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि मैंने इसको कहा किसका है? प्लस में। अगर इस में आ गई, तब तो ये है अदरवाइज नहीं है तो इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू टू डालो तो एफ इक्वल टू माइनस टू इंटू टू प्लस टू एफ इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस टू एफ इक्वल्स टू माइनस टू तो बिल्कुल सही है कि सर आपने देखो प्लस में आया और फोर्स की वैल्यू किस में मिली बेटा मुझे माइनस का टू मिली सही बात है कि नहीं है अब मैं दूसरे साइड भी चेक करूंगा एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो इस साइड तो अब आपने डब्बे को इधर है बेटा अगर डब्बे को इधर खिसका रहे हो एक्स में तो अब फोर्स कहां लगनी चाहिए यहां पे मतलब फोर्स आनी चाहिए पॉजिटिव अब इसकी वैल्यू डालो तो एफ इक्वल्स टू माइनस टू इंटू जीरो प्लस टू फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस टू हां भैया हां ये क्या है एस एच एम है पहला वाला एस एच एम है क्या सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताओ यस सर ये वाले को बताओ ये वाला एस एच एम है कि नहीं है बेटा ये यहां से पता चल गया ना कि क्या है हमारा एस एच एम इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दू ये भी सेम ही इक्वेशन है लगभग ये बताओ माइनस टू प्लस टू एक्स ये बताओ एस एच एम है कि नहीं है अब मैंने चेंज कर दिया पुराना वाला भी यार एस एच एम ही निकल के आता ठीक है तो थोड़ा चेंज हो जाए ये वाला बताओ एस एच एम है कि नहीं है ये वाला नहीं है देखो करके देखते सर देखो आपका काम है पहला के एफ नेट को क्या रख दो जीरो और एक्स पता करो क्योंकि वो मेरा एक्स इक्म पॉइंट है तो जीरो इक्वल्स टू माइनस टू प्लस टू एक्स तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस टू प्लस टू और यहां पे टू एक्स एक्स की वैल्यू आ गई बेटा वन एक्स की क्या गई value? 1 आ गई वैल्यू वन आ गई x की क्या आ गई वैल्यू वन मेरा डब्बा इधर है इधर आएगा टू इधर आएगा थ्री इधर आएगा जीरो और इधर आएगा माइनस वन जल्दी से बता दो सेकंड टू वाई या टू एन टू वाई ये सवाल दूसरा है ये एस एच एम है कि नहीं है तो यस और नो जल्दी से एक बार आखिरी पोलिंग बच्चों द्वारा जल्दी से बता दो है या नहीं है नोरूतो नरू तो अभी मैंने देखना शुरू किया मैं थर्ड एपिसोड पे हूं अभी ठीक है मैं देखूंगा धीरे 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 ठीक है टाइम पास बढ़िया लगा मुझे तो अब मैं बाकी जल्दी से मैं पूरा कर लूंगा मेरे ख्याल से अगली क्लास अब आएगी तब तक मैं पूरा देख चुका हूंगा नो है ये चलो देखते हैं यहां पे अब मैं जरा एक काम करता हूँ इसको मैं यहाँ कैसे आता हूँ अब बेटा यहां मतलब एक्स में वैल्यू टू की डालो तो एफ इक्वल टू माइनस टू प्लस टू इन टू क्या आ जाएगा बेटा टू तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां से प्लस टू आ जाएगी मतलब आपने प्लस एक्स में घिसकाया और ये भी कहां जा रहा है बेटा फोर्स भी प्लस में आ गई बेचारे को घर वापसी कराने वाला कोई वापस इक्विलिब्रियम में लाने वाला कोई है क्या कोई है क्या नहीं सर कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है चलो बहुत बढ़िया अब एक बात और देख लो ये पहचान है इनकी करने की जहां पे बेटा जहां पे नॉन पीरियोडिक फंक्शन की नॉन पीरियोडिक फंक्शन की पहचान है कभी भी आपको इस तरीके के टेक्नोमेट्रिक फंक्शन देखें कॉसेक्स की पावर टी लॉग एक्स ये सारे के सारे बेटा मैंने मैंने ही आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया है और मैंने ही आप लोगों को ये सिखाया है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं जल्दी से बता दो इनके ग्राफ पढ़ेंगे नहीं पढ़े बेटा अपन लोगों ने बेटा इन सब के ग्राफ पढ़ेंगे नहीं पढ़े और इनके ग्राफ हमने क्या देखे हैं

क्लियर है कि नहीं है हाँ सर तो ये कुछ खास जानकारी आप लोग याद रख लो एक और बेटा आप लोगों को खास चीज बताऊं जल्दी से बताओ एक और खास चीज बताऊं जल्दी 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 हाँ सर कभी भी आपके पास ऐसा फंक्शन आए यह अलग पेज पे लिख देता हूं या इधर लिख देता हूं एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा माइनस बी कॉस ओमेगा तो बेटा ये क्या होता है दिस इज एस एच एम ये एक एस एच एम फंक्शन है और हर एक एस एच एम तो होता ही होता है ये लिखी बात है क्लियर है हा सर हर एस एच एम क्या होता है बेटा पीओडिक तो होता ही होता है पहली वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई हाँ सर दूसरा जिसको कहता जा रहा हूं बस उसका x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा दूसरा x इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक्स थर्ड x इक्वल्स टू ए साइन क्यूब ओमेगा ये जो जो लिखता जा रहा हूं बेटा ये बड़े ही स्टैंडर्ड है कोई पूछता नहीं है आपको पता होना चाहिए ये फिंगर टिप पे ये निकालने नहीं बैठोगे एग्जाम टाइम पे कि नहीं यार मास्टर ने बोला चलो हम निकालना शुरू करते हैं नहीं भैया ट्रेन छूट जाएगी तब तक तो ये एस एच एम है देख लोगे कि नहीं मैचिंग भी नहीं कर पाएंगे ये एस एच एम है ये एस एच एम है ये एस एच एम है ये वाला ये वाला है, बट नॉट एस एच ये छोटी सी बात मेरी क्या तुम लोग दिमाग में बैठ जाएगी ऐसे बादल बना करके अपने पास संभाल के रख लोगे कि नहीं रख पाओगे पहले यह बताओ ऐसा कर लोगे कि नहीं जल्दी से बताओ बेटा ऐसा कर लोगे कि नहीं कर पाओगे या आप बोल रहे हो नहीं सर हम ये कर ही नहीं पाएंगे बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो हां सर तो इसको मत भूलना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर एक दो ताजवाज भी बना दो सीधे रट लेना ये वाले निकालने बैठोगे तो समय लग जाएगा क्लियर है कि नहीं है तो ये ताज है ये भैया इम्पोर्टेंट है चले आगे अगर आप लोग को इतना क्लियर हो गया हो तो हाँ सर अब यहां पे बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ अपन चल रहे हैं वो क्या सर सब लोगों ने लिख लिया ना यहां पर इधर देखो दैट इज इक्वेशन ऑफ ऑफ एस एच एम अब आ जाओ बेटा बिल्कुल अब ये मैंने मोटी मोटी बात बता दी इतनी सीखने लायक होती है यार रेगुलर बैच में भी होते तब तो भी इतनी बातें सीखने की है ध्यान से सुनते जाओ इक्वेशन ऑफ एस एच एम सर बताओ क्या होती है अब यहां से बेटा हम फॉर्मुले वाले पार्ट में जाने वाले हैं उसके मैथमेटिकल पार्ट में जाने वाले क्लियर है हाँ, सर तो इक्वेशन ऑफ में सर आपने अभी बताया इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स की पावर एन और सर यहां पे क्योंकि एक स्पेशल केस होता है एस एच एम का तो एन की पावर क्या होती है सर वन होती है तो एफ वेक्टर टू माइनस ऑफ एक्स वेक्टर के बराबर हो जाता है जहां पे एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या है दी स्पेशल केस ऑफ न्यूटन का दूसरा लॉ न्यूटन जी का सिद्धांत है बेटा ठीक है हा सर तो इसको लिख सकता हूँ एम ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स आ, लिख दो तो मैंने लिखा सर ए वैक्टर इक्वल टू माइनस का के बाई एम इन टू एक्स ये के बाई एम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है के बाई एम को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम के बहुत सारी चीज है अभी हमारे लिए के इज एसएचएम कांस्टेंट एम अभी हमारे लिए के क्या है बेटा एस एच एम कॉन्स्टेंट है उमेगा इक्वल टू तो अंडर रूट ऑफ के बाई एम हो जाएगा यहां से एक और चीज पता चल गई इसको यहीं पे छोड़ो अब ओमेगा को पकड़ो उमेगा काम का है ओमेगा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के बाई एम वॉट इज ओमेगा वॉट इज ओमेगा बताओ जल्दी कौन है ओमेगा सर ओमेगा है हमारी एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है सर क्या है ये आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा हाँ सर ये पढ़ा है मैंने तो ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया टू पाई अंडर ऑफ क्या हो जाएगा के बाई एम एम बाई के ये बेटा टाइम पीरियड ऑफ एनी एस एच एम कैलकुलेट कर दिया लो यहीं पे ही आ गया मतलब आपने बोला कोई चीज रिपीट कर रही है तो रिपीट करने का कुछ समय तो होगा कितनी देर बाद कितनी देर बाद रिपीट कर रही है तो बेटा इतनी देर बाद ये रिपीट कर रही है क्या मेरी बात क्लियर है ओमेगा की वैल्यू यहां पे रख दी तो ये क्या आ गया बेटा टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बता दो टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम ठीक है सर मैंने बोला एक और चीज तो मैं बताऊं कहा क्या सर मैंने कहा जब भी मैं टाइम पीरियड सुन लेता हूं मैं एक खास चीज उसी टाइम पे ही कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है मैं ये बात बाद में भूल जाऊंगा वो क्या चीज सर कि टाइम पीरियड जो होता है ध्यान से सुनो सुनोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा प्लीज थोड़ा बड़ा लिखो और कितना बड़ा लिख दे बेटा बताओ और कितना बड़ा लिख दें इतना बड़ा लिख दें तुम जितना बड़ा बोलोगे उतना बड़ा लिख देंगे बताओ और बड़ा लिखे इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है ठीक है, सर। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया अब हम क्या करेंगे मैंने कहा यार जब भी टाइम पीरियड निकालता हूं ना मैं एक बहुत बढ़िया काम करता हूं मैं उसकी फ्रीक्वेंसी में लिख लेता हूं फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो वन बाय टाइम पीरियड होती है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ क्या एम बाई के होता है तो ये के बाई एम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वन बाई टू पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम बेटा ये क्या आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जल्दी से बताओ इतनी बात समझ में आई इतना समझ में आया यार राइटिंग इससे बड़ी नहीं हो पाएगी पहले मेरी बात सुनो ये अपने आप में बहुत बड़ा है आप लोगों को छोटा नजर आ रहा है क्या पहले ये बताओ छोटा लग रहा है क्या आप लोगों को पहले मैं बाकी लोगों की पोलिंग ले लूं जरा वरना ये टाइम पास वाले हैं ये छोटा बड़ा करते रह जाएंगे छोटा लिखा है क्या जल्दी से बताओ आप लोगों से पूछ लेता हूं बच्चा भगवान का रूप होता है कभी गलत नहीं बोलता है और बड़ा लिखूं ठीक है ठीक है सर एकदम सही है और नहीं तो क्या यार ये बहुत बड़ा है बेटा इतने में तो फिर अपन कर ही नहीं पाएंगे ठीक है सर नो सर नो बढ़िया है बढ़िया चलो ये मैंने आपको बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है ये स्लाइड आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जैसे ही ओमेगा इक्वल्स टू तो अंडर रूट के बाई एम आ गया मैंने क्या किया ध्यान से सुनो मैंने ये वाली बात को बेटा ओमेगा स्क्वायर को यहां पे रिप्लेस कर दिया अपन वापस इसी ट्रैक पे आते हैं सर आपने ओमेगा निकाला ओमेगा के बाद आप यहां ले गए एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिखाया टाइम पीरियड दिखाया और फ्रीक्वेंसी दिखाई मुझे अब मुझे आप वापस लेकर के आ रहे हो और आपने कहा ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स अब बेटा a इक्वल्स टू ए इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू माइनस ऑफ x बेटा ये आपकी क्या हो जाएगी कंडीशन ऑफ एस एच एम आपको जब भी एस एच एम चेक करना होगा आप इस कंडीशन से चेक कर रहे होगे इस बात को समझो इस बात को क्या करो बेटा इस बात को आप लोग समझो ठीक है सर दूसरी बात मैं ये समझाना चाह रहा हूं के ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स ए को क्या लिख सकते हैं सर सर ए को एक्स अपॉन स्क्वायर लिख सकते हैं मैंने कहा बिल्कुल सर इस टर्म को यहां पे ले आऊं तो ये हो जाएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो बेटा दिस इज नोन एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसे डिफरेंशियल फॉर्म हो जाता है इतनी बात क्लियर है आगे चले अपन लोग हाँ सर। इतनी बात तो अच्छे से क्लियर है ठीक है हाँ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा अपन कहां आ तो जाते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन पे ठीक है सर यहां पे आप हमें क्या बताने वाले हैं यहां पे बेटा हम एक एसएचएम की इक्वेशन लिखने वाले हैं कोई भी एसएचएम की बेटा इक्वेशन है या हम पढ़ते टाइम पे जो इक्वेशन लिखते हैं या तो बेटा वो साइन की होती है या तो कॉस की होती है क्योंकि यही दोनों ग्राफ बेटा हम लोगों ने आपको दिखाए हैं ये हमारा बेटा साइन का ग्राफ हो जाएगा जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है और इसी ग्राफ को अगर बेटा आप लोग इस तरीके से बना लेंगे तो ये कॉस का ग्राफ हो जाएगा अ रिपीटेड ग्राफ क्लियर है कि नहीं है हाँ। अब यहां से बेटा मैं लिखना चाह रहा हूं पहली डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए साइन फंक्शंस के रूप में ये जनरल इक्वेशन होती है ये हमें ऐसे ही याद करनी होती है ए साइन omega टी मतलब यहां पे हर एक का अपना एक मतलब है अपने एक डेजिग्नेशन की एक वैल्यू है जैसे कई बार आप लोगों ने देखा है ना कि साउथ इंडियन में क्या रहता है बेटा उनके नाम बहुत बड़े रहते हैं हाँ सर नाम बहुत बड़े रहते हैं जैसे आपने बहुत एक बढ़िया क्रिकेटर है बेटा जिनका नाम रहा था वी लक्ष्मण तो वी लक्ष्मण मैं बेटा उनके ग्रैंड पेरेंट्स का भी नाम था उनके पेरेंट्स का भी नाम था और उनका खुद का भी नाम था मतलब कई चीजों से बना हुआ उनका नाम था ऐसे ही बेटा यहां पे हर एक चीज किसी को डिफाइन कर रही है समझ में आया किसको क्या डिफाइन कर रहा है ए को डिफाइन कर रहा है एम्प्लीट्यूड ये ए क्या है बेटा उसका एम्पलीट्यूड है ओमेगा क्या है सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर ये फाइंड आउट क्या दिया गया है बेटा ये होता है इनिशियल फेज सब समझाऊंगा आप बस पेशेंस रखो मेरी गारंटी है सिखा के भेजने की ये वाली चीज को क्या कहते हो बेटा फेज कहते हो इनिशियल फेज और फेज में दोनों में अंतर में आपको समझाऊंगा धीरे धीरे आप जानोगे क्लियर है आप बस इधर पे देखते जाओ हाँ बिल्कुल सही आ, ये धमाल वाला बहुत सही बताया एक बच्चे ने लिखा सर धमाल वाला अरे वो तो एपिक सीन है वो तो एपिक सीन है अय्यर वेणुगोपाल अयर कृष्ण स्वामी वेणुगोपाल अयर कृष्ण स्वामी वेणुगोपाली और स्वामी अयर तो वो वैसा बढ़ता जाता है तो वही 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 वाला सीन है कि हर एक चीज का अपना अपना मतलब है ठीक है हाँ सर अब मैंने क्या किया बेटा ये मैंने लिखी डिस्प्लेसमेंट क्या आप ये जानते हो कि अगर बेटा मुझे वेलोसिटी चाहिए है तो डी एक्स बाई डी टी कर देता हूं हाँ सर ये तो हम जानते हैं बेटा इसका अगर डिफ्रेंसियन करूंगा तो क्या आ जाएगा सर वीक्वल्स टू बेटा यहां से ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए ओमेगा बेटा साइन का जो डिफरेंसिएशन है वो क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइन के बराबर ये क्या आ जाएगा बेटा हमारा वेलोसिटी आ गई बाकी जो भी टर्म है ना वो उनके वही मीनिंग है जो बेटा ऊपर चल रहे थे और कोई चेंज नहीं आएगा इस बात को समझो ठीक है सर तो आपने ये वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी है, बेटा जो डब्बों में चीजें हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अच्छे से संभाल के रखना और यहीं पे मैं किसकी बात करता हूं बेटा एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा सर a टू डी टू एक्स अपॉन डी टी या फिर सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या डी वी बाई डी टी जैसे आपकी इच्छा हो मैंने कहा ठीक है सर तो यहां पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा देखो ओमेगा फिर बाहर आ गया तो ये ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बेटा कॉस का डिफरेंसिएशन क्या होता है सर माइनस का साइन होता है इन टू क्या आ जाएगा बेटा ओमेगा टी प्लस फाइन नॉट के बराबर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एक्सेलरेशन हाँ सर ये एक्सेलरेशन हो जाएगा सर मैं कैसे विश्वास मान लू कि ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ये बिल्कुल सही इक्वेशन है मैं कैसे मान लू आप ये बताओ जल्दी से बताओ मैंने कहा सर आप ऐसे मान सकते हो देखो आप ऐसे लिखो ए आप मुझे एक बात बताओ क्या यहां पे ए है मैंने बोला ए है क्या यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइन है मैंने बोला बिल्कुल है तो आप सर ध्यान से देखो ना ए साइन ओमेगा टी ये बिल्कुल एक्स के बराबर है कि नहीं है मैंने कहा बिल्कुल एक्स के बराबर है तो ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया सर यही तो कंडीशन है हमारी एस एच एम की तो आप देखो ना आप कहां से घूम के कहां कहां और कहां गए और वापस वो आपको क्या मिला बेटा एस एच एम मिला बेटा ये दोनों की दोनों जो स्लाइड्स आप देख रहे हो ये दोनों की स्लाइड्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट है इनके शेप एंड साइज में मत जाओ यार देखते ही घबराहट होगी देख के थोड़ी जाना है आप एग्जाम में पता दिक्कत यही है ना बच्चा क्या करता है साइन देखा ओमेगा टेगा तो बहुत ही बड़ा है घबराहट हो रही है सर इसे देख के तो क्या करना पड़ेगा पता नहीं कैसे सॉल्व होगा अरे बहुत बेकार तरीके से सॉल्व होगा एक बार मेरी कल तक पेशेंस तो रखो मैं बताऊं तो इनमें से काम का क्या है आपका बस उसको तो जानो जल्दी से बताओ इतना क्लियर है बेटा जल्दी से बताओ बेटा आगे चलें हाँ सर तो ये सारी चीजें बेटा आपको अच्छे से समझनी है बेटा आगे चलें अपन लोग हाँ सर आगे चल सकते हैं अब देखो इसमें से आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी पीछे कोई स्क्वायर रह गया क्या नहीं सही है ना हाँ आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी एग्जाम्पल देखो कितने छोटे मोटे से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं नाइन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स इक्वल्स टू जीरो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा फाइन द उमेगा आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी एंड टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम जल्दी से बताओ क्या होगा देखो कितनी छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हैं मैंने कहा सर अब मैं इसको जैसे यार आप ये बताओ क्या आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टरी नहीं पढ़ी है पढ़ी है सर वहां पे क्या करते थे इक्वेशन का कंपैरिजन करते थे कि नहीं करते थे वो टेन थीटा बाईक्स टू एक्स टेन प्लस हाफ जी एक्स थीटा उसका कंपैरिजन करते थे सेम इसका कंपैरिजन करना है देखो, क्या लिखता हूं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो मैंने कहा बिल्कुल सही मैंने कहा पर सर, इस इक्वेशन में ये खास था ये कोफिशियंट वन था अब इसका भी कोफिशियंट अगर वन बनाना है तो क्या कर दो दोनों तरफ नाइन से डिवाइड कर दो ये नाइन ये नाइन कट गया तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बाई नाइन एक्स इक्वल्स टू जीरो यहां से बेटा उमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सोलह बटे नो आ गई तो उमेगा की वैल्यू कितनी आ गई चार बटे तीन ये उमेगा आ गया आपका ओमेगा के बाद क्या चाहिए टाइम पीरियड टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू क्या होता है टू पाई बाय ओमेगा होता है ओमेगा की वैल्यू लिख दो टू पाई अपॉन फोर इन क्या हो जाएगा बेटा थ्री तो टाइम पीरियड कितना आ गया थ्री पाई बाय फोर आ गया ये नहीं हो पाएगा क्या थ्री पाई बाय फोर नहीं टू इससे ये टू बार चला गया ना थ्री पाई बाई टू आ गया आप ये बताओ ये मुश्किल है क्या ऐसे करना ऐसे नहीं कर पाओगे हाँ सर हो जाएगा चले बेटा आगे हाँ अब यहां पर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो टाइम पीरियड होता है और जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखना है बेटा ध्यान से देखो ध्यान से देखो मैं बता रहा हूं ना ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपकी ऑसोलेशन सीखने की फिर बस आप बस इसके फॉर्मुले देखोगे कोई भी सीरीज रहेगा या न्यूमेरिकल कर रहे होगे इतना बेसिक से दोबारा नहीं मिलने वाला आप प्लीज इसको ध्यान से देखो और अब तक जो चीज खत्म नहीं करी है आप उसे करके खत्म करो किसी चीज को खींचने का कोई मतलब नहीं होता लेट्स एंड दिस टाइम पीरियड क्या होता है टाइम टेक एन to complete one revolution time taken in one chakkar अब भैया चक्कर वो वाला चक्कर नहीं है जिस चक्कर में तुम बड़े हो समझ में आया या घूमने वाला चक्कर है ठीक है सेकंड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा चक्कर पर सेकंड चक्कर पर सेकंड क्या होती है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू वन बाई टी के बराबर होता है क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है हाँ सर तो यहां पे बेटा देखो ये हम शुरू करेंगे ये बेटा हमारी मेन पोजीशन होती है मान लो हम यहां से चालू कर रहे हैं अपनी जर्नी टी इक्वल्स टू जीरो से ठीक है हाँ सर तो बेटा यहां से हम इधर गए इधर से हम वापस आए तो आधा चक्कर हुआ यहां गए और यहां से हम वापस आए तब जाकर के बेटा एक टाइम पीरियड कहलाएगा क्या कहलाएगा वन वन टाइम टाइम पीरियड पीरियड और ये वन टाइम का टू पाई ओमेगा होगा ओमेगा आप निकाल चुके हो टू पाई अंडर रूट ऑफ उमेगा के, के बराबर होता है क्लियर है इसी को बेटा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना ऐसा याद है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एफ ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं है हा सर तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ के बाई इक्वल्स टू एफ तो यहां से अगर एफ चाहिए है और यहां पे वन टू पाई। ये बेटा फ्रीक्वेंसी हो गई क्लियर है कि नहीं है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है क्या इस बात को समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोगों को हा सर दूसरा क्या होता है बेटा दूसरा तो हो गया तीसरा मेन पोजीशन। मेन पोजीशन क्या है बेटा ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मेरी नेट फोर्सेस क्या होती है बेटा जीरो होती है, है एफ एफ नेट। नेट ठीक सर? का जीरो का मतलब है एक्सलरेशन भी इस पॉइंट पे क्या रहेगा बेटा जीरो रहेगा ठीक है सर मेन पोजीशन के अबाउट ही मैं क्या कर रहा हूं बेटा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हूं ओके सर ये बात ये तीनों समझ में आ गई टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हूं मीन पोजिशन पे नेट फोर्स क्या होती है जीरो होती है एक्सलेशन क्या होता है जीरो होता है एक बात याद रखना बेटा मेन पोजीशन पे आपकी जो वेलोसिटी होती है ना वो मैक्सिमम होती है मतलब अगर ये मेरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ये मेन पोजीशन है तो जब भी पार्टिकल इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा ये दोनों ही पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा मैक्सिमम रहेगी अभी मैं ये बताऊंगा भी कितनी रहेगी हाँ सर और इस पॉइंट पे एग्जैक्टली exactly एक्सेलरेशन क्या रहेगा जीरो रहेगा इस पॉइंट पे ही एग्जैक्टली नेट फोर्स क्या रहेगी बच्चों जीरो रहेगी हाँ सर ये अभी हम समझते जाएंगे आपको धीरे-धीरे धीरे-धीरे इन सारी चीजों के ऊपर से पर्दा उठता जाएगा सस्पेंस हटता जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके लिए अभी ये समझना जरूरी है जल्दी से बता दो हाँ सर। एक्सलेशन जीरो, जीरो वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम जब ये इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव लूंगा और जब ये इस साइड जाएगा तो मैं क्या ले लूंगा बेटा नेगेटिव ले लूंगा आप इस बात को समझो क्लियर है कि नहीं है हाँ। थर्ड के बाद बेटा फोर्थ आ जाता है एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है बेटा द मैक्सिमम एम्प्लीट्यूड द मैक्सिमम एम्प्लीट्यूड फ्रॉम मेन पोजीशन On both बोथ द साइड बोथ द साइड इक्सट्रीम पोजिशन ईपी बोल दू हा मैंने कहा आप ईपी की कहानी समझो आप लोग ईपी की कहानी यही बना तू एफनेट ऊपर लिख देता हूं जीरो बताओ सर इसकी कहानी क्या है इसकी स्टोरी भी जाने मैंने कहा ये आपकी क्या है बेटा मेन पोजिशन आप एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट right में कितना जा रहे हो बेटा उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजिशन एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब ये वाला पार्ट एक्सट्रीम राइट वाला पार्ट एक्सट्रीम लेफ्ट ये वाला पार्ट और ये जो एक्सट्रीम वाला पार्ट है बेटा राइट साइड वाले को मैं क्या बोल देता हूं प्लस ए और लेफ्ट साइड वाले को क्या बोल देता हूं माइनस ए कि मुझे समझ में आए कि क्या हो रहा है तो इधर पे कभी भी मैं जा रहा हूं तो पॉजिटिव लूंगा और इधर कभी पे भी जाऊंगा मैं तो नेगेटिव लूंगा ठीक है अभी यहां पे बेटा ये भी बात जानना एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी क्या रहती है वेलोसिटी हो जाती है जीरो एक्सलरेशन होता है मैक्सिमम यहां पे भी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा जीरो एक्सलरेशन क्या होता है बेटा मैक्सिमम होता है मतलब जहां पे एक्सलरेशन मिनिमम है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है और जहां वेलोसिटी क्या है बेटा जीरो वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम है क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो बेटा पहले ये बताओ ये बात क्लियर है इतनी बात पे बता दो बेटा ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई है ये, ये क्लियर है कि नहीं है हाँ सर ये तो बात क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक पूरी पिक्चर समझ में आई है हा एम्पलीट्यूड बेटा कि मैं कोई भी चीज पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वो होता है एम्प्लीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्प्लीट्यूड ठीक है हा सर चले बेटा आगे अपन ठीक है अब यहां पे बेटा इसके जरा कायनामेटिक्स वाले पार्ट को देखना अब मैंने यही जो बातें बताई है ना उसी को मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं अब आप बढ़िया से टाइम कितना हो गया ये बताओ पहले टाइम जरा बताओ कितना हो गया उस हिसाब से हम तुम्हें चीजें बताएं पहले टाइम बता दो बता दो बता दो कोई दिक्कत नहीं है देखो कितनी घटिया लाइन खींची टाइम बताओ बेटा कितना हो रहा है सीधा ही है अरे बहुत ही बढ़िया सर थोड़ा छोटा कर दो सर टाइम बता दो कितना हो गया आप लोगों का टी टाइम हो गया जल्दी से बताओ आप लोगों का टी टाइम हो गया मिल्क टाइम हो गया बॉनविटा टाइम हो गया कि नहीं हो गया तो बढ़िया से चाय मंगवा करके अब यह कहानी देखना बढ़िया से चाय मंगवा लो आराम से टिक करके देखो बड़ी रोमांचक बातें होने वाली है ये हमारा डब्बा है जिसका मास क्या है एम है ये हमारी मीन पोजीशन है मंगवा ली चाय वाय और पढ़ाओ पांच पैतालीस हो गए ठीक है हाँ सर तो जैसे ही बेटा ये मीन पोजीशन की बात हो गई आप बढ़िया से आप रिलैक्स होकर के देखो ठीक है सर अभी आने वाले पंद्रह मिनट बेटा आप लोगों को बिल्कुल पलक नहीं झपकानी है बिल्कुल अलर्ट रहना है ये कहानी आपको किसी भी एस एच एम के कानामेटिक्स के बारे में बताने वाली है कई सारी बातें बोल रहा हूंगा जो लिख नहीं रहा हूँ पर आपको समझनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि चीजें वही रहेंगी जो पहले लिख चुका हूं बट उनके रीजन में साथ ही साथ में बताता जा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है बेटा क्लियर है चले आगे बेटा हाँ सर मैंने देखा देखो ये मेन पोजीशन है मैं इधर पे मैक्सिमम कितना जा सकता हूं उसे मैं क्या बोलता हूं बेटा प्लस मैं यहां पे कितना जा सकता हूं वहां पे बोल सकता हूं बेटा माइनस ए दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द राइट साइड दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द लेफ्ट साइड नोटेशन करने के लिए प्लस ए माइनस ए लिख दिया है ठीक है अब क्या होता है बेटा ध्यान से सुनो जब यह अपने मेन पोजीशन से आगे डिस्प्लेस करता हूं तो इसके पास इसकी वेलोसिटी जो होती है बेटा वो मैक्सिमम होती है क्लियर है मैक्सिमम वेलोसिटी अभी बता देता हूं कितनी होती है आगे समझने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी ये मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस का बेटा ए ओमेगा रहती है अब क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो बेटा क्या होता है इधर पे इसका डिस्प्लेसमेंट शुरू होता है ये इधर पे चलना शुरू किया जैसे ये चलना शुरू किया मान लो मेरा डब्बा कुछ यहां तक आ गया और ये डिस्टेंस उसने कुछ नहीं चली बेटा कुछ एक्स चली हाँ सर सर ये प्लस में एक्स चली तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा होगा वो पीछे मतलब इस पॉइंट पे बेसिकली आपने एक्स इधर लगाया तो फोर्स कहां लग रहा होगा पीछे आप हमें एक बात बताओ किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर बेटा वेलोसिटी आगे होती है और एक्सलेशन पीछे होता है तो ये मोशन कैसा होता है सर ये मोशन रिटार्डिंग वाला मोशन होता है कौन सा मोशन होता है रिटार्डिंग वाला। तो और दूसरा बेटा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस ऑफ एक्स जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स विल आल्सो इंक्रीज़ और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ दी फोर्स विल इंक्रीज तो बेटा एक्सलरेशन भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब सर मैं अपने मीन पोजीशन से अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाऊंगा तो इधर से इधर जाते टाइम पे मेरा जो मोशन होगा वो रिटार्डिंग मोशन होगा मतलब आगे जाते जाते मेरी वेलोसिटी विल डिक्रीज और फाइनली फाइनली इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आकर के इस पॉइंट पे आकर के मेरी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा जीरो हो जाती है। इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी क्या हो जाती है वेलोसिटी बिकम्स जीरो। मतलब मैं इधर से सीधा चला 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 इधर, इधर से आया और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई जीरो हाँ सर। और अगर मेरी वेलोसिटी जीरो हो गई है पर मेरे पास एक्सेलरेशन है तो ध्यान से देखो क्या इधर से एक्सेलरेशन जो है बेटा वो इस साइड पे लग रहा है तो इधर से मैं क्या करूंगा सर आप इधर पे आओगे इधर पे आओगे और इधर से पलट करके वापस जाओगे इस पॉइंट पे एग्जैक्टली exactly, क्योंकि इस पॉइंट पे एग्जैक्टली exactly, वेलोसिटी जीरो एक्सलरेशन सर आपका मैक्सिमम दैट इज इक्वल्स टू माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर क्लियर है कि नहीं है ये बता दो यहां तक बेटा बातें क्लियर है यहां तक बेटा समझ में आया अब यहां से क्या होगा बेटा कोई भी पार्टिकल देखो वेलोसिटी और एक्सलेशन अपोजिट होता है तो ये रिटार्डिंग मोशन होता है और कोई भी पार्टिकल जो मोशन करेगा ना बेटा वो किसके डायरेक्शन में करेगा वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में मोशन करता है ठीक है सर यहां पे अब क्या हो गया फाइनली ये दोनों जीरो हो गए ये वाला पॉइंट बेटा इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये पीपी -पी पॉइंट होता है कौन सा पॉइंट होता है बेटा ये पीपी -पी पॉइंट सर ये पीपी -पी पॉइंट मतलब पीपी -पी पॉइंट बोले तो पल्टी पॉइंट यहां पे बेटा अभी तक मेरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये था अब इसने चेंज करके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये कर लिया मतलब इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी बदल गई है याद करो जब भी वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदलेगी क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सलेशन जीरो होगा कि नहीं होगा आप मुझे इतना बताओ आप मुझे इतना बताओ हाँ सर इतना होगा तो यहां से ये क्या करेगा बेटा यहां से ये पलट करके जाएगा यहां से ये पलट करके जाएगा अब क्या हो रहा होगा सर पलट के जब जा रहा होगा तो x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि अब मैं मीन पोजिशन पे जा रहा हूं x की वैल्यू घटेगी तो एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x x घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घटेगा हा सर और यहां से बेटा यहां तक जाते 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 फाइनली ऐसा पॉइंट फिर से आ जाता है एग्जैक्टली exactly इस पॉइंट पे सर क्या आ जाता है जहां पे एक्सलरेशन क्या हो जाता है बेटा जीरो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा मैक्सिमम क्यों सर क्योंकि मेन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई जीरो अगर एक्स जीरो तो फोर्स जीरो और फोर्स जीरो तो एक्सलेशन जीरो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा यहां पे जीरो हो जाएंगे क्लियर है कि नहीं है हा सर इसके बेटा आगे चले फिर यह क्या करेगा बेटा अभी हम जा रहे थे हैं राइट हैंड साइड पे अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो जब हम बेटा इस साइड को इस डायरेक्शन में मूव होंगे फिर से आप देखो बेटा कि एक्स की वैल्यू फिर से बढ़ती जा रही है और यहां पे एक्सेलेशन की वैल्यू फिर से क्या होती जाएगी बेटा इंक्रीज होती जाएगी मतलब अब सर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और अगर आप ध्यान से देखो पहले तो ये बताओ इस पर फोर्स कहा होगा अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इस पर फोर्स इधर लग रही होगी कि नहीं हाँ सर और अगर वेलोसिटी की कंपैरिजन में देखो बेटा तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है एक्सलरेशन अपोजिट है एक्सलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट होंगी तो फिर से ये मोशन कौन सा हो जाएगा बेटा ये मोशन सर फिर से मेरा रिटार्डिंग हो जाएगा कैसा मोशन हो जाएगा बेटा रिटार्डिंग मोशन हो जाएगा ठीक है सर और फाइनली इस पॉइंट पे आकर के क्या होगा फाइनली सर फिर से मैं कौन से पॉइंट पे आ गया एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गया एक्सट्रीम पॉइंट पे सर मेरा एक्सलरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा एक्सलरेशन की वैल्यू प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर होगी वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी सर जीरो से सर ये क्या करेगा इस पॉइंट से इधर पलटी मारेगा और ये वापस जा रहा हो सर वापस आते टाइम पे ये मोशन कैसा हो जाएगा एक्सलरेटेड हो जाएगा सर क्यों हो जाएगा क्योंकि अब जब वापस जा रहा है तो वेलोसिटी भी इधर है और एक्सलरेशन भी इधर है तो ये वापस आते 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 इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी बेटा बढ़ रही होगी और फाइनली फिर से जब ये मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसका क्या जीरो हो जाएगा बेटा एक्सलरेशन जीरो हो जाएगा अब ये दोबारा से अपना उसी पोजीशन पे आ गया जहां से इसने अपनी जर्नी शुरू करी थी अब जाकर के बेटा एक साइकिल कहलाएगी अब जाकर के एक टाइम पीरियड कहलाएगा पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई जल्दी से इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी हाँ सर मतलब सर इसको थोड़ा कट शॉर्ट करता हूं अगली स्लाइड में आप देखना ठीक है सर कट शॉर्ट में आप ये बताओ कट शॉर्ट में सर आप क्या कहना चाहते हो सर कट शॉर्ट में अगर मैं ये बात कहूं आप बहुत सिंपल भाषा में समझो बिकॉज़ रीज़न आपको पता चल गया आपको अपने दिमाग में क्या रखना है आप उस बात पे समझो ठीक है सर सर ये मेरा मेन पोजीशन है एम पी एम पी पे एक्सलरेशन जीरो होता है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इधर जाएगा सर जब ये सर मैक्सिमम पोजीशन से प्लस ए पे जाएगा मतलब मेन पोजीशन से प्लस ए जाएगा मोशन रिटार्डिंग होगा हा सर ये इधर पे जाएगा तो क्या होगा रिटार्डिंग जब एक्सट्रीम पे आएगा जब कहां पे आएगा बेटा एक्सट्रीम पे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा मैक्सिमम वी इज जीरो ए इज मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू प्लस का ए ओमेगा होगा क्लियर है कि नहीं है हा सर तो जब ये प्लस ए से कहा जा रहा होगा बेटा प्लस ए से ये पोजिशन पे जा रहा होगा तो ये मोशन जो कहलाता है ये एक्सलरेटेड कहलाता है तो बेटा ये इधर से इधर जाएगा इधर से ये पलटेगा पलट के क्या करेगा बेटा ये? वापस जाएगा वापस जाते टाइम पे वो बेटा एक ऐसी पोजीशन पे आ गया वापस उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम बट दिस टाइम वेलोसिटी इज मैक्सिमम ऑन दी नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में और फिर ये बेटा प्लस मेन मेन पोजिशन पे से कहा जाएगा माइनस ए तो ये मेन पोजिशन से कहा जा रहा है बेटा माइनस ए पे तो ये मोशन कैसा मोशन होगा रिटार्डिंग मोशन होगा? होगा इस पॉइंट पे फिर वो एक्सट्रीम पे आ गया वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा जीरो हो जाएगी एक्सलेशन क्या होगा मैक्सिमम होगा बट इन दी नेगेटिव डायरेक्शन मतलब यहां की तरफ उल्टा लिख दिया क्या हाँ, इधर बेटा प्लस ए लिखना इधर पे माइनस ए लिखना पीछे की तरफ है ना हाँ, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर पीछे भी तो यही नहीं लिख दिया या माइनस है वहां प्लस है हाँ ठीक है यहां पे, इतनी बात क्लियर है और जब बेटा ये माइनस ए से मेन पोजीशन पे आएगा तो ये फिर से कौन सा हो जाएगा एक्सेलरेटेड हो जाएगा तो ये बेटा इधर जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा बेटा एक्सेलरेटेड क्लियर है कि नहीं है अब जाकर के कहीं बेटा वो वन टाइम पीरियड कहलाएगा इतनी बात क्लियर है आप लोगों को हाँ सर तो बेटा वन टाइम पीरियड मेरा चार पार्ट में डिवाइड हो गया यहां से लेकर के ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट बेटा t बाय फोर यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट होता है दैट इज ऑल्सो t बाय फोर यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट होता है दैट इज ऑल्सो t बाय फोर और यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट होता है वो भी बच्चों t बाय फोर होता है क्या इतनी बात क्लियर है जल्दी से बताओ बेटा इतनी बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बेटा आपको इतनी बातें याद रखनी है अगर कोई कहे सर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी भी बता दो तो वो प्लस का ए ओमेगा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का ए ओमेगा हो जाएगा वेलोसिटी एक्सलेशन सब दिखा दिया बेटा अब इस बात को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो आप इस बात को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो फिर अपन आगे चलेंगे अब बेटा बस फेस की बात करनी है दो तीन चीजें और इसकी बड़ी सॉलिड सॉलिड बेटा बात करने वाले हैं पहले आप ये बताओ यहां तक सब क्लियर है जल्दी से बताओ इतनी बात क्लियर है मैं आप लोग के कमेंट्स देख रहा हूं हां थोड़ा थोड़ा ही इससे बेटा मैं काम चल जाएगा मेरा जरूरी नहीं है यार पूरा है पूरा है, कोई चीज हंड्रेड परसेंट एक बार में तो नहीं होता जितना समझाया है ये आदमी कह क्या रहा है अगर आपको इतना भी समझ में आ गया तो काफी है मेरा काम उधर कंप्लीट हो जाता है अगर इसमें मैंने कुछ भी बताया हो आपको उसका 50 50 भी समझ में आया है एट दी एंड ऑफ द डे मैं आपको 100 परसेंट सिखा चुका हूंगा मैं सब करवा दूंगा बट आप इतना समझोगे हां यार कुछ चीजें समझ में तो आ रही हैं कुछ कुछ आ रही हैं थोड़ा और एफर्ट लगाना है पूरा आएगा बस इतने से मैं काम कर ले जाऊंगा हाँ सर ठीक है अब, अब 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 ध्यान से सुनो अब बेटा अब सुनो अब ये चीज रिपीट होती जाएगी अभी आप चिंता मत करो ये सब आता जाएगा मैं कह रहा हूं ना अभी मैं ये वाली स्लाइड पे लिख देता हूं अभी कितने हो सेवनटीन थर्टी 1733 हो रहे हैं। ठीक है आप जब लेक्चर एंड होगा ना ये जब स्लाइड लिखी है कहां थी पीछे वाली ये जो स्लाइड है ना अभी कितने हो रहे सेवनटीन 1733 हो रहे हैं साढ़े पांच हो रहे हैं अपन जब पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे ना अपन वापस इस पे आएंगे फिर मैं पूछूंगा बेटा क्या अब 100 परसेंट आया कि नहीं आया फिर तुम दोबारा से जवाब देना क्योंकि बेटा अभी यह चीज इतना बार यूज होगा ना कि भैया हमारी नसों में बस जाएगी ये सारी बातें क्लियर है आप इसकी जिंदा मत करो हाँ देखो आप अब बेटा मैं बात करता हूं इनिशियल फेज की सर इनिशियल फेज क्या होता है आप ये बताओ मैंने कहा बताता हूं पर आपको आराम से सुनना पड़ेगा उन्होंने कहा कि मैं आराम से सुनने को तैयार हूं तो ऐसा हुआ कि आप संडे का दिन था किसका दिन था संडे का दिन था अगर आप अपने दोस्त को कभी भी फोन लगाते हो आप पहली चीज उससे क्या पूछते हो गाली देने के अलावा पहला वर्ड गाली है वो तो मैं समझ गया पहला वर्ड तो गाली दोगे अगला वर्ड क्या पूछोगे ये ये आगे भी लगाते हैं कुछ लोग कुछ लोग बाद में भी लगाते हैं जल्दी से बताओ बिल्कुल दोस्तों वाली बात है शर्माना नहीं है आप बता सकते हो आप क्या पूछते हो सबसे पहले जल्दी से बताओ जल्दी 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 एक क्या मैं दोनों जगह लगाता हूं सर मैं दोनों जगह लगाता हूं वो आपकी मित्रता पे डिपेंड करता है अगर वो आपकी मित्रता पे डिपेंड करता है अगर आप दोनों जगह लगा रहे हो तो भैया वो तो फिर वो तो बचपन का ही दोस्त होगा तुम्हारा अगर दोनों जगह बर्दाश्त कर रहा है वो तो बचपन का ही दोस्त होगा <laughs> तो सबसे पहले अपन जो पूछते हैं अपन ऐसे ही तो पूछते हैं कहा है बे फिर आगे जो भी लगाना है आपको और कई लोग डैश कहा है तो सबसे पहले अपन यही पूछते हैं कि भैया अपनी लोकेशन मतलब जिस टाइम पे फोन किया हमने टी इक्वल्स टू जीरो पे तुम कहां हो शाम के टाइम पे बच्चे घर पे नहीं मिलते हैं उसको दोस्त को लगा रहा है फोन तो जरूरी थोड़ी है कि टी इक्वल्स टू जीरो पे जब मैंने फोन लगाया वो घर पे ही हो ऐसा होता है क्या हमेशा तो आपका पहला सवाल होता है कि हाँ कहा पे? तो कहा मतलब आप उसकी t इक्वल्स टू जीरो पे बेटा लोकेशन पता करने जा रहे हो और t इक्वल्स टू जीरो पे अगर वो घर पे है तो दैट इज थिंग नहीं है तो अपन को वैसा बताना पड़ेगा तो अब बेटा इनिशियल फेज की मदद से मैं एक इक्वेशन को लिखना सिखा रहा हूं कि अगर इक्वेशन में कुछ ऐसा लिखा होगा तो आप उससे क्या समझोगे मैं उसकी बात करता हूं क्लियर है कि नहीं है यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बेटा इधर पे सुनो बेटा यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है प्लीज इधर पे ध्यान दो प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज इधर ध्यान दो हाँ सर ठीक है अब यहां से बेटा ये सब अपार्ट यार ये सारी चीजें तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं ना इधर सुनो बेटा एक बात बताओ कि ये हमारी क्या होती है बेटा मेन पोजीशन होती है ये प्लस से होता है और ये क्या होता है बेटा माइनस है हम लोग क्या करते हैं क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है ये अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं बेटा तो इनकी लोकेशन भी अपन ऐसे बता देते हैं जैसे ये साइन का है ना तो आप याद करो साइन की वैल्यू में साइन की वैल्यू में जीरो आता है थर्टी डिग्री आता है फोर्टी फाइव डिग्री आता है सिक्सटी डिग्री आता है फिर क्या आता है बेटा नाइन्टी डिग्री आता है आता है कि नहीं आता है इसे और लंबा भी कर सकते हैं अपन हाँ सर इतना आता है अभी पहले इतने को देख लो तो साइन जीरो क्या होता है जीरो साइन थर्टी इज वन बाई टू फोर्टी फाइव इज वन बाय रूट टू सिक्सटी इज रूट थ्री बाय टू और नाइनटी इज वन क्लियर है कि नहीं है हाँ तो इसको बेटा सेम ऊपर वाले मेन पोजीशन और प्लस ए से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये जीरो ये है, ये क्या है बेटा प्लस ए इसका आधा इधर आ जाता है बेटा जिसे अपन ए बाय टू भी लिख सकते हैं जो इसके बीच में पड़ेगा अगला क्या हो गया 45 तो वो होता है बेटा a बाय टू फिर क्या आ जाता है बेटा रूट थ्री ए बाय टू मतलब a को हमने मैक्सिमम एम्प्लीटूड मान लिया बच्चों और इसको हमने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया टुकड़ों तो में डिवाइड कर लिया इसमें कोई दिक्कत है क्या नहीं सर सेम जैसे मेन सिंपल ए फंडा है, जल्दी से बताओ इसमें तो नहीं है ना दिक्कत नहीं सर मैंने कहा अच्छा ये बताओ अब आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 90 डिग्री से वापस अगर आप आओगे ठीक है तो जैसा बेटा आप यहां पे प्लस में लिखते हो वैसे यहां पे आप माइनस में लिखते हो तो ये हो जाएगा माइनस का ए बाय टू माइनस का ए बाय रूट टू और ये हो जाएगा माइनस का रूट थ्री ए बाय टू ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जल्दी से बता दो हाँ सर अब बेटा अब अपन इसी के साथ खेलेंगे बड़ा मजेदार खेल होने वाला है आप अब अब ये जो पार्ट है ना ये हमारा टर्बुलेंस वाला पार्ट है जैसे जो हवाई विमान जो रहता है ना अपन बेटा प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में क्या होता है टर्बुलेंस मतलब हवा में आधी आधी आ जाती है तो मतलब प्लेन अब यहां से क्रैश भी हो सकता है अपन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जा रहे हैं। और यहां से अगर प्लेन अपन ने निकाल लिया अपना फिर आगे कोई नहीं रोक सकता है बस यही है एसएचएम जिस पॉइंट से आपको समझ में नहीं आता है वो बस यही पॉइंट है तो आप पहले मुझे बताओ क्या ये वाले पॉइंट को समझने के लिए आप बढ़िया से तैयार हो या नहीं हो पहले आप ये बताओ धीरे धीरे सब सीख जाएंगे जल्दी से बता दो नहीं सच बात बता रहा हूं देखो डराने वाली बात थोड़ी यार डरा के क्या मिल जाएगा तुम्हें क्या मिलेगा आपको बस बता रहा हूं कि आप ध्यान मत देना इधर उधर अब पूरा ध्यान यहां पे देना वरना गलत हो जाएगा ठीक है सर अब मैं आता हूं इनिशियल पेज पे ठीक है कहा आने वाला हूं बेटा हाँ सब लोग रेडी हैं अरे बहुत बढ़िया बस अब यहां से तो बेटा खतरनाक x इक्वल्स टू होता है सर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइनॉट ठीक है फाइनॉट क्या होता है बेटा फाइनॉट इज द इनिशियल फेज ठीक है द दोजीशन ऑफ द पार्टिकल at t equals to zero from the बेटा अपन बनाते कहा बताते कहां से फ्रॉम द मेन पोजिशन कहां से बेटा मेन पोजिशन से उसको बताते हैं क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है हा सर बेटा ध्यान से सुनते जाओ यहाँ पे अब कोई भी चैट पे फालतू बात करेगा तो डांट भी खा जाएगा और बेजती भी भयंकर हो जाएगी समझ में आया तो अब यहां पे देखना है अगर मैं पढ़ाता हूं अच्छे से तो फिर मैं डांटता भी अच्छे से हूं फिर मैं नहीं देखूंगा कि कौन है क्या है फिर अलग से मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि सर इतने बच्चों के सामने मुझे आपने डांट दिया ठीक है वो तो सामने नहीं हूं वरना उठा के भी फेंक देता अब पढ़ाई पे ध्यान दो क्या होने वाला है सर अब ऐसा क्या होने वाला है जो आप इतना कह रहे हो आपस मैंने बोला अब इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यहां से थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होगी तो मैं अगर पता होता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तो बात ही अलग होती इसलिए मैं कह रहा हूं इधर पे ध्यान दो आपके लिए चीजें बड़ी सिंपल लेकर के आया हूं पर अगर आप नहीं सुनोगे तो बेटा कोई भी चीज का फायदा थोड़ी है ठीक है सर तो क्या होता है बेटा ये हमारा साइन का ग्राफ होता है जो यहां से शुरू होता है और यहां पे जाता है तब जाकर के एक टाइम पीरियड खत्म होता है तब जाकर के एक टाइम पीरियड खत्म होता है ये बात सही है कि नहीं है हाँ सर ये जो पॉइंट होता है बेटा दिस इज नोन एज मीन पोजिशन ध्यान से सुनते जाओ प्लीज प्लीज सुनते जाओ हाँ सर ये जो होता है ना सर ये क्या होता है प्लस ए होता है और ये क्या होता है सर ये फिर से मीन पोजीशन है ठीक है सर तो बच्चों होता क्या है जब भी आप ये मीन पोजीशन से प्लस ए की तरफ जाते हो जब आप मीन पोजीशन से प्लस ए की तरफ जाते हो इधर से ये वाला पाथ जो आपका रहता है वो बेसिकली बेटा ये वाला क्वाड्रेंट आपका रहता है ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला क्वाड्रेंट रहता है बेटा। क्लियर है? यहां पे बेटा सेम वैल्यू आएगी मतलब ये है कहां से कहां तक ये जीरो मेन पोजीशन है मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है नाइनटी डिग्री पे जैसे अगर आपको रेडियन में लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा पाए बाय हो जाएगा ठीक है जल्दी से बताओ कितना क्लियर है सर। अब जब बेटा ये प्लस से वापस मीन पोजीशन पे आएगा ना तो ये क्या होगा 90 से वापस मीन पोजीशन पे 180 डिग्री पे आएगा जिसे अपन पाई बोलते हैं मतलब जब भी मैं जीरो से बेटा प्लस ए तक जाऊंगा मेरी जो एंगल की रेंज रहेगी वो जीरो से पाए बाय टू तक रहेगी ये सुन रहे हो कि नहीं जीरो से पाए बाय टू रहेगी जब मैं वापस आ रहा हूंगा प्लस ए से वापस आ रहा हूंगा प्लस ए से मीन पोजीशन प्लस ए से मैं मीन पोजीशन आ रहा हूं जो कि जीरो है उस टाइम पे जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी बेटा उस टाइम पे वैल्यू मेरी लाए करेगी सर 90 से लेकर के 180 तक मतलब जब मैं इधर से इधर तक जा रहा हूंगा तो मेरी पाई की वैल्यू कहां से कहां तक पाई टू से पाई तक लाए करेगी पहले आप यह समझो इस रेंज में लाए करेगी मतलब अगर मैंने पूछ लिया कोई भी पार्टिकल मैंने पूछ लिया तुमसे कोई भी पार्टिकल कोई भी पार्टिकल कहां पे है कोई भी पार्टिकल ए बाय टू पे है आपका सवाल क्या होगा मुझसे सर ए बाई टू पे तो है वो बढ़िया बात है पर ये ए बाई टू पे जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है या एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आ रहा है मतलब यह चीज अभी आधी अधूरी है कि वहां से वो वापस आ रहा है या मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है अगर वो मेन पोजीशन से प्लस ए जा रहा होगा तो आंसर जीरो से पाई बाय टू में आएगा और अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आ रहा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी सर पाई बाय टू से पाई तक होगी ठीक है दूसरी बात दूसरी बात जैसे हमने फोन करा अपने दोस्त को किया कि हाँ भाई कहां पे हो उसने कहा बस रास्ते में है यार मैंने कहा बाहर हूं मैंने कहा बाहर हूं वो तो मैं जानता हूं पर बाहर कहां बाहर कह रहे यार अभी बस मैंने अब मैंने कहा यार रास्ते में खड़ा हूं यहां पे एक दुकान है बापू की कुटिया वहां पे खड़ा हूं कह रहे वहां पे क्यों खड़ा है तो अगला सवाल ये होगा यार तू मार्केट जा रहा है या मार्केट से वापस घर आ रहा है मतलब T इक्वल्स टू जीरो पे T इक्वल्स टू जीरो पे ये किस जगह पे हो उससे काम नहीं चलेगा यार अगर वो मार्केट जा रहा होगा तो तुम उससे मार्केट में मिलोगे वो घर आ रहा होगा तो तुम उससे घर पे मिलोगे तो नेक्स्ट पॉइंट ये इधर जा रहा है या ये इधर आ रहा है और ये हर एक पॉइंट पे पॉसिबल है बच्चों, ये हर एक पॉइंट पे पॉसिबल है जा रहा है या आ रहा है ठीक है सर अगर ये जा रिया होगा तो ये जा रिया होगा तो जीरो से लेकर के पाई बाय टू अगर ये आ रिया होगा तो पाई बाय टू से पाई ठीक है सर ये वापस इधर तक आ गया अब इधर से आया ये कहां की तरफ माइनस ए की तरफ आया तो ये मेन पोजीशन से कहां आया सर माइनस ए यहां से बेटा सारी चीजें नेगेटिव होती हैं अब मेरे ख्याल से आपको सामने ही जवाब मिल गया कि ये सारी चीजें नेगेटिव होती क्यों हैं यार आप ये नेगेटिव तो समझ में आ रहा पर क्यों है क्योंकि ये इक्वेशन साइन की है आप बेटा अगले पार्ट में ये जो जा रहा है ना कहां जा रहा है अब सही बताओ ये जा कहां रहा है सर ये अब मेन पोजीशन से कहां जा रहा है सर मेन पोजीशन से ये माइनस एक्सट्रीम पे जा रहा है ये उसकी मेन पोजीशन है ये उसकी क्या है बेटा माइनस एक्सट्रीम है अब जो भी पार्ट होगा इसका वो कौन सा वाला पार्ट होगा बेटा वो ये वाला पार्ट होगा जो कहां से कहां तक होगा सर वो पाई से लेकर के ये जो माइनस वन कम मिलता है सर 270 डिग्री पे तो ये जीरो से लेकर के 270 डिग्री पे मिलेगा ये जो पार्ट है ये माइनस ए का पार्ट होगा अब जल्दी से बता दो ये बात समझ में आई मतलब अब जो रेंज लाई करेगी वो बेटा पाई से लेकर के टू पाई बाई थ्री टू बाई बाई थ्री आएगा कितना आएगा जरा ये बताना नहीं थ्री पाई बाय टू ये ऊपर कितना नब्बे है हाँ ठीक है थ्री बाय बाय टू तक तो ये कितना होगा बेटा जीरो से लेकर पाई से लेकर के पाई से लेकर के थ्री पाई बाय टू की रेंज में ये आएगा और नेगेटिव क्यों आ रहा है क्योंकि इसके बाद सारे एंगल हमें नेगेटिव वैल्यू देने वाले हैं अब क्लियर है कि नहीं है हाँ सर और यहीं पे अगर मैं देखूं जब बेटा यहां से वो वापस आएगा यहां से घूम के जब वो वापस आएगा तो माइनस ए से मीन पोजीशन है मतलब थ्री पाई बाय से मैं वापस कहां जा रहा हूं टू पाई पे जा रहा हूं मतलब अब मेरा जो भी रिजल्ट आएगा बेटा ये वाले रीजन का वो कहां से आएगा थ्री 2 बाय टू से कहां तक आएगा बेटा टू पाई तक आएगा मतलब अब ये वाले पार्ट में मेरा थ्री पाइव बाई टू से रिजल्ट आने वाला है टू पाइप में और ये, ये 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 रीजन रहने वाला है क्या अब मेरी बातें आप लोगों को सुनाई और दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं पहले ये बताइए जल्दी से बताओ हाँ सर तो बेटा ये ऐसे ही और इसी तरीके से हमें करना होता है अगर आपने यहां तक कर लिया तो बस मेरा मकसद यहीं पे पूरा हुआ मैं एक चीज और आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं इससे बढ़िया आपने चीज देखी नहीं होगी मतलब बताई होगी कई मास्टरों ने बताई होगी यार तो यहां पे देखो यहां पे बस उस चीज को रिवीजन करा रहा हूं ठीक है ये कोई मैंने घर पे बैठ करके थोड़ी बनाया है। जल्दी से बताओ बेटा जब भी आप यहां से यहां जाओगे ना आप आंसर मुझे थीटा में दोगे जब आप यहां से यहां तक जाओगे तो यहां पे पाए टू माइनस थीटा में दोगे इतनी बात बताओ यहां तक दे दोगे थीटा वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जल्दी से बताओ या डायरेक्ट पाई में से कर देना पाई माइनस थीटा और जब यहां से यहां जाओगे यहां से यहां जाओगे तो पाई प्लस थीटा बताना और यहां से यहां जाओगे तो टू पाई माइनस थीटा बता देना इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप मुझे इतना बता दो ये वैल्यू बेटा आपकी जीरो होती है ये वाली वैल्यू आपकी पाए बाय टू होती है ये वाली वैल्यू जीरो डिग्री ये वाली वैल्यू आपकी कितनी होती है पाई होती है और ये वाली वैल्यू कितनी होती है थ्री पाई बाय टू होती है और वापस जब आ जाओगे तो टू पाई हो जाएगा अगर आपने मेरी इतनी बात अगर समझ ली होगी अब हम उस टर्बुलेंस से बाहर आ चुके बस ही इतना इतना ही टर्बुलेंस था। टर्बुलेंस यहां खत्म हो गया यहां खत्म हो गया इतना ही टर्बुलेंस था अब इसी को अपन को समेटना है क्लियर है कि नहीं है अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है ठीक है सर मैंने कहा एक सवाल पूछा बेटा मैंने आपसे और इस सवाल की आपको इक्वेशन भी लिखनी है ठीक है सर बताओ क्या इक्वेशन है क्या इक्वेशन है सर ये बताओ मैंने कहा बताते हैं आपको इक्वेशन आराम से इक्वेशन का आप मजा लो पहले इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं क्या बताना इनिशियल इनिशियल फेज बता रहा हूं कैसे लिखोगे बेटा पहला है और मैं इतने सारे सवाल करवा दूंगा कि आप खुद देखना सीख जाओगे ये मेन पॉइंट पे और ये क्या है बेटा एक्सट्रीम पॉइंट पे कोई पार्टिकल यहां पे है जो कि इधर जा रहा है टी इक्वल्स टू जीरो पे आपसे पूछा गया कोई पार्टिकल अगर इधर होगा तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी इक्वेशन लिख करके बताओ मैंने कहा ठीक है और जनरल इक्वेशन इसकी जो दी गई है वो दी गई है बेटा x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा मैंने कहा ठीक है सर मैंने कहा आप यह बताओ t इक्वल्स टू जीरो की बात कर रहे हो मैंने बोला हा मैंने कहा वैल्यू देखो यहां पे t इक्वल्स टू जीरो में इसकी एम्बली की वैल्यू कितनी है बेटा जीरो है जीरो इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा हाँ सर जीरो इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा ए साइन ओमेगा टी के बराबर यहां पे चाहो तो प्लस नॉट और लिख लो पेज और ये सब चीजें अपन लिख लेंगे हाँ इक्वेशन लिखनी है बेटा टी इक्वल्स टू जीरो तो कैसे लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा t प्लस ए साइन नॉट के बराबर t इक्वल्स टू जीरो बेटा ये टाइम है जीरो डालोगे तो ये पूरा क्या हो गया जीरो x इक्वल्स टू ए साइन के बराबर आप बेटा x की वैल्यू यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो है कि नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा a साइन phi नॉट के बराबर तो यहां से बेटा a की वैल्यू जीरो मतलब ये भी क्या आ जाएगा जीरो इक्वल्स टू साइन फाइन नॉट तो यहां से phi नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा सर जीरो आ गई मतलब कोई भी पार्टिकल अगर मेन पोजिशन पे होगा तो उसकी इक्वेशन कैसी नजर आएगी x इक्वल्स टू ए साइन उमेगा t के बराबर नजर आएगी कोई भी पार्टिकल कहां होगा बेटा अगर जीरो पे होगा उसी तरीके से एक और एग्जांपल साथ ही में समझो तभी डिफरेंस समझोगे तभी तो आप क्या समझोगे बेटा डिफरेंस समझोगे इधर देखो ये मेरी मेन पोजीशन है ये ए बाई टू है ये क्या है बेटा प्लस ए है ये वाला क्या है सर माइनस ए है मान लो टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल इधर जा रहा है आपसे यह बोला कि कैलकुलेट इसकी इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन क्या होगी जरा बता दो सर इक्वेशन आराम से लिख लूंगा मैंने कहा देखो आपकी जो जनरल इक्वेशन है वो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइन होता है अब बेटा आप मुझे ये बताओ ये आप समझ जाओगे ना t इक्वल्स टू जीरो पे क्या हो जाएगा सर t इक्वल्स टू जीरो पे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और t पे कितना है? A 2. तो लिखूंगा ए बाई टू ए साइन फाइन ऑट बेटा ए से ए चला गया साइन फाइन ऑट की वैल्यू कितनी आ गई वन बाय टू साइन वन बाय टू कब होता है थर्टी डिग्री में और रेडियन में लिखोगे तो कितना आएगा पाई बाय सिक्स तो वाई फाइव नॉट की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय सिक्स तो बेटा कोई पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो इसकी जनरल इक्वेशन x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स हो गई पाई बाय सिक्स से मैं क्या समझा और यहां से कुछ भी नहीं है तो मैं क्या समझा कुछ भी नहीं है तो यह समझा कि ये मीन पोजिशन पे है पाए बाय सिक्स से यह समझा के मैं कहा हूं ए बाय टू पे हूं अब मुझे आप बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई अब मुझे आप ये बताओ हाँ सर अब और इसी को देखते हैं बेटा एक और एग्जाम्पल लिखते हैं ठीक है ये बेटा मेरी मेन पोजीशन है ये अब मैंने ए बाय टू लिख दिया और मेरा पार्टिकल इधर जा रहा है और ये वैल्यू क्या हो गई बेटा प्लस का ए अब आप इक्वेशन बेटा सेम ही चीजें चल रही है मैं डायरेक्ट लिखता जाऊं हाँ सर तो x इक्वल्स टू जनरल इक्वेशन तो यही है a साइन ओमेगा प्लस के बराबर बेटा t इक्वल्स टू जीरो पे है ना ये पार्टिकल यहां पे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी a बाय टू सर इज इक्वल्स टू ए साइन फाइन ऑट क्योंकि ये कंडीशन कब की है सर t इक्वल्स टू जीरो की है तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है a से a चला गया वन बाय रूट टू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ फाइन ऑट के बराबर बेटा वन बाय रूट टू कब आता है सर जब मेरा फेज डिफरेंस होगा भाई भाई एक और खास बात बताता हूं। ये याद करके चलना मज़ा ही आ जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो बेटा मजा ही आ जाएगा अगर आपको ये डिस्टेंसेस याद है यू विल बी लाइक अ फ्लैश मतलब जल्दी जल्दी होगा यार तुम ये मानो कि कोई चीज आपको सिखाने की इतनी खुशी होती है ना आप जब सीख जाते हो एट दी एंड ये लगता है कि हां भैया कोई मिशन अंक अकम्प्लिश कर लिया है आपको कोई भी चीज सिखा के इतना फील गुड आता है कि हां यार कुछ तो रोल है आपको सिखाने में आप प्लीज उतनी सिंसियरिटी से बेटा सीखो भी थोड़ा थोड़ा अजीब इतना सा अजीब सा लगेगा पर है बढ़िया चीज इतना सा अजीब सा लगेगा पर है बढ़िया चीज जल्दी से बताओ हाँ सर तो यहां पे इक्वेशन क्या आ गई x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बेटा ये वैल्यू कितनी है पाए बाय फोर तो ये पाए बटे चार आ गया ये आपकी इक्वेशन है सही तो बात है क्या नहीं है हाँ सर नेक्स्ट बेटा देखो ये क्या है बेटा मेरी मीन पोजीशन ये क्या है बच्चों मीन पोजीशन है ये क्या हो जाएगा प्लस है। अब ध्यान से देखना है। यहां पे बेटा लेकर के रूट थ्री ए बाई टू लिख दिया और ये वैल्यू यहां पे बेटा टी इक्वल्स टू जीरो पे है अब आप इसकी इक्वेशन लिखो सर ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट x इक्वल्स टू ए ये तो जीरो ही हो जाएगा t इक्वल्स टू जीरो की बात कर रहे हैं a की वैल्यू रूट थ्री ए बाई टू ए बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा t तो जीरो हो गया नॉट बचा a से a चला गया रूट थ्री ए बाई टू कब आएगा सिक्सटी डिग्री दैट इज फाइ बाय थ्री इज इक्वल्स टू फाइव और यहां पे वैल्यू आ जाएगी बेटा इक्वेशन जो आएगी वो आएगी x इक्वल्स टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस पाए बाय थ्री के बराबर समझ में आया कि नहीं आया बच्चों जल्दी से बताओ अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब सेम अच्छा ये बताओ कि अगर मैं यहां आ जाऊंगा तो क्या होगा सेम अगर यहां आ जाऊंगा मेन पोजीशन ये प्लस ए ये टी इक्वल्स टू बेटा जीरो अब ये पार्टिकल बेटा इधर पे है इधर से इधर जाने वाला है ठीक है टी इक्वल्स टू जीरो पे तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा ए साइन ओमेगा टी प्लस इधर पे वैल्यू कितनी आएगी बेटा फाइव नॉट के बराबर तो एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो गया जरा ये बताओ सर ए साइन फाइव नॉट और t इक्वल्स टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या बेटा प्लस ए के बराबर है ए से ए चला गया तो फाइन नॉट की वैल्यू क्या आ गई बेटा प्लस पाई तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी बेटा इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई ये होता है बेटा इनिशियल फेस अब आप ये बताओ सच सच बताना क्या इनिशियल फेज को लेकर के अब डर लग रहा है अच्छा पाई बाय टू आएगा सॉरी 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 पाई बाय टू बेटा मिस हो गया हाँ अब ये बताओ अब इसको लेकर के डल लग रहा है क्या नहीं सर अब एक और सिंपल सा मैं आपको दे रहा हूं ये आप पहले मुझे करके बताओगे मैं आधे सेकंड का टाइम दूंगा आधे मिनट का ये मीन पोजीशन है हा सर ये ए बाय टू है अब ये पार्टिकल इधर आ रहा है t इक्वल्स टू जीरो पे अब बताओ क्या होगा अब बताओ क्या होगा अब बताओ क्या होगा जल्दी से बताओ बेटा जल्दी 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 मैं देख रहा हूं आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स जल्दी से बताओ क्या आएगा अब पहले तो सब एक ही लाइन में थे अब अब सब ऐसे बिखर गए ऐसे गए अलग अलग चीजें बोल रहे हैं देखो सर अभी क्या इसमें ए बाई टू पे मैं क्या कर सकता हूं सर सर t इक्वल्स टू जीरो का मतलब है देखो अगर यहां पे बेटा मैं बनाऊं तो बेसिकली a बाई टू प्लस का a बाई टू ऊपर आएगा या नीचे आएगा सर इधर कहीं मैं मान लेता हूं a बाई टू आएगा तो बेटा इस ए बाई टू को अगर आप गौर से देखो इस ए बाई टू को अगर आप गौर से देखो तो ये ए बाई टू को ए बाई टू की वैल्यू बेटा एक ही साइकिल में आपको दो जगह मिल रही है नजर आ रही है कि नहीं आ रही है हाँ सर एक बार यहां मिल रही है जो कि आपने पहले लिखा था वो बिल्कुल सही था तीस डिग्री पे फिर से ये वापस अभी क्योंकि हम मेन पोजीशन से प्लस ए जा रहे थे ना आपका पहले पाथ ये था तो इसलिए तीस डिग्री बिल्कुल सही था पाई बाय वाला आंसर बिल्कुल सही था अब बेटा जब वापस आ रहे हो तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि जब आप वापस आ रहे हो तो जो थीटा आया है वही निकालो उसको पाई में से माइनस कर दो बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि हमें नहीं पता ना ये एंगल कितना होगा ये बड़ा डिफिकल्ट है निकालना कम समय पे नहीं निकाल पाएंगे मान लो तो हमने बोला कि तुम टेंशन मत लो तुम तो ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है ये कितना होता है तो आपने कहा सर ये π/6 होता है मैंने कहा ये आ रहा जा रहा है या आ रहा है मीन पोजीशन पे मैंने कहा बेटा ये आ रहा है तो बेटा जब ये +a से मीन पोजीशन पे आता है तो जो एंगल होता है इसका थीटा जो होता है वो कितना हो जाता है सर पाई माइनस पाई बाय सिक्स हो जाएगा तो आंसर आएगा फाइव पाई बाय सिक्स चाहे तो आप करके भी देख सकते हो साइन फाइव पाई, पाई बाय सिक्स की वैल्यू जो आती है बेटा वो वन बाय टू आती है क्योंकि अब हम आने वाली रेंज में हमारा आंसर जो आएगा बेटा वो पाई बाय टू से पाई के बीच में ही आएगा क्या अब आप समझ रहे हो अब अगर इक्वेशन लिखी जाएगी तो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई आएगा बच्चों इस बात पे ध्यान दो इस बात पे ध्यान दो इन दोनों में अंतर ही क्या है इन दोनों में अंतर क्या है जल्दी से बताओ इन दोनों में अंतर क्या है इन दोनों में अंतर क्या है बेटा ये वाला एग्जाम्पल देखो ठीक है सर ये इक्वेशन है मैं अगर आपको एक अंतर दिखा दू मजा ही आ जाएगा देख करके क्या सर मैंने कहा जरा एक काम करो दोनों की वेलोसिटी निकाल करके देखो अब इन्हीं की क्या निकाल करके देखो सर वेलोसिटी निकाल के देखो सर कैसी बातें करते हो वेलोसिटी सर वेलोसिटी तो बड़ी मुश्किल से आएगी वेलोसिटी कैसे आएगी बड़ी मुश्किल से आएगी तो कैसे देखोग v इक्वल्स टू बेटा a ओमेगा होता है सर कॉस ओमेगा t प्लस आपने सिखाया है फाइन नॉट होता है सिखाया कि नहीं सिखाया है? हाँ सर अगर ये t इक्वल्स टू जीरो है तो v की वैल्यू क्या आएगी बेटा a ओमेगा कॉस फाइन नॉट फाइन नॉट की वैल्यू क्या है बेटा जीरो डिग्री वेलोसिटी बेटा प्लस का a ओमेगा आ रही है कि नहीं आ रही है हाँ सर t इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी देखो a ओमेगा क्या जब मैंने आपको पढ़ाने की शुरुआत करी थी यहां पे मैंने आपसे कहा था कि बेटा अभी ये लिख लो अभी ये लिख लो मैं तुम्हें सब बता दूंगा ये आया कहां से है क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये बात कहां से आई है अब तुम्हें ये समझ में आया कि ये बात कहां से आई है या अभी भी सारी चीजें तुम लोगों हवा में लग रही है जल्दी से बताओ अब समझ में आया बेटा ये बात कहां से है हाँ सर अब सेम सेम उसको आगे ले चलो ठीक है सर अभी ये तो आपने एक की वेलोसिटी निकाली है दूसरे की भी निकाल के बताओ कि तब मजा आएगा हमने कहा दूसरे की भी निकाल देंगे तो मैं अगर मजे देखने हैं तो यहां पे भी निकाल लो मिनट में आ जाएगा कौन सी बड़ी बात है ऐसी कौन सी चीज है जो तुम नहीं कर सकते एक्सलरेशन इक्वल्स टू माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर यहां पर सर साइन ओमेगा टी प्लस फाइन नॉट के बराबर है ओमेगा टी टी इक्वल्स टू जीरो पे निकाल रहे हो तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा साइन इधर पे आएगा ना नॉट साइन नॉट की वैल्यू क्या है जीरो है कि नहीं है हाँ सर तो एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा देख लो जीरो आ रही है आपके सामने यही तो बताया था कि इस पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके सामने जीरो आ रहा है सामने उन्हीं इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा बहुत बढ़िया सर अब यहां पे मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं यहां वेलोसिटी देखो बेटा निकाल लू आपको ये तो नहीं लग रहा है कि ज्यादा लिख रहा हूं मैं बेटा बहुत आसान है इसीलिए तो मैं तैयार कर रहा था टर्बुलेंस से इसलिए तो निकाला था कि आप लोग इस चीज को समझ सको यहाँ पे जगह ही कम है यार चलो एक और पेज ले लेते हैं वेलोसिटी अगर इधर पे देखो बेटा v इक्वल्स टू क्या होती है जरा ये बताना a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव नॉट के बराबर सर आपने जो फाइव नॉट लिखा है यहाँ पे वो कितना निकल के आया है पाई बाय सिक्स निकल के आया है तो यहाँ पे बेटा पाई बाय सिक्स डालो तो v की वैल्यू ओमेगा कॉस बेटा टी की वैल्यू तो जीरो यहां पे पाए बाय सिक्स तो इक्वल्स टू ओमेगा अच्छा पाई तीस डिग्री तो क्या ये रूट थ्री बाय टू नहीं आएगा तो इक्वल्स टू रूट थ्री बाय टू ओमेगा के बराबर आता है बेटा ये वैल्यूज देखते जाओ मजा ही आ जाएगा मतलब यहां पे वेलोसिटी कितनी आ रही है रूट थ्री ओमेगा बाय टू ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से बता दो हा सर ये आ रहा है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब आगे देखें अब जरा वेलोसिटी यहां पे बताना जरा क्या आएगी इस केस में वेलोसिटी निकाल के बताओ मुझे सर वी इक्वल्स टू ओमेगा कॉस कॉस ओमेगा टी प्लस पाइ नॉट के बराबर तो v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस क्या बेटा ये पाइ पाई बाय सिक्स आएगा कि नहीं आएगा पाइ पाई बाय सिक्स कितना हो गया सर यहां पे पाई था तो पाई डिवाइडेड बाय सिक्स तो 180 डिवाइडेड बाय सिक्स तो 30 30 इनटू 5 15 तो डेढ़ सौ आया हां सर डेढ़ सौ आया अब सौ की वैल्यू बताना कितनी होती है सर नब्बे से अगर मुझे डेढ़ सौ जाना है तो साठ ऐड करना होगा और नब्बे में से साठ अगर मैं घटा दूं इधर पे तो तीस डिग्री आता है तीस डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज रूट थ्री बाई टू तो इसकी वैल्यू माइनस का रूट थ्री बाय टू आएगा आ रही है कि नहीं आ रही है ये देखो सेम 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 पोजीशन पे Velocity negative. Negative नहीं बेटा वो डायरेक्शन बता रही है रूट थ्री बाय टू एमेगा बेटा वो डायरेक्शन बता रही है ये difference है दोनों सवालों में ये डिफरेंस है किसी के यहां जाने में और यहां आने में पहले ये बताओ बेटा पढ़ाई तो कर लो यार तुम लोग को ब्रेक ही पड़ी है सच बताओ तुम लोगों को सच में ब्रेक की पड़ी है मतलब बात ये नहीं है कि ब्रेक देना नहीं है सब पता है दूंगा यार पर अभी पहले चीजों तो समझो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग तो यार घर ही में ही होते हो अब आज आप विश्वास नहीं मानोगे आज जो मेरे बैच के बच्चे होने तो पता ही है कि आज मुझे खुद खड़े रहने में इतनी दिक्कत हो रही है पर फिर भी क्योंकि यार ये चलो मेरे ये जो दर्द है वो आज नहीं तो कल सही हो जाएगा पर आप लोगों का कल पेपर नहीं होगा वो साल चली जाएगी साल चली जाएगी चाहता तो बड़ा आसान है कह देता नहीं सर आज तबीयत ठीक नहीं है बैक में बहुत पेन है नहीं खड़ा हो पा रहा हूं नहीं हो पाएगी इतनी लंबी क्लास तो कद ही नहीं हो पाएगी पर ऐसा थोड़ी ना है यार ये मैं मेरा तो जो होना था वो तो हो ही रहा है पर आप लोग तो बच्चों अपनी केयर करो ना नहीं आएगा ये टाइम चला जाएगा नहीं आएगा मैं बार बार कह रहा हूं नहीं आएगा ये टाइम प्लीज सीख लो प्लीज सीख लो और अभी बेटा चार बजे तो शुरू किया था अभी ढाई घंटे जब हम इतने दर्द में खड़े रह सकते तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो यार कमाल करते हो आप बस पढ़ाई करो बेटा बाकी सारी चीजें आपको अच्छा ये बताओ ऐसी कोई चीज अभी भी ऐसी लगी कि नहीं आई समझ में ये इतनी स्मूथ चीजें बेटा जा रही हैं आपको छोटी छोटी चीजों में मैं सब सिखाता जा रहा हूं जस्टिफिकेशन देता जा रहा हूं कोई भी चीज हवा में नहीं करता जा रहा हूं आप ये बताओ ना एक ही चीज के ये दस प्रकार के रंगीन डायग्राम किसके लिए बना रहा हूं मुझे मजा आ रहा है क्या बेटा आप लोगों के लिए आप समझो ये 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 ऐसा चेंज हो रहा है ये हवा में बता देता यार देखो ऐसा कर लेना जस्टिफिकेशन भी दे रहा हूं सेम टाइम पे आप ये सोचो ना आप ये थोड़ी देर बाद ग्राफ आएगा ग्राफ के बाद एनर्जी आएगी टाइम भी अपन ज्यादा नहीं ले रहे हैं सारी चीज अपन वैसे ही कर रहे हैं पर आप देखो तो बेटा एक बार अच्छा इफ्तियार का टाइम हो रहा है आप लोगों को कितनी देर का चाहिए आपको इफ्तियार में कितना टाइम लगेगा अच्छा यह बताओ इफ्तार में कितना टाइम लगेगा और कब से शुरू होगा आपका कितना टाइम चाहिए बेटा मुझे पहले ये बताओ आपको अभी इफ्तार के लिए जाना होगा उसमें कितना आपको वो चाहिए टाइम चाहिए पंद्रह मिनट में कर लोगे हाँ कितना आपको टाइम बताओ मैं उस हिसाब से दे दू कितनी देर में पंद्रह मिनट में ठीक है सिक्स फिफ्टी पे है अलग अलग टाइम जोन पे है पंद्रह मिनट में ठीक है एक एक दो चीजें और बता दूं। अभी टाइम हो ही गया होगा ना आप लोग का सिक्स फोर्टी पे है ठीक है तो आप मुझे अभी बस पांच मिनट और दे सकते हो क्या फिर मैं आप लोगों को ब्रेक दे दूंगा ठीक है पांच मिनट बाद ब्रेक दे दूंगा चलेगा बच्चों उनका इफ्तार चल रहा है ना अभी रमजान का टाइम चल रहा है तो उन लोगों को खाना खाने के लिए जाना होगा इस वजह से क्लियर है सिक्स फिफ्टी ठीक है ठीक है ठीक है मैं दे दूंगा हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ तो आप इस बात को समझो बेटा कि वो जाना और आने वाले पे हमें आप ध्यान देना है ठीक है तो अब सारी बातें भूल करके तुम ये बस याद कर लो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा सारा का सारा काम आसान हो जाएगा कि ये आपकी मेन पोजीशन है ये आपका प्लस ए है जब भी पार्टिकल इधर जाएगा तो आप सिर्फ थीटा के टर्म्स में लिखोगे ठीक है जब भी आपकी मेन पोजीशन ये है बेटा ये आपका क्या है प्लस ए है जब भी इधर आएगा ना तो जो भी वैल्यू दी गई है जो भी लेंथ दी गई है जो भी है ए बाय कुछ भी दिया है आप बस इधर से इधर तक का एंगल निकालना थीटा निकालना कितना है आपको नॉर्मली थीटा निकालना है आप देख लोगे ये इधर आ रहा है उसको पाई में से उस थीटा को माइनस करना वही आपका रिजल्ट होगा और जब भी आप मीन पोजिशन से इधर जा रहे होगे ये पॉइंट है बेटा माइनस है जब भी यहां से यहां जा रहे होगे बेटा तो उसमें से पाई प्लस थीटा कर लेना जो भी लेंथ होगी आप तो नॉर्मली लिखना आप भूल जाओ प्लस है आप भूल जाओ माइनस है आप तो बस एंगल निकालना और उससे प्लस करना आप जब भी मीन पोजीशन से ये माइनस ए है वापस जब आ रहा होगा तो बेटा ये टू में से माइनस थीटा कर देना कुछ भी होगा वो आएगा बेटा रिजल्ट आएगा क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ बेटा इतनी बात जल्दी से बताओ हाँ सर अब एक आध सवाल कर ले बेटा मैं ठीक है आपको 6:35 पे ब्रेक दे दूंगा चलेगा ना 6:35 पे ब्रेक दे दूंगा और कितने मिनट का पांच चालीस छह पचास पंद्रह मिनट का ब्रेक दे दूंगा आते आते क्लास स्टार्ट करते करते सिक्स छह पचपन हो जाएंगे ठीक है तो चलेगा ना आप लोग तब तक इफ्तार कर लेना ठीक है अगला देखो अब जैसे बेटा एक एग्जाम्पल देख लो क्या एग्जाम्पल सर मैंने कहा मान लिया बेटा ये मेरी मेन पोजीशन है ये वैल्यू कितनी दे दी अब मैंने सर रूट थ्री ए बाई टू दे दी आपने बेटा ये फाइन निकालना सीख लिया आपने आधी जंग जीत लिया अब मान लो ये मान लो इधर पे खड़ा हुआ है बेटा ए बाई टू पर अब देखो ये आ रहा है तो अब तुमसे ये मत पूछो ये एरो ही मत देखो तुम तो नीचे वाली देखो कितना डिस्टेंस होगा ये कितना होगा तुम्हें ये निकालना है रूट थ्री ए बाई टू साइन में रूट थ्री ए टू कब आता है सर साइन में रूट थ्री ए टू आता है सिक्सटी डिग्री पे सिक्सटी डिग्री को क्या लिख सकता हूं सर सिक्सटी डिग्री को मैं लिख सकता हूं पाए बाय थ्री तो मतलब ये हमारे लिए थीटा का, का काम कर रहा है जो कि पाए बाय थ्री हो गया अब मुझे पता चल गया ये इधर आ रहा है तो इतने को मैं पाई में से पाई बाय थ्री माइनस कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा बेटा पाई बाय यही मेरा आंसर है मतलब इक्वेशन आ जाएगी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस टू पाई बाय थ्री कोई दिक्कत है क्या इसमें जल्दी से बताओ अरे बहुत बढ़िया कितनी जल्दी निकाल दिया यार तुम लोगों ने आता तुम्हें सब है बस तुम पता सीखना नहीं चाहते हो तुम अपने उस जोन से नहीं निकलना चाहते हो अब मान लो अच्छा इधर दे दिया माइनस का a/2 और तुम जा रहे हो इधर पे अब इसकी वैल्यू लिखनी है तो मैंने कहा बेटा बाकी सब छोड़ो ये प्लस माइनस से तुम्हें मतलब नहीं है तुम तो ये बताओ a/2 तुम्हें sin में कम मिलता है तो सर साइन में ए बाय टू हमें मिलता है जब थीटा की वैल्यू होती है पाए बाय सिक्स और मैंने आपको सिखा दिया है जब आप मीन पोजीशन से माइनस ए जाओगे तो बेटा इस थीटा को बस इसमें जोड़ दो थीटा प्लस पाए बाय सिक्स तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा सेवन पाए बाय सिक्स लो आंसर आ गया एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाए बाय सिक्स अरे यार ऐसे प्लस कितना सेवन पाए बाय सिक्स यार ये नहीं निकाल पाओगे क्या अरे बहुत बढ़िया सब निकालते जा रहे हैं सब निकालते जा रहे हैं बेटा बस करने की देर होती है आप सब लोग सब सीखते जाते हो जल्दी से आप जल्दी से बताओ अब तो मैं कुछ उठाऊंगा ही नहीं थीटा मुझे यहीं से दिख रहा है वन बाय रूट टू होता है पाए बाय फोर इधर जा रहा हूं तो पाई प्लस पाए बाय फोर कहा जा रहा है ये इधर जा रहा है तो क्या पाई प्लस पाए बाय फोर तो कितना होगा फाइव पाई बाय फोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाय फोर अरे नहीं कर पाओगे क्या ऐसा फाइव पाई बाय फोर अरे बहुत बढ़िया लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं बच्चे जल्दी 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 बस एक ये और कर लो माइनस का रूट थ्री ए टू तो अब आप नहीं बता पाओगे क्या अब आप नहीं बता पाओगे क्या कि कितनी वैल्यू आ रही है अभी ये पार्टिकल वापस इधर आ रहा है सर देखो जब वापस आता है ना तो मैं टू पाई में से माइनस करता हूं रूट थ्री बाई टू कम मिलेगा बेटा प्लस माइनस छोड़ो ना प्लस माइनस छोड़ो ना मैंने इतनी बढ़िया चीज सिखा दी ये ये सब आपकी बड़ी बड़ी चीजें हल कर देगा आप तो मुझे ये बता दो कि रूट थ्री ए बाई टू कब आता है सर साइन में सिक्सटी डिग्री पे आता है और अगर ये 60 डिग्री पे आने वाला है अगर ये 60 डिग्री पे आने वाला है तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर पाए बाय थ्री हो जाएगी हाँ सर और पाए बाय थ्री में से टू पाई माइनस पाए, पाए बाय थ्री तो ये थ्री टू जा सिक्स माइनस वन तो फाइव पाए, पाए बाय थ्री आ जाएगा नहीं आएगा क्या अब बताओ ये चीजें बेटा मुश्किलें क्या आसान लग रही है आपको मुश्किलें क्या आसान है एस एच एम टफ है क्या बस आपने पढ़ा नहीं है ठीक है अब एक छोटी सी चीज उसके बाद एक छोटी सी चीज उसके बाद बेटा मैं आपको ब्रेक देने वाला हूं टाइम पीरियड का कैलकुलेशन बेटा अपन ने टाइम पीरियड सीख लिया पेजर सीख लिया फिर बस एनर्जी एनर्जी के बाद एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम के बाद सुपरपोजिशन और खत्म आज तो आपकी क्लास भी जल्दी शुरू हो गई है जल्दी खत्म भी हो जाएगी ठीक है आपको ज्यादा रात तक परेशान नहीं करेंगे टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है सर ये जीरो है ये मेरी मान लो मेन पोजीशन है ये मेरा क्या है बेटा प्लस ए एम्बलीट्यूड है और ये माइनस ए है मैं यहां से चला टी इक्वल्स टू जीरो पे मैं यहां पे पहुंच गया ए बाई टू पे टी इक्वल्स टू समाइम टी पे अब मुझे फाइंड द टाइम मुझे क्या निकालना है बेटा फाइंड टाइम टाइम निकालना है कितना लगा है बेटा ये जो टाइम आता है ये इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड आता है कि पूरे टाइम पीरियड का कितना भाग ठीक है हाँ तो कैसे निकालते हैं अब बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ थीटा कितना है थीटा सर थीटा तो जीरो से ए बाई टू ए बाई टू मतलब कितना डिफरेंस ए को छोड़ो आप तो एंगल बताओ वन बाई टू साइन में कम मिलेगा डिग्री बिल्कुल सही थर्टी डिग्री बिल्कुल सही तो ये कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री पे मिलता है ना हाँ तो पाए बाय सिक्स आ जाएगा ये क्योंकि वन एट्टी डिवाइडेड बाय सिक्स दैट इज थर्टी डिग्री और बेटा थीटा क्या होता है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी होता है तो थीटा क्या लिखोगे पाई बाय सिक्स इंटू ओमेगा क्या होता है बेटा सर ओमेगा होता है टू पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी हाँ सर पाई से बेटा पाई चला गया ये टी ऊपर आ जाएगा अपॉन नीचे ट्वेल्व हो गया ये टाइम का आंसर आ गया कितना सिंपल है ये मुश्किल है क्या आप क्यों डरते हो यार मत डरो मत डरो बिल्कुल मत डरो ठीक है, तो आपको बस इससे कंपैरिजन करना ये टाइम आ गया कि टोटल टाइम पीरियड का इतना टाइम लगा यहां पहुंचने में इसका शॉर्ट फॉर्म बताऊं क्या हाँ सर। तो थीटा इक्वल्स टू पाइव बाय सिक्स होता है आप इतना करो कितना करो कि इसकी दोनों टांगों को जोड़ दो ऊपर की दोनों टांगों को जोड़ दोगे तो ऊपर हो जाएगा टी नीचे मल्टीप्लाई बाय टू कर दो तो टी बाय बारह सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इतना स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा ये सीधे आंसर आएगा क्लियर है कि नहीं है अभी हमारे पास अभी हमारे पास दो मिनट और है दो मिनट में एक सवाल तो आप कर ही लोगे अब मैंने मान लिया बेटा मैं कहां से चला हूं मेन पोजीशन से चला हूं ये पॉइंट क्या है प्लस ए यहां से चला हूं टी इक्वल्स टू जीरो पे और यहां पे पहुंच गया हूं टी इक्वल्स टू टी पे ठीक है कितने पे T इक्वल्स टू टी पे तो अब आपको क्या निकालना है यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है थीटा कितना होता है जरा बताओ सर आपने बताया यहां से लेकर के यहां तक थीटा की वैल्यू होती है पाए बाय टू तो टाइम पीरियड कितना होगा दोनों टांगों को जोड़ दो टी और नीचे टू का मल्टीप्लाई टी बायोर मुश्किल है क्या जल्दी से बताओ नहीं अभी एक मिनट और बचा हुआ है एक और सवाल कर देंगे बच्चे हम जानते हैं देखो क्या करना है बेटा इधर पे ये मेरी मेन पोजीशन है हाँ सर ये बेटा ए बाई टू से गया है इधर पे माइनस ए बाई टू तक गया है यहाँ पे क्या है बेटा टी इक्वल्स टू जीरो और यहाँ पे टी इक्वल्स टू टी पे ये मिल गया है अब जल्दी से बता दो आप लोग आप लोग बता दो कितना टाइम आ रहा है इतने में इधर से इधर तक देखो आपको बेटा सिंपली एंगल बताना है इक्वल्स टू जीरो मतलब वो यहां से चलाए और यहां तक पहुंचा है यहां से यहां तक का एंगल को थीटा वन बोल दो ये थी हो गया तो थीटा टोटल जो आएगा that is थीटा वन प्लस थीटा टू। तो बेटा इधर से इधर तक की दूरी कितनी होती है पाई बाय थ्री नहीं पाई बाय सिक्स ना और इधर से इधर तक की दूरी कितनी होती है पाई बाय सिक्स तो ये ऐड करने पे कितना हो जाएगा सर टू पाए बाय सिक्स मतलब आ जाएगा हमारा पाए बाय थ्री तो टाइम निकालना है दोनों टांगों को जोड़ दो तो टी नीचे टू का मल्टीप्लाई तो बाय आंसर है देखो प्रो हो भाई प्रो हो प्रो हो एक बार तुम अपने मन से तो मान लो यार तुम लोग इतने जिद्दी हो ना तुम जो ठान लो वो मान लेते हो आप हो गए नहीं हो इतने जिद्दी हाँ सर इतने जिद्दी हैं पर वो जिद पता कहाँ चलाते हो वो जिद़ चलाते हो जहां पे नहीं करनी चाहिए अपने पेरेंट से बाइक चाहिए आईफोन चाहिए बढ़िया कपड़े चाहिए जूते चाहिए वो जिद तो कर लोगे वो जिद तो कर लोगे पर जब ये जिद तुम मान लो कि नहीं भैया अब तो हमें नीट की सीट भी चाहिए वो भी एक जिद है वैसी जिद तुम लोग करते नहीं हो वैसी जिद तुम करते नहीं हो बस वो एक जिद तो कर लो ना तुम्हारे कदमों में बेटा हर एक चीज आ जाए तो नाम बदल देना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो जल्दी से मैं आप लोगों को ब्रेक दे देता हूं ठीक है बेटा आप लोग जल्दी से सत्रह मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ ठीक है आप लोग इफ्तार करके अच्छे से आ जाना ठीक है उसके बाद बेटा अपन एक लंबी रेस दौड़ेंगे कम से कम एंगुलर एस एच एम अगली बार में अपन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ तक आप बढ़िया से पूरा कर लो क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक आप पूरा कर लीजिएगा फिर आते हैं मैं भी जरा कमर सीधी कर लू ठीक है आप लोगों जल्दी से बता दीजिए हेलो 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 क्या आवाज आ रही है यस सर चले बेटा अपने इसी सिलसिले को अपन आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से अब ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगी है एक दो मिनट डिबेट कर लेते हैं बच्चे आ जाएं एक बार बेटा फिर अपन चालू करते हैं हेलो प्रदीप दीपक कैसी चल रही है पढ़ाई ये बताओ बाकी सब तो ठीक है स्नेहा एक ने अपना नाम फंगाए रखा हुआ है क्यों <laughs> और अच्छा नाम नहीं मिला स्नेहा बढ़िया चलो बढ़िया ही चलती रहनी चाहिए शिवानी यकीन थ्री से हो आप हेलो सर कैसे हो मैं बहुत बढ़िया हूं आप बताओ आप कैसे हो मेरे हालचाल बढ़िया है आप लोगों के लिए तो बस बढ़िया ही चलते रहेंगे प्रणाम प्रणाम बेटा चलो मेरे ख्याल से अब ठीक ठाक टाइम हो गया है अब अपन को गुप्ता जी <laughs> कैसे गुप्ता जी ये बताओ वर्मा जी का नमस्कार गुप्ता जी को ठीक <laughs> है अब जल्दी से आ जाओ शुरू करें बेटा पढ़ाई आ जाओ आ जाओ जाओ तो यहाँ पे बेटा कुछ अपन बात कर रहे थे टाइम पीरियड की या टाइम कैलकुलेशन ऑफ टाइम की एक और मैंने आपको बढ़िया सा सवाल दिया हाँ सर बताइए सवाल क्या है बेटा ये मैंने लाइन बना दी ठीक है और इस बार मेरी इच्छा है कि मैं यहां से रूट थ्री बाय टू ए से कहाँ तक जाना चाहता हूं ए बाय रूट टू तक जाना चाहता ये माइनस का ये प्लस का दैट मींस टी इक्वल्स टू जीरो पे मैंने अपनी जर्नी यहां से शुरू करी और टी इक्वल्स टू बेटा टी पे यहां खत्म हो गई जल्दी से बताओ यहां पे बेटा क्या होगा आपको बेसिकली बेटा मेन पोजीशन से इसके एंगल निकालने हैं और जो एंगल आ जाएगा वही आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा सिंपली क्लियर है जल्दी से बताओ हाँ सर तो यहां से अगर बेटा वैल्यू देखी जाए इसको अगर मैं थीटा वन बोल दू इसको अगर मैं थीटा टू बोल दू तो यहाँ पे टोटल जो थीटा नेट होगा वो किसके बराबर होगा सर इन दोनों के समेशन के बराबर होगा तो आप तो मुझे बाकी सारी की सारी चीजें छोड़ो आप यहां से दूरी बताओ देखो पाई वाले टर्म को बेटा के सर पाई हम लोग इस बार प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं वो हम तब करते हैं जब हम फेज कैलकुलेशन करते हैं पर जब हम लोग सिर्फ टाइम निकालते हैं बेटा तब हम मेन पोजीशन से सिर्फ वो कितना दूर है हम वो लिखते हैं तो अभी ये कितना दूर हो जाएगा सर रूट थ्री बाई टू दैट इज सिक्स रूट थ्री बाय टू का बात है सिक्सटी पे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर पाए बाय थ्री आ जाएगी और डिवाइड करने पे एंगल सिक्सटी डिग्री प्लस ये वैल्यू कितने पे आती है बेटा ए बाय टू मतलब वन बाय रूट टू माइनस माइनस छोड़ो आप ये बताओ वन बाय रूट टू कब आता है सर पाई बाई फोर तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर एलसीएम आ जाएगा ट्वेल्व ऊपर आ जाएगा सेवन पाई आपको क्या सिखाया है टाइम पीरियड T निकालने के लिए सर इसके पैरों को जोड़ दो और नीचे टू का मल्टीप्लाई कर दो तो सेवन टी बाय ट्वेंटी आ जाएगा आपका टाइम पीरियड मुश्किल है क्या किस किस बच्चे का अरे बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया अब चलो एक और एग्जाम्पल बेटा इसको करते हैं फिर अपन आगे की तरफ चलेंगे ये मेरी मेन पोजीशन है ये पोजीशन ए बाय टू है बेटा टी इक्वल्स टू जीरो से मैंने अपनी जर्नी यहां से शुरू करी है और यहां पे रूट थ्री ए बाई टू पे वापस इधर आके मैंने अपनी जर्नी को खत्म कराए टी इक्वल्स टू टी पे अब बताओ क्या होगा आप बताओ क्या होगा देखो सर पहले इसकी डायरेक्शन इसके एंड को देखो इसका मतलब ये इधर से चला है फिर ये इधर से पलट के गया है सर, ये इधर से चला है, से पलट के गया है और ये वापस घूम के इधर आया है यही तो मतलब है सही बताओ यही है कि नहीं है हाँ सर यही मतलब है इसका कि ये पहले इधर से इधर गया फिर इधर से इधर आया तो आपको बेसिकली बेटा इधर से इधर तक का एंगल पता करना है बेटा इस वाले को मैं थीटावन बोल दूं इधर से लेकर के इधर तक थीटा टू बोल दू और इधर से लेकर के इधर तक बेटा थीटा थीटा, थी बोल दूं। थीटा टू तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि बेटा पूरी ये लेंथ है जो कि किसके बराबर होती है पाई के बराबर होती है बेटा यहां से यहां तक कितना होगा जरा ये बताओ सर ये पाई बाई फोर होगा क्योंकि बेटा वन बाय रूट टू पाई बाय फोर पे होता है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा टोटल डिस्टेंस पाए बाय टू होता है तो अगर ये पाए बाय फोर है तो ये कितना होगा ये भी पाए बाय फोर होगा तो बेटा थीटा वन भी पता चल गया पाई बाय कितना है फोर ये वाला बताओ कितना है सर ये वाला डिस्टेंस इधर से जो होता है वो होता है हमारा पाए बाय थ्री के बराबर क्योंकि सिक्सटी डिग्री पे आता है तो थीटा थ्री कितना हो जाएगा सर पाए बाय टू माइनस कर दू मैं पाए बाय थ्री को एलसीएम छ आ जाएगा ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी थ्री पाई माइनस टू पाई टू पाई तो ये कितना आएगा बेटा पाए बाय सिक्स आ गया तो आपके पास तीनों एंगल निकल के आ गए तो थीटा टोटल पाई प्लस पाई बाय फोर प्लस पाए बाय सिक्स बेटा ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी जल्दी से बता दो कईयों का आंसर भी आ गया होगा ट्वेंटी फोर बहुत बढ़िया एलसीएम कितना आ गया ट्वेल्व आ गया ऊपर क्या होगा सर सर ये हो जाएगा ट्वेल्व पाई प्लस ये वैल्यू आ जाएगी सर थ्री पाई ठीक है सर थ्री पाई प्लस टू पाई तो ये कितना आ गया सत्रह पाई बटे बारह आपसे बताया है कि बेटा टी निकालना हो तो इसकी टांगों को जोड़ दो तो ये तो सेवेंटी आ गया और नीचे आ गया बारह ये आंसर है नहीं कर पाओगे क्या अरे कितने आराम से आ रहा है अब यहां तक बेटा चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है तो जल्दी से बता दो। अब बेटा मैं वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप लिखना चाहता हूं वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बेटा डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखना चाहता हूं क्या लिखना शुरू करूं सब बच्चे आ गए बेटा आप लोगों ने खाना खा लिया है कि नहीं हाँ सर तो देखो बेटा वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट a की वैल्यू अभी बेटा निकाली है दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू x होता है यही होता है कि नहीं होता है एक्सीलरेशन बेटा अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए है और एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा इसको v dv dx लिख सकता इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर है अब एक काम करता हूँ बेटा इसको यहाँ पे भेज देता हूं तो ये वी डी वी इज एकगाक्वायर ऑफ एक्स डॉट डी एक्स आ जाएगा हाँ सर इसको क्या कर दू बेटा मैं इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट कहां से कहां करना है अब ये बताओ बेटा अगर मुझे कोई भी रैंडम पोजीशन चाहिए ना तो किसी एक्स पोजीशन पे ध्यान से सुनना किसी एक्स पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी क्या है बेटा वी है और मैक्सिमम जब एम्पलीट्यूड रहेगा तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो आपको क्या लिमिट समझ में आई बेटा मैंने किस तरीके से लिखी है जल्दी से बता दो जल्दी से अगर आपको इसको उल्टा भी करना हो तो ऐसे कर सकते हो पर मेन पोजीशन मत लेना ठीक है मतलब कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी आपकी कितनी है वी है और किसी एक्स मैक्सिमम एम्प्लीट्यूड पे वेलोसिटी जीरो है तो किसी एक्स पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो गई वी हो गई ऐसा कर सकते हैं हाँ सर अब बेटा इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करो तो ये वी स्क्वायर बाई टू हाँ सर अपर लिमिट इज जीरो से वी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा यहां पे आ जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू बिल्कुल सही बेटा इतनी वैल्यू क्लियर है आप लोगों को जल्दी से बता दो हाँ सर इतनी वैल्यू तो अच्छे से क्लियर है लिमिट ए से कहां तक बेटा एक्स तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये तो वी स्क्वायर बाई टू ही हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाय टू कॉमन ले लो अंदर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू से टू चला गया बेटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा यहां पे आ जाएगा क्या बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर तो वी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको बेटा ये चीज रट लेनी है चाहे तो बेटा इसके आगे आप लोग प्लस माइनस भी लगा सकते हो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर से बेटा यहां पे चीज चेक कर सकते हैं एट मेन पोजिशन मेन पोजिशन पे बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो आप वेलोसिटी देख सकते हो क्या आ रही है प्लस माइनस ए ओमेगा आ रही है क्लियर है कि नहीं है हाँ सर और वही आप देखो एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स की वैल्यू बेटा एम्पलीट्यूड के बराबर होती है तो यहां पे वेलोसिटी देखोगे तो क्या आ रही है जीरो आ रही है मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बेटा ये कहानी आपको याद नहीं करनी है प्लीज आप इस बात को समझो आपको जो चीज याद रखनी है वो ये रखनी है आप उतना ही सीखो जितना आपके काम आने वाला है आप उतना ही सीखो जितना चीजें आपके काम आने वाली हैं जल्दी से बताओ क्या सर लास्ट क्वेश्चन में टी बाय ट्वेंटी फोर होगा लास्ट क्वेश्चन में सेवनटीन बाई ट्वेंटी फोर सेवनटीन ही तो लिखा है अच्छा 17 वन नहीं है अच्छा सेवनटीन बेटा वो सेवनटीन बाय टू का मल्टीप्लाई नहीं किया तो टी इक्वल्स टू सत्रह टी बाय चौबीस हाँ सही है बेटा सेवनटी बाय ट्वेंटी फोर होगा वो मिस हो गया था बेटा मल्टीप्लाई में ठीक है हाँ अब आ जाओ वापस इस बात पे बेटा इतना क्लियर है जल्दी से बताओ आगे चले अपन हाँ सर अब आगे बेटा अपन एक अलग फेजर डायग्राम में अपन एंटर कर जाएंगे एक बात अभी मैं लिखने वाला हूं जरा आप मुझे बताना यह बात आपको कितने परसेंट समझ में आ रही है जो मैं बातें बोलने वाला हूं क्या सब लोग इस बात पर एग्री कर रहे हैं मैं आपसे कुछ परसेंटेज पूछूंगा आप वो परसेंटेज मुझे लिख के बताओगे अभी पहले आराम से देखो पहले इस बात को ठीक है सर मैं इंतजार कर रहा हूं आप लिखना शुरू करो मैंने कहा मैं लिखना शुरू करता हूं ये पॉइंट होता है मेरा मेन पोजीशन यहां पे मेरा एक्सेलरेशन होता है जीरो वेलोसिटी होती है मेरी मैक्सिमम और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है प्लस की ए ओमेगा के बराबर यहां से मैं यहां जाता हूं यहां से यहां तक प्लस ए तक जाऊंगा तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है यहां से यहां तक का वो जीरो से पाए बाय टू तक का होता है और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम टी बाय फोर लगता है जब यहां पे पहुंच जाता हूं तो यहां पे पहुंचने पे वेलोसिटी होती है एक्सट्रीम पे मिनिमम एक्सलेशन होता है मैक्सिमम और एक्सलेशन की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू निकल करके कितनी आती है ए मैक्सिमम की वैल्यू निकल के आती है माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर और आप सब जब वापस आते हो तो यहां से यहां तक की लेंथ अगर बात करूं तो वो तो पाई बाय टू ही रहती है और यहां से यहां तक का टाइम की बात करूं तो कितना रहता है बेटा टी बाय फोर ही रहता है पर अगर टोटल टाइम यहां से यहां तक का देखूं टोटल टाइम तो वो टी बाय टू आ जाता है क्योंकि ये आधी साइकिल हो चुकी है इसके आगे अगर आप जाने वाले हो तो ये माइनस का ए ओमेगा के बराबर होगा डायरेक्शन बेटा नेगेटिव क्योंकि हम इधर जाने के लिए वाले हैं इधर पे वैल्यू ये माइनस ए हो जाएगी और जब ये इधर से इधर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी फिर से हमारी जीरो हो जाएगी एक्सलरेशन हमारा क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू माइनस का ए प्लस का ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा और यहाँ से यहां तक की पाथ लेंथ होगी पाए बाय टू से यहां तक का टाइम जो लगेगा वो टी बाय टू लगेगा टोटल टाइम अगर आप पूछोगे तो यहां से यहां तक का टी टू प्लस टी बाय फोर करोगे तो यहाँ तक का टाइम जो लगा है वो थ्री टी बाय फोर लगा है और इधर से जब वापस जा रहे होगे आप यहां पे तो फिर से जो पाथ लेंथ इतनी कवर कर रहे होगे वो पाई बाय टू होगा टाइम टी बाय टू होगा पर अगर यहाँ से यहाँ तक के टाइम पीरियड की बात करोगे तो वो टोटल टाइम टी निकल करके आएगा और जब भी मुझे यहाँ से यहाँ तक का कोई फेज बताना होगा तो वो थीटा में होगा यहाँ से यहाँ तक बताना होगा तो वो पाई माइनस थीटा होगा यहाँ से यहाँ तक बताना होगा तो वो पाई प्लस थीटा होगा और यहाँ से यहाँ तक होगा तो वो टू पाई माइनस थीटा होगा क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई अब मुझे जल्दी से बता दो यह बात अब मुझे बता दो आप परसेंटेज वाइज हां यहां तक आपने जो जो बात बोली है बोली बड़े जल्दी है पर हां पता चलता गया है कि आपने क्या क्या बोला है यह मुझे परसेंटेज वाइज चाहिए है जल्दी से बताओ परसेंटेज वाइज ये सुनो में नहीं परसेंटेज वाइज परसेंटेज वाइज चाहिए है मुझे हाँ 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 हा तो हुआ क्या हुआ क्या मोटा मोटा समझ रहा हूं ठीक है हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो हुआ क्या आप ध्यान से देखो क्या आपको याद है क्या मैंने आपसे बोला था कि बेटा अभी यहां पे टाइम लिख लो ये वाली बात अभी अपन बोल रहे हैं ये सेम बात मैं पहले बोल चुका था और यही सेम चीज मैंने आपको थोड़ी देर बाद चीजें लाते लाते, लाते 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 आपको यहां तक इतना प्रो बना दिया कि बेटा आपको अब आप कुछ नहीं आप ये सोचो ना कि चार साढ़े चार घंटे में आपको कायनामेटिक्स ऑफ एस एच एम का ऑपरेशन कर दिया है आपने इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं यही तो समझना होता है अपन को यही समझना होता है चले आगे हाँ सर अब इसके आगे बेटा एक और चीज होती है जिसके अपन क्या बोलते हैं पेजर डायग्राम पेजर डायग्राम क्या होता है बेटा एक पार्टिकल को हमने क्या किया सर्कुलर पाथ में रोटेट किया ठीक है बेसिकली ये था कि यह क्या था बेटा इसका सर्कुलर पाथ था यहां से हम लोगों ने सेंट्रल लेकर के ये पाथ ये इसके एक्सट्रीम एंड ये यहां पे आ गया बेटा और ये इधर से नहीं नहीं, नहीं 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 यो रामा ये इधर तक ले लिया और ये हमारा क्या हो गया बेटे एक पाथ अब आप देखना बाकी सारी चीजें छोड़ो तो एक पार्टिकल कहां है बेटा यहां पे है t इक्वल्स टू जीरो कहां पे है बेटा t इक्वल्स टू जीरो पे यहां पे है मैंने क्या किया मैंने ऊपर से रोशनी गिराई क्या गिराई रोशनी गिराई अब मुझे पता है तुम लोग कैच करने के लिए खड़े हो जाओगे इतने फ्री हो लाइट गिराई बेटा लाइट ठीक है लाइट गिराई मैंने ऊपर से चले आगे हाँ सर जब मैंने ऊपर से लाइट गिराई तो हुआ क्या बेटा ध्यान से समझना अभी ये पार्टिकल इक्वल्स टू जीरो पे यहां पे है आप मुझे बताओ क्या है इसकी बेटा जब लाइट गिरती है किसी की तो क्या प्रोजेक्शन बनता है कि नहीं बनता है उसकी परछाई बनती है कि नहीं बनती है हाँ सर परछाई बनती है तो ऊपर से जब लाइट गिराई तो इसकी नीचे क्या बन रही थी बेटा परछाई ठीक है सर तो इसकी परछाई बेटा यहाँ पे बनी क्लियर है कि नहीं हाँ सर थोड़ी देर में क्या हुआ ध्यान से सुनते जाओ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ ये पार्टिकल T पे था ये चलता हुआ थोड़े आगे आया मान लो इधर आ गया जब ये पार्टिकल बेटा इधर आ गया होगा इसकी परछाई क्या बेटा थोड़े आगे बढ़ते हुए थोड़े आगे बढ़ते हुए क्या इसकी परछाई यहां तक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी हाँ सर स्ट्रेट पाथ पर ही आएगी थोड़े और आगे बिटा, अगर ये बढ़ जाएगा थोड़े से और आगे थोड़ा और आगे थोड़ा और आगे तो आप देख पा रहे हो कि बेटा इसकी परछाई और आगे और आगे और आगे बढ़ जाएगी हाँ सर और थोड़े और आगे बिटा, अगर ये ऐसे घूमता जाएगा पार्टिकल घूमता जाएगा फाइनली जब ये पार्टिकल इधर आ जाएगा तो आपको क्या नजर आएगा कि बेटा ये इधर तक पहुंच गया है हाँ, सर। उसके बाद बेटा, जैसे ही अपने पाथ को पलट रहा होगा, मतलब ये आगे की, तरफ जाने की कोशिश करेगा इस सर्कुलर पाथ में इसकी परछाई अब आगे जाएगी या पीछे जाएगी इसका जवाब दो सर पहले ये आगे जाते जाते आगे जाएगा यहां से पलट करके अब इसकी शेडो बेटा पीछे की तरफ नजर आएगी और हम चलते जाएंगे शेडो पीछे आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी फाइनली बेटा इसकी शेडो हमें इस जगह पे आते 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 इस जगह पे मिलेगी सही बात है क्या नहीं है हाँ सर पीछे आएगी बिल्कुल सही अब जैसे ही बेटा ये पीछे आएगी अब इसको मैं और आगे चलाता हूं तो ये और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा तो आप इसकी शेडो के साथ बताओ क्या होगा सर इसका शेडो और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा फाइनली इसका शेडो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद बेटा कहां तक पहुंच जाएगा सर इस पॉइंट तक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा ये इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा और यहां से बेटा क्या होगा जब ये और आगे की तरफ निकलेगा अरे यार तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो ध्यान ही नहीं दे रहे हो पता नहीं कहाँ है तुम्हारा ध्यान तो बेटा आप फिर से देखो क्या ये जैसे ही आगे गया इसकी परछाई आगे जाएगी या पीछे जाएगी आप ये बताओ सर इसकी परछाई फिर से कहा जाने लगेगी यहां से पलटी मारेगी पीछे जाएगी पीछे जाएगी और फाइनली ये वापस कहां पहुंच जाएगा बेटा जहां से शुरू किया था मतलब इसका एक रेवल्यूशन के बराबर है क्या आपको कैपिटल टी नजर आ रहा है या नहीं हा सर नजर आ रहा है क्या आपको यह नजर आ रहा है कि ये इसकी मेन पोजीशन है यह पॉजिटिव में इसका एक्सट्रीम एंड है तो जब ये पोजीशन से प्लस ए गया तो यह फेज डिफरेंस पाई बाय टू का था जैसा कि पहले यहां से जब यहां जाते थे पोजीशन से मैं प्लस ए पे जाता था तो ये लेंथ मेरी 90 डिग्री की होती थी जिसे मैं पाई बाय टू से रिप्रेजेंट करता था जल्दी से बताओ यही है कि नहीं है हाँ सर जब मैं बेटा प्लस ए से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो दिस पोजिशन इज अगेन वॉट बेटा मेन जब प्लस ए से वापस इधर आ रहा हूं तो बेटा ये भी टाइम कितना हो जाएगा कितना होगा बेटा ये पाए बाय टू होगा तो जब इधर से इधर आया हूं तो बेटा लेंथ कितनी हो जाएगी पाए बाय टू और जब मेन पोजीशन से इधर जाऊंगा ये बेटा मेरे लिए माइनस ए हो जाएगा तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा माइनस ए को कितना एंगल होगा यहां से यहां तक आप दोबारा से देख सकते हो सर ये पाए बाय टू होगा और जब माइनस ए से फिर से मीन पोजीशन से बेटा हम इधर आएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा पाए बाय टू तो ये वापस बेटा माइनस ए से इधर जाएगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी पाए बाय टू यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा दैट इज टी बाय फोर यहां से यहां जो टाइम लगा वो टी बाय फोर यहां से यहां जो टाइम लगा टी बाय फोर यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो टी बाय फोर मतलब एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है बेटा तो उसका प्रोजेक्शन जो है बेटा वो एस एच एम कर रहा होता है क्या आपको ये बात क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ बेटा ये बात आप लोगों को समझ में आई जो मैंने कहा हाँ सर इतना तो क्लियर है पर सर ये हमारे काम में कैसे आएगा बेटा ये हमारे काम में आएगा विद द हेल्प फॉर द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां पे नॉर्मली जैसे हम निकालते हुए आ रहे थे वो हमारी मदद नहीं करेगा वो कहेगा नहीं यार हम ऐसे नहीं निकलेंगे तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी बेटा फेजर की मदद लेनी पड़ेगी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं ठीक है सर एग्जाम्पल में आप ये मानिए बेटा कि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है और ये आपकी बेटा मेन है मैं वही सवाल सेम एक बार फेज फेजर से दिखाना चाहता हूं जिससे आपको कम से कम ये ऑथेंटिसिटी हो जाए कि यार रिजल्ट जो आता है वो एग्जैक्टली exactly सेम आता है कम से कम इसका कोई तो प्रूफ हो ठीक है सर तो याद है बेटा एक ऐसा सवाल हम लोगों ने जस्ट किया था मैंने मेन पोजीशन से अलाइन करके अपना फेजर बना दिया बेटा ये इसके कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहीं पे मार्क कर दिए ठीक है आप बेटा ये जरूर याद रखना ये सर्कल में कहा से कहा जा रहा है ये मीन पोजीशन होता है ये प्लस ए होता है ये पोजीशन होता है माइनस ए होता है बहुत है बहुत फर्क पड़ता कि हम कौन से वाले सेगमेंट में हैं उसी सेगमेंट से बेटा हमारा रिजल्ट बढ़िया आएगा वरना गलत कर देंगे जैसे आप समझो आप पहले मैंने यही सेम सवाल दिया था जो आप टी इक्वल्स टू जीरो पे आप यहां थे और आपको मैंने यहां पे टी इक्वल्स टू टी पे पहुंचा दिया था क्लियर है अब सेम इसमें बताना है बेसिकली बेटा ए बाई टू का मतलब ये होता है 60 डिग्री तो आपका ये कहां बनेगा जल्दी से बता दो सर t इक्वल्स टू जीरो पे ये यहां से शुरू हुआ और t इक्वल्स टू टी पे ये यहां पे खत्म हो गया कहां पे शुरू हुआ बेटा ये इधर से शुरू हुआ t इक्वल्स टू क्यों बनाया ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ पहले तो ये बताओ डायग्राम सही है नहीं सर ये डायग्राम ही सही नहीं है यह डायग्राम ही सही नहीं है ये नीचे बनेगा कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है ये नीचे क्यों बनेगा हाँ सर ऊपर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अगर मेन पोजीशन से प्लस ए जाते मेन पोजीशन से प्लस ए जाते तो ऊपर बनाओ पर अभी आप प्लस ए से मेन पोजीशन से जा रहे हो तो प्लस ए से मेन पोजीशन इसलिए आपने कहा बनाया है बेटा नीचे बनाया है टीवल्स टू तो जीरो यहां पे ऊपर क्यों नहीं बनाया सर यहां पे ऊपर आप तब बनाओगे जब माइनस ए से मेन पोजीशन जाओगे यहां मेन पोजीशन से माइनस ए जा रहे हो तो ये मेन पोजीशन है ये माइनस तो है तो ये बेटा पॉइंट है मेन पोजीशन से ये एंगल कितना है सर ये ए बाई टू की दूरी पर तो एंगल बताना है दिस एंगल इज पाए बाय क्लियर है सिक्सटी डिग्री बाय सिक्स और ये एंगल सेम कितना आएगा दैट इज ए बाय माइनस माइनस की चिंता नहीं करनी है बच्चों आप लोगों को माइनस की चिंता नहीं करनी है आप लोगों को तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा पाए बाय सिक्स आ जाएगी जल्दी से बताओ दोनों को जोड़ दो अब टाइम पीरियड निकालना है ना मतलब बेटा इन लोगों ने एक्चुअल जो जर्नी चली है वो सिर्फ इतनी चली है टोटल थीटा कितना आ गया सर टू पाए बाय सिक्स तो थीटा की वैल्यू टाइम पीरियड कितना आ जाएगा ऊपर इसकी टांगों को जोड़ दो तो 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 ये हो हो गया नीचे 2, तो हो गया नीचे मल्टीप्लाई बाय बाय अब ऐसे तो बेटा बड़े आसान दिखते हैं पर थोड़े अगर लंबे चौड़े या कॉम्प्लीकेटेड से आ जाए तो हम क्या करेंगे जैसे मान लो ये मेन पोजिशन से शुरू किया ये इधर से चला है टी इक्वल्स टू जीरो पे और इसकी जर्नी यहां खत्म हो गई है कहां पे A by two पे पे बेटा का और डायरेक्शन ये है कब t equals to t पे? अब जल्दी से आपको टाइम निकालना है बेटा टी बाय सही ना हाँ अब जल्दी से बेटा आप लोगों को इसका रिजल्ट निकालना है हेल्प ऑफ फेजर आप दूसरे से निकाल सकते हो पर मैं इंटरेस्टेड फेजर डायग्राम में हूं मैं इंटरेस्टेड फेजर डायग्राम में हूं जल्दी से बताओ मुझे पता है आप लोग वैसे निकाल लोगे पर मैं इंटरेस्टेड किस में हूं बेटा फेजर डायग्राम में क्योंकि ये बेटा अभी आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल हो गए थे मैं इसमें भी कंफर्टेबल करा दूंगा पर आप देखो तो सही आपकी जर्नी कहां से शुरू हो रही है सर मेरी जर्नी यहां से शुरू हो रही है टी इक्वल्स टू तो जीरो पे आप कहां पे हो बेटा मीन पोजीशन पे हो यहां पे हो यहां से आपने शुरू किया है टी इक्वल्स टू तो जीरो से मैंने कहा फाइनली आप कहां पे हो मैंने कहा सर मैं माइनस ए से वापस आ चुका हूं मीन पोजीशन पे ए बाई टू ए बाई टू का क्या मतलब होता है पाई बाय सिक्स हाँ सर तो पाए बाय सिक्स का यह मतलब है इधर से इधर का ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा पाई बाय सिक्स टी इक्वल्स टू टी पे मैं इधर पे हूं मीन्स यहां से शुरू करा यहां पे आ गया ये एंगल कितना है बेटा पाई बाय सिक्स है ना 30 डिग्री हाँ. ये मतलब बेटा इस बार इतना पार्ट मैं नहीं चला हूं चला कितना पार्ट हूं इतना पार्ट चला हूं टोटल पार्ट कितना होता है टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स तो छह दुनी बारह तो ये आ जाएगा ग्यारह बटे ग्यारह पाई बाई छ तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इलेवन टी बटे बारह आ गया आंसर इलेवन टी बाय बारह तो टी बाय बारह गलत हो गया इलेवन टी बाय बारह इलेवन टी बाय बारह इलेवन टी बाय बारह टी बाय बारह नहीं आएगा बेटा चलो आगे चले अब थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा मैं दो सवाल और इसके दूंगा फिर मैं आगे इसके बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा ठीक है अब ये दो सवाल और करने बेटा आपको ये प्लस ए है इधर से बेटा इसने शुरू किया है टी इक्वल्स टू जीरो और इसकी जर्नी वापस खत्म हो गई है ए बाई टू पे ये इसका मेन पोजीशन है ये माइनस ए है टाइम निकालना है और यहां पे बेटा ये माइनस का रूट थ्री ए बाय टू से यहां पे माइनस का ए बाय रूट फोर ए बाय रूट टू तो 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 कहां से कहां भेजते इधर से भेजते हैं ये मेन पोजीशन है ये क्या हो जाएगा बेटा ए बाय रूट टू और यहां पे क्या आ जाएगा रूट थ्री ए बाय टू ये इधर से शुरू किया है और ये इधर तक आया है t इक्वल्स टू जीरो से t इक्वल्स टू टी जल्दी से निकाल के बताओ आप लोग ट्राई करो ये दोनों का जल्दी 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 पहले वाले का आ गया टी बाय सिक्स जल्दी जल्दी बेटा इसके बाद बस ग्राफ शुरू हो रहे हैं ध्यान से देखो तो यहाँ पे अच्छा ये खत्म क्या कर रही है तो लिखा ही नहीं है यार मैंने क्या निकाल क्या रहे हो तुम लोग ये बताओ ये t इक्वल्स टू जीरो पे तो मैंने दे दिया निकाल रहे कहा हो ये खत्म कहा हुई है इसकी जननी यहां पे तो चलो आप आराम से बता दोगे तो यहां पे उतना ही आ जाएगा चलो रूट थ्री ए बाय टू लिख लो t इक्वल्स टू टी पे बताओ कितना होगा इसका जल्दी से मैंने कहा देखो सर सबसे पहले तो आप यह समझो ये t इक्वल्स टू जीरो पे कहा है क्या है ये बच्चों एम्बीट्यूड पे है अपने हाँ सर तो ये कहां पे आ गया t इक्वल्स टू जीरो पे प्लस a पे आ गया ये प्लस ए से बेटा इस तरफ जाएगा और फिर ये ऐसे घूम के जाएगा ना हाँ सर तो ये प्लस ए से कहा गया है मेन पोजीशन फिर माइनस ए फिर मेन पोजीशन और फिर मेन पोजीशन से कितना दूर है सिक्सटी डिग्री दैट इज पाए बाय थ्री तो ये इधर से कितना दूर गया है मेन पोजीशन से कितना गया है पाए बाय थ्री तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा ये इधर पे आया है टीवल्स टू टी पे बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा पाए बाय टू माइनस पाए बाय थ्री तो ये कितना हो जाएगा बेटा पाए बाय सिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हाँ सर ये इतना पार्ट चला नहीं है इतने पे बेटा इसने नहीं चला है बाकी ये पूरा घूम करके आ रहा है तो कितना हो जाएगा सेम टू पाई माइनस पाए बाय सिक्स तो वैल्यू छोनी बारह ग्यारह पाई बटे जाएगा कितना आएगा बेटा इलेवन पाई बाई सिक्स और टाइम टी जो आएगा बेटा वो इलेवन टी बटे बारह क्लियर है कि नहीं है हाँ जल्दी से ये वाला बता दो बेटा फिर अपन ग्राफ की तरफ चलते हैं फिर अपना मोटा मोटा ये फेजर डायग्राम बेटा खत्म ही हो जाएगा इसमें कुछ है नहीं ग्राफ ग्राफ के बाद फिर बस एनर्जी बढ़िया से एनर्जी देखनी है थोड़े बहुत ऑसलेन के सवाल देखेंगे तो ये क्या हो गया बेटा कहां से चला टी इक्वल टू जीरो पे ए बाय रूट टू ए बाय टू मतलब पाए बाय फोर तो आप ये बताओ मेरी जर्नी यहां से शुरू हुई है यहां से शुरू हुई है टी इक्वल टू जीरो तो ये कहां से शुरू हुई है मेन पोजीशन से कितना दूर हूं मैं सर पाए बाय फोर दूर हूं आप और कहा खत्म हुई है मैं ये बेटा माइनस ए होता है माइनस ए से रूट थ्री ए बाई टू मतलब यहां कहीं आएगा ये डिफरेंस कितना होता है बेटा ये माइनस आएगा रूट थ्री ए बाई टू दैट इज सिक्सटी डिग्री होता है कि नहीं होता है हाँ सर सिक्सटी डिग्री को क्या लिख सकते हो पाई बाय थ्री तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी सर ये वैल्यू आ जाएगी इधर पे आप इधर आ गए हो इक्वल्स टू टीप पे और ये पाथ जो नहीं चला है दाइ बाय थ्री अब आपके ऊपर है कि आप इसे निकाल लो कितनी आएगी वैल्यू सर ये पाए 4 है ये टोटल कितना है पाई है ये पाए बाय थ्री है तो ये कितना हो जाएगा पाए बाय सिक्स हो जाएगा पाए बाय टू माइनस पाए बाय थ्री पाए बाय सिक्स होता है एड कर लो तो टोटल थीटा जो आएगा वो पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय फोर प्लस पाई एलसीएम तो कितना आ जाएगा बेटा ये बारह आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा टू पाई प्लस थ्री पाई प्लस ट्वेल्व पाई तो ये सत्रह पाई हो गया सेवनटीन पाई बाय ट्वेल्व तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सत्रह टी बटे चौबीस क्या ये आ चुका है कि नहीं आ चुका है बेटा आप लोगों का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चले बेटा आगे बिल्कुल सर अब बेटा मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहता हूं ग्राफ दिखाना चाहता हूं ग्राफ जैसा मैं बता रहा हूं अगर वैसा आप सीख लो तो भैया उससे ज्यादा फैंटास्टिक हो ही नहीं सकता है आप ये बात मान लो ठीक है हाँ सर आप बताइए क्या करना है तो मैंने कहा देखो वाई डिस्प्लेसमेंट का अगर आप ग्राफ देखोगे x इक्वल्स टू ए साइन उमेगा टी प्लस फाइन ऑट होता है कि नहीं होता है हाँ सर बेटा x जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो भी किस में साइन ओमेगा टी में आप इस बात को समझो ये बात मैं किसके लिए बोल रहा हूं ये बात मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए ये बात मैं किसके लिए बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल रहा हूं अगर यही बात बेटा मैं वेलोसिटी के लिए लिखूं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी होगा बच्चों ये लिखवा चुका हूं आपको दिखा चुका हूं क्या लिखोगे वेलोसिटी v इज अ फंक्शन ऑफ कॉस उमेगा टी बेटा टाइम पीरियड में आप देखो कॉस का फंक्शन है क्या नहीं है हा सर इसी तरीके से अगर मैं क्या देखूं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट uh, हो गया वेलोसिटी हो गया एक्सेलरेशन की बात करूंगा मैं तो एक्सेलरेशन में आप क्या कहोगे कि सर ए जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइन नॉट के बराबर होगा जहां पे आप लिख सकते हो ए जो है ए फंक्शन ऑफ माइनस का साइन ओमेगा बेटा ये माइनस इसके साथ जुड़ा होगा इस बात के लिए आप सहमत हो गये नहीं हो जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ इस बात के लिए आप लोग सहमत हो हाँ सर अब यहां पे ग्राफ देखना जरा ग्राफ देखना है बेटा आप इसका ठीक है सर और यहां पे बेटा ये हमारी एक्सेस हो गई ठीक है अब ध्यान से सुनो बेटा ग्राफ के लिए मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं क्लियर है बेटा ये सबसे पहले मैं किसका बनाने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट का ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है बेटा आपका टाइम है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है किसका साइन का हा सर साइन का ग्राफ इधर से शुरू होगा बिल्कुल सर और कहां तक जाएगा सर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक ये ये इधर पे इधर ये फिर ऐसा बढ़िया बनाए नहीं सर लग तो नहीं रहा है बढ़िया ये लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई ना एक लाइन चलो काम चला लेना ठीक है ये बेटा साइन का ग्राफ होगा इस तरीके का ग्राफ मजेदार ना बने तो फिर दिक्कत होती है देखने में ही अच्छा नहीं लगता सही कह हूं कि नहीं ये किसका ग्राफ है बेटा डिस्प्लेसमेंट का साइन का ग्राफ है आप देख सकते हो ये बेटा जीरो डिग्री पे है ठीक है एंगल लिख लो ये जीरो डिग्री ये क्या हो जाएगा बेटा नाइन्टी डिग्री ये कितना हो जाएगा वन एट्टी डिग्री या इसको पाई बाय टू लिख लो इसको पाई लिख लो यहां पे कितना आएगा सर यहां पे थ्री पाई बाय टू आएगा यहां पे कितना आ जाएगा सर टू पाई आ जाएगा क्लियर है हाँ सेम बेटा आप ये वाला अगर पॉइंट देखोगे ये प्लस ए है और ये नीचे वाला पॉइंट अगर देखोगे तो दिस इज माइनस ए क्लियर है ये किसका ग्राफ था तो बेटा आप लोगों का सर ये वाला डिस्प्लेसमेंट का था ऐसे ही सेम यहां पे आप किसका बनाऊंगा बेटा वेलोसिटी का साथ में ही बनाऊंगा जिससे कि आप देखो देख पाओ कि वेरिएशन एक साथ होते कैसे हैं इन ग्राफ्स में क्लियर है वेरिएशन कैसे होते हैं बेटा वो साथ में आपको पता चलेगा अब वेलोसिटी का बेटा ग्राफ आपने देखा है किस पे कॉस पे है तो कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होगा ऊपर से हाँ सर बेटा ये कॉस का ग्राफ आ जाएगा ये देखो ये पूरा क्या बन गया बेटा का ग्राफ ये वेलोसिटी कितनी आ गई ओमेगा। आप देखो जब आपकी मेन पोजीशन है वहीं पे आपको वेलोसिटी क्या मिल रही है? मैक्सिमम कितने डिग्री पे बेटा? जीरो डिग्री पे इतनी खूबसूरत चीज है कि मैं क्या बताऊं बस आप लोग ध्यान देना चाहते ही नहीं हो आप देख रहे हो इतना मतलब नेचर क्या ही आतंक कर रहा है आप समझो तो कितनी खूबसूरत सिमेट्री निकल के आ रही है चाहे ग्राफ के टर्म्स में देख लो पर नहीं आपको ध्यान ही नहीं देना है आपका ध्यान ही कहीं और है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब यहां पे बेटा जैसे ही वेलोसिटी का आपने बना लिया अब अगला किसका आ जाता है एक्सल्रेशन एक्सलेशन का कैसा दिया गया है बेटा? मैंने आपको बताया माइनस तो मतलब नीचे से मतलब ये वाला ग्राफ है तो साइन का ही बट बेटा कहां से शुरू होगा नीचे से शुरू होगा ऐसा बिकॉज माइनस साइन है बेटा इस तरीके से ये ग्राफ चलेगा ये ग्राफ किसका है? का आप देख सकते हो जब जीरो मतलब मेन पोजीशन होती है एक्सलेशन जीरो जब मैं पाई बाय टू पे आता हूं मतलब मेरी एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे एक्सलेशन किसके बराबर होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है वेलोसिटी देखो कितनी है जीरो एम्पलीट्यूड देखो मैक्सिमम है कि नहीं है हाँ सर इधर पे देखो जब मैं पाई पे आता हूं वापस मैं मीन पोजीशन पे आ गया वेलोसिटी देखो क्या निकल के आ रही है बेटा मैक्सिमम माइनस का ए ओमेगा क्योंकि डायरेक्शन आप इधर होती है उधर पे आप ये देखो पॉइंट भी मीन पोजीशन का आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ सर और यही बेटा ग्राफ चलते जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ आप ये याद रखेंगे क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आगे चलें अपन लोग हाँ सर आप बेटा आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूं किसका वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का बेटा ये भी काफी पॉपुलर रहा है एक दो बच्चे के समझ में ही नहीं आता है कई बार पता है बच्चा कितना भी अच्छा हो एक दो बिल्कुल ऐसे निकल के आते हैं ना जो बिल्कुल अच्छे ही नहीं है समझ में आ गया है वो खुद भी नहीं पढ़ते हैं दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते हैं ये कहावत नहीं है ये सही बात है अभी नाम ले लेंगे तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे कोई मतलब नहीं और वो करी इसलिए रहे ड्रामा आप लोग ये समझो उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि बस एक बार सर नाम ले दे ये अचीवमेंट है नीट वीट तो निकलता रहेगा हम नीट के लिए थोड़ी आए हैं बस नाम ले दे हमारे बारे में दो तीन चीजें बोल दे हमारी तारीफ हो जाएगी तुम्हारी कमी और थी आ जाओ तुम भी आ जाओ अभी तुम्हारे बारे में आ जाओ वैसे तो नहीं बोल रहे थे तुम भी आ जाओ आ जाओ और और एक दो तो लोगों को अल्लाह लेके आ जाओ <laughs> चले आगे जल्दी से बताओ बेटा वेलोसिटी का अगर आप देखते वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अभी अच्छा है, ऐसा कोई इक्वेशन देखी है जहां पे दोनों की वैल्यूज आ रही हो सर वी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या ये रिलेशनशिप होता है कि नहीं होता है हाँ सर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया था ना हाँ वैल्यू तो सही थी मल्टीप्लाई करते बेटा स्क्वायरिंग ऐसे लिख भी देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर

अब इसको नीचे भेज दो डिवाइड कर दो तो यहां क्या बचेगा वन बचेगा या पूरे को ओमेगा ए स्क्वायर एक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो डिवाइडिंग बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए गए गए। ये आउट और इससे ये कैंसिल आउट इक्वेशन आ जाएगी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर वन के बराबर ये बेटा हमारी इक्वेशन आ गई अब ये इक्वेशन बेटा एक्सैक्टली हमें किसकी तरह नजर आ रही है अब ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो बेटा अगर कभी भी मेरा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा तो वो एलिप्स जैसा बनेगा क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर अब इसमें बेटा जो इलिप्स बनते हैं ना वो दो प्रकार के बनते हैं ठीक है दो प्रकार के हमारे इलेिप्स बनते हैं एक बिटा ये हो जाएगा ये हमारा, है, ये हमारा वाई है तो बेसिकली अगर बेटा ये जो इक्वेशन दिया गया है ये वेलोसिटी वी है और ये क्या है बेटा एक्स है इसका एम्प्लीट्यूड प्लस ए है इसका क्या है बेटा माइनस ए है इसका क्या है प्लस का ओमेगा है और इसका माइनस का ओमेगा है तो बेटा ये इलेप्टिकल ऐसा तब बनता है व्हेन ग्रेटर देन ओमेगा तब बेटा ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा ये वाला ग्राफ कब बनेगा बेटा मेरा ये वाला ग्राफ तब बनेगा ये ऊपर वाली चीज क्या हो गई वेलोसिटी ये क्या हो गया बेटा एम्पलीट्यूड सॉरी एक्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस ए ये क्या हो जाएगा प्लस का ए ओमेगा ये क्या हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा तो यहां पे वैल्यू बेटा ए ओमेगा इज ग्रेटर देन ए के बराबर होगी तब मेरा ये वाला ग्राफ बनेगा दोनों बातें क्लियर कि नहीं है और अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों सर अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सर्कल बनेगा वैसे इतने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं पर हाँ यार अब आपको सिखा रहे हैं तो पूरा ही अच्छे से आपको सारी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए पर आपकी कहानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इलिप्स पे ख़त्म हो जाती है वी है और ये एक्स है अगर ए इक्वल्स टू ए उमेगा के बराबर हो जाएगा तो बेटा सर्कल बनेगा जल्दी से बताओ यहां तक सारी बातें क्लियर हैं यहां से सारी बातें क्लियर है कि नहीं है पक्का चले बेटा आगे अब अगला जो ग्राफ रह गया बेटा दैट इज ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ पे इक्वल टू माइनस का इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर तो हो गई y MX के बराबर हाँ सर स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है स्लोप क्लियर है तो अगर यहाँ पे बेटा आप ग्राफ देखोगे किस किस के बीच का ग्राफ ये देखो ये बेटा ग्राफ देखोगे तो ये देखो ये नेगेटिव स्लोप हो गया कि नहीं हो गया थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ये क्या हो गया बेटा मेरा एक्सेलरेशन और ये हमारा क्या हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट क्लियर है जल्दी से बताओ बेटा ये ग्राफ क्लियर है आप लोगों को हाँ सर अब एक सवाल पूछा गया ठीक है सवाल क्या कह रहा है बेटा आपसे ध्यान दो जरा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल कब निकालने के लिए कह रहा है द विलॉसिटी ज हाफ द मैक्सिमम आप बताओ जरा बेटा विलॉसिटी मेरी मैक्सिमम विलॉसिटी की आधी हो जल्दी से बताओ विलॉसिटी मेरा मैक्सिमम वेलॉसिटी की आधी हो जल्दी से यह बताओ देखो सर अब इसका बेटा पहले बड़ा तरीका देख लो बाद में मैं आपको बड़ा ही छोटा तरीका दिखा दूंगा क्या आप देखते ही सारी चीजें आप बता दो बड़े आराम से क्लियर है कितना आ रहा है ओमेगा ए बाय टू पे नहीं रूट थ्री ए बाई टू बिल्कुल सही रूट थ्री ए बाई टू पहले वैस पहले वाला तुम्हारा क्यों गलत आ गया था फिर आंसर तो तुम्हारा सही आ रहे हैं v इक्वल्स टू उमेगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा उसका आधा मतलब एमेगा बाय टू बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा से उमेगा चला गया ए बाय टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ए स्क्वायर बाई फोर

अब ये जो तरीका है बेटा ये मुझे बड़ा बड़ा सा तरीका लगता है इतना क्यों अपन टाइम वेस्ट करें जब अपन थोड़े लॉजिक से जा सकते हैं सिमेंट्री इतनी ज्यादा है तो बड़े छोटे तरीके से करने की इसको कोशिश करते हैं क्लियर है और वो छोटा तरीका देखो क्या है आप मुझे एक बात बताना पर ये पता होना चाहिए अब तुम्हें ये पता ही नहीं है तो फिर खेल हो ही नहीं पाएगा आपको ये चीजें पता होनी चाहिए अगर आपको ये नहीं पता है तो अपन ये कर ही नहीं सकते ये लगा ही नहीं सकते क्या सर मैंने कहा देखो बेटा यहाँ पे अगर साइन थीटा है और यहां पे अगर कॉज थीटा है तो जरा एक बात बताना जीरो डिग्री पे क्या होगा सर ये जीरो होगा ये वन होगा थर्टी डिग्री पे क्या होगा सर ये वन बाय टू होगा ये रूट थ्री बाय टू अगर मैं यहीं पे पूछूं कि अगर 60 डिग्री की बात फोर्टी डिग्री ना 45 डिग्री तो ये वन बाय रूट टू होगा और ये भी वन बाय टू होगा ये 60 डिग्री पे कितना आ जाएगा सर ये रूट थ्री बाय होगा और ये वन बाय टू होगा 90 डिग्री पे ये क्या होगा वन होगा ये जीरो होगा क्लियर है हाँ सर अगर डिस्प्लेसमेंट की बेटा बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा और वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ cos थीटा बेटा और ये इंटर रिलेटेड है आपसे अभी वेलोसिटी कब पूछी गई थी सर वेलोसिटी आधी पूछी गई थी v/2 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 मतलब पक्की बात है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा ऊपर वाला √3a/2 मतलब कभी भी कोई तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो a का मल्टीप्लाई कर देना उस वाले पॉइंट पे और जब भी कोई तुमसे वेलोसिटी पूछे तो ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देना बेटा जगह नहीं है यहां पे लिख देता हूं ए ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देना आप सी, सीधे सीधे कोई आपसे ये पूछ ले विलौसिटी बताओ वेलोसिटी रूट थ्री रूट थ्री ए बाय टू ओमेगा, किस पोजीशन पे ये वेलोसिटी मिलेगी मुझे कोई आपसे ये पूछ ले तो नहीं बता पाओगे क्या बेटा ये वेलोसिटी नहीं बता पाओगे क्या हां सर बता देंगे आपने अभी बताया कि ये रूट थ्री ए बाई टू मैक्सिमम ए ओमेगा का है ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब कितना मिलेगा एक्स की वैल्यू आग बंद करके बोलो प्लस माइनस ए बाई टू पे मिलेगी सर ये वाली वेलोसिटी दो जगह मिलेगी ना पोजीशन बेटा दो बार मिलेगी या नहीं मिलेगी जल्दी से बताओ इतना टाइम ही नहीं लगाना है क्लियर है बच्चों जल्दी से एक सवाल और देता हूं उसके बाद बेटा एनर्जी की तरफ जा रहे हैं वी मैक्सिमम की वैल्यू बेटा अल्फा दी गई है और ए मैक्सिमम की वैल्यू जो दी गई है दैट इज गिवन एज बीटा आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड एम्पलीटूड की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है कब पूछी जा रही है एंड द टाइम पीरियड एम्प्लीट्यूड पूछ लिया एंड टाइम पीरियड पीरियड इन टर्म्स ऑफ अल्फा अल्फा एंड बीटा निकाल के बताओ जल्दी से बेटा जल्दी निकालो आप मुझे सिर्फ तीस सेकेंड का टाइम दो मैं जरा अपने माइक्रोफोन की सेल बदल दूं तब तक आप जल्दी से करो थर्टी सेकेंड जस्ट जल्दी से करो ये बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है क्या आ गया रिजल्ट अपना कितना आ रहा है रिजल्ट बेटा देखो यहां पे हमें दिया क्या है बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम वी मैक्सिमम क्या होता है बेटा ओमेगा ओमेगा इक्वल्स इक्वल्स अल्फा एंड स्क्वायर इज बीटा दोनों को डिवाइड कर दो हाँ सर ए से ए कट गया तो वन बाय ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा नहीं ओमेगा इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा हाँ सर और द वैल्यू ऑफ एम्प्लीट्यूड ए निकालना है ओमेगा को किसी में भी रख दो इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर तो बी स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू बी यही है हा सर तो इससे ये चला गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अल्फा अपॉन बीटा आ रहा है ये एम्पलीट्यूड है मेरा चाहे तो अगर मैं इसमें रख देता ओमेगा की वैल्यू तो अल्फा स्क्वायर आता हाँ सर यहां हाँ से तो ये आ जाता तो ओमेगा आ गया बीटा पॉन अल्फा एम्पलीट्यूड अल्फा स्क्वायर अच्छा ये स्क्वायर है ना ऊपर तो लगा दिया नीचे स्क्वायर नहीं लगाया बीटा स्क्वायर है ना तो बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा इससे ये तो ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा ये ए आ गया आपको टाइम पीरियड चाहिए ना ओमेगा इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा होता है बच्चों हाँ सर तो टी इक्वल्स टू टू पाई ओमेगा की वैल्यू क्या है बीटा अपॉन अल्फा तो ये बीटा अल्फा ऊपर आ जाएगा तो टी इक्वल्स टू टू पाई अल्फा अपॉन बीटा ये आ गया था क्या आंसर जल्दी से बताओ बेटा ये आ गया था आंसर आगे चलें बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा अपन करते हैं अगला सवाल हमारा कह रहा है बेटा एनर्जी इन एस एच एम अब किसको लिखने वाले हैं एनर्जीज़ को लिखने वाले हैं क्लियर है अगर आपको याद हो बेटा तो f इक्वल टू माइनस का du यू बाई डी ये बेटा मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी में सिखाया है हाँ सर इसको अगर मैं यहां पे भेज दू तो ये हो जाएगा f डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का du के बराबर तो अपन बेटा पहले क्या निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हम लोग एस पढ़ रहे हैं तो फोर्स कितना है बेटा k इन टू के बराबर है माइनस का तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का के एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी यू इंटीग्रेशन क्लियर है क्या नहीं है हाँ सर तो जब बेटा एक्स की वैल्यू मैं ओरिजिन पे हूं तो मेरा पोटेंशियल है यू नॉट जब मेरी एक्स पोजीशन किसी एक्स पे है तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है यू पहले तो माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देता हूं के कांस्टेंट है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा एक्स की तो ये हो जाएगी एक्स लिमिट जो आ जाएगा बेटा वो जीरो से एक्स तक इज इक्वल्स टू किसके बराबर बेटा पोटेंशियल एनर्जी यू के बराबर लिमिट यू से यू नॉट तो ये कितना आ जाएगा बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू u फाइनल माइनस या फिर ऐसे लिख लो बेटा यू माइनस नॉट तो बेटा u पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस नॉट के बराबर ये बेटा हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रहती है ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रहती है अब नॉट हमने कहां लिया था बेटा ओरिजिन पे हा सर मतलब ओरिजिन मतलब मीन पोजीशन पे लिया था बेटा हम लोग पोटेंशियल एट मीन पोजिशन या पोटेंशियल एट रेफरेंस याद करो क्या अपन जीरो लेते हैं कि नहीं लेते हैं तो ये टर्म हो जाएगा जीरो तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करना है दैट इज यू फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला आपको रट लेना है याद कर लेना है अपने मन में बसा लेना है क्लियर है कि नहीं है बेटा ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पहले ये बताओ आप लोग और यहीं पे अगर बेटा मैं किसकी बात करूं आपके सामने कौन सी एनर्जी आ गई है पोटेंशियल एनर्जी आ गई है सर और पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी पी ई एट एक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे देखेंगे तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी यू किसके बराबर आ जाएगी पी लिख दू हाँ सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर का स्क्वायर तो बेटा ये हाफ के ए स्क्वायर आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है पीई मैक्सिमम e की वैल्यू होती है और यहीं पे अगर बेटा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम देखनी है दैट मींस ओरिजिन पे आपको मिलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो अगर मैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी को एसएचएम के ग्राफ में देखू ना किसके ग्राफ में देखू एस के ग्राफ में देखू तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा ये क्या हो गया बेटा मेन पोजीशन ये क्या हो गया बेटा प्लस ए ये क्या हो गया माइनस ए क्लियर है हा सर तो अब अगर मुझे इस एनर्जी को देखना है तो मेन पोजीशन पे जीरो है और बेटा यहां पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज्यादा है तो यहां पे बेटा को क्या मिलती सबसे ज्यादा मिलती और बाकी जगह क्या मिलेगी बेटा सबसे कम तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये किसका ग्राफ है बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है किसका ग्राफ है पीई का ग्राफ है पीई इधर पे क्या होता है मिनिमम होती है तो यहां पे पीई की वैल्यू जीरो और यहां पे पी क्या होती है हाफ ए स्क्वायर और यहां पे बेटा हाफ के ए स्क्वायर होगी क्या आप लोगों को ये समझ में आया भाई ये क्या लिखते रहते हो इतना कुछ भी मतलब इसका कोई सेंस है आप ये बताओ चलो हम नहीं ध्यान दे रहे नहीं ध्यान दे रहे बेटा बाकी सब तुम ये सब छोड़ो तुम बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये बताए ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं मतलब कोई सेंस ही नहीं अरे नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो भाई आपके लिए तो वैसे भी नहीं आए हैं पर जो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो नहीं मतलब और और कहीं ये चीज यार कोई भी चीज करने का एक तरीका होता है आपके चक्कर में कोई बच्चा अगर डाउट पूछ रहा होता है ना उसे सबसे बुरा इसी बात का लगता है अरे हमें तो तुमसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता यार आप हमारे लिए नॉन एग्जिस्टिंग हो आप पहले यह समझ लो हमें तो उससे फर्क पड़ रहा है कि एक्चुअल में किसी को कुछ पूछना होता है ना वो बच्चा बेचारा रह जाता है उस बात का बहुत बुरा लगता है हमें बहुत बुरा लगता है कि यार एक बार को एक बार बस एक ऐसा कमेंट दिख जाए जो डाउट का हो हम बता दें पर नहीं ये तो सामने यार तुम सच बता रहा हो वो तो तुम सामने नहीं हो सच बता रहा हूं वो तो तुम सामने नहीं हो वरना ऐसी चीज तुम नहीं करते सामने सच बता रहा हूं वो तो बस ये है कि मीडियम का वो है एडवांटेज है नहीं स्पैमर हो सब हो यार तुम अपनी जगह हो पर उसका आउटपुट तो बताओ यार ऐसा कुछ फायदा मिलता है तो चलो भाई हम भी करें ये सब हम कहां बढ़ा रहे हैं हम ये सब कहां बढ़ा रहे हैं हम भी कुछ आ, ऐसे ही करें तुम ये बताओ ऐसा कुछ करने की स्पैमर बनने से पैसा मिलता है तो बताओ नीट में एडमिशन मिल जाता है तो सब छोड़ो भैया हम क्यों लगे हैं सब लोग अपन स्पैमर बनाते हैं इसका कुछ एडवांटेज है पहले ये बताओ ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है तो वो बताओ भाई नहीं वो तो हम वैसे भी इग्नोर कर रहे हैं उनका तो वैसे भी यार वो तो घर वालों ने भी उन्हें इग्नोर कर रखा है इसलिए वो यहां पे ये सब हरकतें कर रहे हैं ठीक है तो वो तो वैसे भी इग्नोरड है ठीक है एक आध महिला मित्र आई वो बस यही के कोई हैरी करके था जिससे बात भैया है वो हैरी वो तुमसे नहीं बस हैरी हैरी करके वो ये चाह रही थी कि हम थोड़ा ध्यान दें तो वो तो तुम्हें उसने वो बना लिया मोहरा बना दिया एक बस तो प्लीज यार तुम लोग थोड़ा इस चीज पे ध्यान दो पढ़ाई वढ़ाई पे लगो ठीक है और हां रहा कोई गिलवा का आपको कोई लगे कि यार कुछ बात करनी है मिलना है आओ यार मोस्ट वेलकम रहेगा आपका ठीक है तो अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं दोबारा मुड़कर के नहीं देखेंगे यार तभी तो हमने अपनी बैक इतनी स्ट्रांग बना रखी है कि कोई पीठ पीछे बात करे तो फर्क ना पड़े समझ में आया इसीलिए बना रखी है चले बच्चों आगे तो ये बेटा बात किसकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी की हो गई कि हाँ यार ये यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ठीक है सर ये बता भी दिया कहा मैक्सिमम है कहां मिनिमम है अब यहां पे बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी आई है आप सुनते जाओ पोटेंशियल एनर्जी जो आई है बेटा दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आप इसको देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है ये एक्स का फंक्शन है मैंने कहा सर नहीं मुझे इंटरेस्टेड नहीं है पोटेंशियल एनर्जी जो आप ये लेकर के आए आयो हाफ के एक्स स्क्वायर मुझे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पीई इज अ फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है बेटा डिस्प्लेसमेंट का है मुझे इसमें इंटरेस्टेड नहीं मुझे है मुझे टाइम में इंटरेस्ट है आप मुझे टाइम में दिखाओ मैंने कहा ठीक है मैं टाइम में दिखाता हूं तो अब मैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिखाने वाला हूं पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो आप हमें यह बताओ क्या बच्चों आप लोग ये जानते हो कि नहीं जानते हो कि एक्स जो होता है दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट के बराबर है हा सर तो पोटेंशियल एनर्जी अभी निकाली दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर तो बेटा क्या मैं इस एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो u इक्वल्स टू हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस फाइव के बराबर और ये वैल्यू u की आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस बेटा ये हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी इसमें कोई दिक्कत है क्या नहीं सर के की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं देखो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है या फिर उमेगा भी आपने देखा, m k होता है स्कवायरिंग बोथ साइड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बाई के तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा एम ओमेगा स्क्वायर तो के की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो यू कितना आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बेटा ये हमारी क्या आ जाती है वैल्यू आ जाती है क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है तो ये हमारी आ गई क्या पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको सिर्फ ये वाली चीज याद रखनी है और ये भी अगर याद ना हो तो आप ये याद रखना पोटेंशियल एनर्जी में साइन आता है बाकी सारी दुख तकलीफें यहां पे दूर हो जाएंगी इसका बेटा अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप एक बात मुझे ये बताओ कौन सी बात सर क्या क्योंकि यहां पे साइन स्क्वायर आ गया तो ग्राफ नेगेटिव होगा क्या नहीं सर तो मतलब ये कहां से शुरू होगा यहां से शुरू होगा फिर यहां जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा और ये इसी तरीके से चलता जाएगा ये किसका ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस किसका है बेटा टाइम का है आप इस बात को समझो ऊपर वाला किसका बनाया था यह वाला पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का था यह क्या है बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी है यह क्या है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट एक्स है यह दोनों ग्राफ याद रखना एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है क्लियर है कि नहीं है हा सर अब यहां तक बेटा बात हम लोग कंप्लीट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी तक अब अपन कहां ले जाने वाले हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ठीक है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की सर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज पीई एवरेज हो जाएगा पीई एवरेज हो जाएगा एवरेज के लिए बेटा ऐसा साइन लगा देंगे या फिर इसी के नीचे पी ई वी जी लिख दो आपके ऊपर है जैसे लिख रहा हूं तो ये हाफ एम ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट होता है बेटा इसी की आप एवरेज वैल्यू निकाल लो तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा तो पीई एवरेज -E में बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा आप लोगों ने बेटा थोड़ा बहुत भी ए सी पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ होती है और नहीं पता हो तो आपसे ये वाली चीज याद रख लेना कि इसकी वैल्यू क्या होती है हाफ होती है क्लियर है ओमेगा के बाई एम पीछे ओमेगा इक्वल्स टू के बाई एम हा 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 के बाई एम वाला कह रहे हो एम ओमेगा ये स्क्वायर हम्म ये कितना हो गया के की वैल्यू ये के बाई एम है ना वैल्यू तो देखो वैसे सेम ही आएगी ये क्या हो गया के बाई एम हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड तो के बाई एम के बराबर तो के इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर बेटा चीज सेम ही है एम ओमेगा स्क्वायर ही है के वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर ही डालिए क्लियर चले बेटा आगे तो यहां पे क्या आ जाएगी बेटा एवरेज वैल्यू हमारी 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 हाँ वन बाय टू आ जाएगी इसकी जगह बेटा रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे इंटू टू आ जाएगा तो आप बस ये याद रखना एस एच एम में अगर कोई आपसे पोटेंशियल एनर्जी एवरेज पूछ लेगा तो उसकी वैल्यू वन बाय फोर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होती है बस ये वाली चीज़ आप लोग याद रख लेना इतना ही याद रख लोगे जितना डब्बा बना रहा हूँ उतना ही बेटा आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा क्लियर है हाँ सर और चाहे तो इसको फिर से ऐसा भी लिख सकते हो हाफ वन बाय फोर के ए स्क्वायर के बराबर क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर है K के बराबर है क्लियर है इतनी बात हाँ सर अब नेक्स्ट बेटा यहां पे बात आ जाती है किसकी जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी डाल देख ली आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देखेंगे तो बेटा v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है हा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर ओके सर वेलोसिटी को यहां पे डाल दो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों का ये ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिए हम लोगों ने अंदर क्या रख लिया बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से हम लोग इसको रख लेंगे ठीक है एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर के बराबर आप बेटा बस ये वाली चीज को याद कर लेना रट लेना अपने दिमाग में दिलो दिमाग में बसा करके बैठ जाना सही बताओ इतना कर लोगे कि नहीं कर पाओगे इतना कर लोगे बेटा इतना हो जाएगा हाँ सर अब इसी की बेटा अगर मैं मैक्सिमम निकालू तो के ई मैक्सिमम की वैल्यू कब आ जाएगी सर जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा मैक्सिमम एट इक्वल्स जीरो। तो यहां पे बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा हाफ के ए स्क्वायर के बराबर और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब आ जाएगी बेटा एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए के बराबर रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी आ जाएगी वैल्यू भी बता दो उसकी सर जीरो आ जाएगी अब अगर इसका ग्राफ देखना हो बच्चों तो अपन ग्राफ भी देख सकते हैं इसका हा सर ये आपकी एनर्जी हो गई ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये क्या हो गया बेटा मीन पोजीशन अब अगर बेटा ये अपन मीन पोजीशन है और ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स पर अभी हम यहां पे प्लस ए और माइनस ए के लिए देख रहे हैं तो बेटा यहां पे मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे मिनिमम है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा यहां पे मैक्सिमम आ गई दैट इज हाफ के ए स्क्वायर और यहां पे क्या आ गया बेटा जीरो और यहां पे भी क्या आ गया बेटा जीरो आ गया इतनी बात क्लियर है अपन आगे चलें हां सर चलें बेटा आ गया अपन लोग यार कुछ और अच्छा बोल एक ही चीज को बार बार रिपीट करता जा रहा कुछ नया आई वॉन्ट समथिंग न्यू समझो कुछ नया और भी बोलो तब तो मजा आएगा एक ही बात ओवर एक्टिंग लग रहा है पचास रुपए काटने पड़ेंगे इसके ठीक है काम बढ़िया नहीं है इसका काम बढ़िया नहीं है अब बेटा यहाँ पे जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाली है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है पर उसने बोला नहीं हमें एक्स में नहीं चाहिए हमें यही चीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए है क्या चाहिए बेटा एज अ फंक्शन ऑफ़ टाइम टाइम चाहिए है तो की जगह क्या करेंगे ये टाइम का फंक्शन चाहिए वो कह रहा है तो उसने कहा कि सर देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा कॉस ओमेगा होती है एनर्जी का सर फॉर्मूला होता है हाफ एम हा सर तो क्या आप इस वेलोसिटी को यहाँ पे रख दू इस वेलोसिटी को यहाँ पे रख दू हाँ कुछ नया लिखा क्या हाँ अब देखा देखो मुझे मुझे तुम्हें भी सिखाना पड़ रहा है देखो अब वो अपन वो नहीं है उसकी डायलॉग है परेश रावल का क्या चोर बनेगा रे तू वही अभी मैंने तुझे सिखाया तो क्या स्पैमर बनेगा रे तू? ठीक <laughs> है अभी ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है कि यार आलसी वाला वर्ड बोरिंग हो गया है तो अब जाकर के उसने मोटू लिखा है क्या है स्पैमर बनेगा रे तू <laughs> यार यार अब इसकी भी ट्रेनिंग मैं लू देखो फिजिक्स तो मैं सिखाऊं सिखाऊं। साथ में तुम्हें तो स्पैमर भी बनाऊ देख रहे हो बच्चों कितनी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर चलो जल्दी चल से अब यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर की जगह बेटा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको के भी लिख सकते हो अदरवाइज बेटा ये वाले फॉर्मूले को आप लोग याद रख लेंगे काइनेटिक एनर्जी बेटा यहाँ से हाफ के ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बेटा ये याद रख लेना और बस इतना जितना मैं बता रहा हूं ना कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ साइन यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ कॉस बस इतनी बात को आप लोग याद रखना ठीक है हाँ सर तो ये बेटा इधर पे हो गया और यहां से बेटा आप ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी किसका बेटा काइनेटिक एनर्जी और किसका चाहिए हमें टाइम का चाहिए टाइम का चाहिए तो यहां पे मैक्सिमम से चाहिए कॉस कहां से शुरू होता है बेटा यहां से अब स्क्वायर है तो बेटा ये टर्म चलेगा कॉस का ग्राफ पर नीचे नहीं जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता है ये इस तरीके से चलता जाएगा बेटा बस ये ग्राफ थोड़े से याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी में यहां से शुरू हो रहा है पोटेंशियल में वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है क्या इतनी बात क्लियर है हाँ सर चले आगे बच्चों अगर यहां तक सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो तो बिल्कुल अच्छे से सर सेम यहां पे भी बेटा जैसे पहले हम लोगों ने एवरेज निकाला था इसका एवरेज यहीं पे लिख दू मैं अगर आप बुरा ना मानो तो तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा एवरेज वैल्यू की मैं बात करूं तो आप देखो ये हाफ के ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी बेटा जो निकल के आती है वो भी हाफ ही होती है तो ये वन बाई फोर के ए स्क्वायर के बराबर निकल के आता है मतलब एवरेज वैल्यू बेटा सेम ही रहती है दोनों की चले आगे अब बेटा अब यहां पे मैं जो बात करने वाला हूं वो किसकी करने वाला हूं टोटल एनर्जी की तो टोटल एनर्जी किस किसका कॉम्बिनेशन है सर टोटल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा हाफ के ए स्क्वायर लिख दूं काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ के हाफ के के टर्म्स में चाहिए या ओमेगा के टर्म्स में चाहिए किसके टर्म्स में, में चाहिए आप बताओ K के के टर्म्स में ही निकाल लें ठीक है स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर कॉमन ठीक है सर और अंदर क्या बच जाएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी एक्स के टर्म्स में ना बेटा यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर लिखो ना एक्स के टर्म्स में ही चाहिए टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा टोटल एनर्जी जो आएगी हमारे पास दैट इज हाफ के ए स्क्वायर आप इस बात को समझो बेटा टोटल एनर्जी जो आई है वो कैसी आई है कॉन्स्टेंट आई है कॉन्स्टेंट से आप ये भी समझ सकते हो कि हर कहीं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन साथ ही साथ में लगता जा रहा है क्लियर है हाँ सर अब अगर बेटा ये पूरा ग्राफ एक साथ देखो तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको कैसा सर कि ये बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी ठीक है पैराबोलिक और ये हमारा क्या ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी एक मिनट बेटा ग्राफ दोबारा से बना रहा हूं बनेगा ऐसे ही पर बहुत दूर दूर सुंदर सा डायग्राम नहीं बन रहा है पास पास में हो गया सब ये है ये बेटा इसका मिड पॉइंट है थोड़ा और एक्सटेंड कर ठीक है ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा सर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस ए और यह क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस ए हो जाएगा क्लियर है हाँ ये आपका क्या हो गया बेटा मीन पोजीशन? अब अगर मैं बेटा बात करूं किसकी पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी में बेटा इधर पे क्या है मिनिमम है हाँ सर साइड में क्या है बेटा मैक्सिमम है तो इसको अगर मैं इस तरीके से बना दू तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा हा सर ये किसका ग्राफ है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का पीई और ये पीई क्लियर है और ये वैल्यू कितनी है दैट इज हाफ के ए स्क्वायर ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है हाफ के ए स्क्वायर आवाज आ रही है ना मेरी हाँ। वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर और यहीं पे बेटा अगर साथ में ही मुझे क्या देखना है सर काइनेटिक एनर्जी का देखना है तो एक्सट्रीम पे क्या होती है बेटा वेलोसिटी मिनिमम यहां पे मैक्सिमम रहती है तो बेटा ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ये कौन सी एनर्जी है बेटा काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी का बेटा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ऐसा ये ग्राफ जो ग्रीन वाली देख रहे हो बेटा दिस लाइन दिस लाइन इज ऑफ टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी मतलब हर एक इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी क्या रहती है बेटा सेम रहती है यहाँ पे दो पॉइंट बड़े ही खास नजर आ रहे हैं अगर आप गौर से देखो बेटा ये वाला पॉइंट आप यहां पे देखो यहां पे बेसिकली एक ऐसा पॉइंट आपको नजर आ रहा है जहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी सेम आपको यहां पे भी नजर आ रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा काइनेटिक एनर्जी सेम एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली exactly ये पॉइंट पे सेम है तो आप ये बेटा पूरा ग्राफ एक साथ देख सकते हो चलें आगे अपन बेटा यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो जल्दी से बताओ यहां तक सारी बातें समझ में आ गई हो तो बेटा अपन आगे चले क्लियर है इतना हाँ सर अब यहीं पे बेटा मैंने आपसे अगला एक सवाल पूछ लिया क्या चीज काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है बेटा अपनी आपसे पूछ लिया फाइंड द पोजीशन पोजीशन बतानी है किसकी बेटा वेयर 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 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बेटा एक्स की वैल्यू बतानी है जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सेम हो जल्दी से बता दीजिए जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो तो हाफ एम बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बराबर लिखो पोटेंशियल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा ए ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं हाफ के हाफ के कैंसिल आउट ए स्क्वायर बराबर टू एक्स तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा ए बाय टू मतलब ये जो पोजीशन बेटा मैंने मार्क करी थी पीछे जहां पे मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ पे बेटा वैल्यू सेम रहेगी तो ये माइनस का ए बाय टू है और ये वाला प्लस का ए बाय टू है इन दोनों पोजीशंस पे बेटा हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आधी आधी, आधी बट जाती है क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है हाँ सर तो ये आ गई हमारी वैल्यू यहां पे चाहो तो प्लस माइनस आप लोग लगा सकते हैं क्या बेटा आगे चलें एक बच्चे ने डिग्री में भी आंसर दिया है बहुत बढ़िया बेटा अब आपसे एक बार सवाल पूछा गया x इक्वल टू फाइव साइन फोर टी फाइव साइन फोर टी प्लस पाई बाई फोर ये बेटा इक्वेशन दी गई है डिस्प्लेसमेंट की अब एक एक टर्म तुम्हें नजर आ रहा होगा और मास जो दिया गया है इसका फोर के है आपसे क्या पूछा गया है फाइन टोटल एनर्जी फाइन टोटल एनर्जी और दूसरी चीज आपसे जो पूछी जा रही है बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू थ्री थ्री सेंटीमीटर ही चल रहा है बेटा ठीक है ज्यादा बड़ी नहीं तीन मीटर तो बहुत हो जाएगा ना जल्दी से बताओ आ रही है बेटा वैल्यू क्या आ रही है बेटा वैल्यू टोटल एनर्जी किसके बराबर है बेटा सर टोटल एनर्जी जो होती है वो हाफ के ए स्क्वायर होती है हाफ इस के की वैल्यू सर एम ओमेगा स्क्वायर होती है बेटा के जी में तो इसको मीटर ही कर लो ये बड़ी हो गई वैल्यू मैं समझ रहा हूं कोई बात एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास बेटा चार है ओमेगा स्क्वायर बेटा ये ओमेगा टी लिखते थे कि नहीं लिखते थेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर का स्क्वायर इंटू पच्चीस दो से ये दो बार चला गया तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है ये पचास कर दो ये सोलह कर दो इंटू पचास कर दो क्लियर है हाँ सर। और 16 इंटू पांच कितने हो जाते हैं 80 और ये 800 सौ जूल बेटा टोटल एनर्जी तो 800 सौ जूल आ रही है बहुत बढ़िया अब इसी के साथ आप पोटेंशियल एनर्जी और ये निकाल दो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू थ्री है तो हाफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू नाइन के बराबर अब मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई कर लोगे और काइनेटिक एनर्जी भी क्या लिख लोगे बेटा हाफ के ए का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर यहां पे ये करना होगा तो थोड़ा ये वाला स्टेप याद रखना हाफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा एम ओमेगा स्क्वायर इन टू पच्चीस माइनस नौ सोलह आ गया तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाई टू एम कितना है बेटा चार ओमेगा स्क्वायर है सिक्सटीन इन टू सिक्सटीन अब मेरे ख्याल से आप लोग इसका मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे जल्दी से बताओ हो जाएगा बेटा टू एट एट और फाइव वन टू ठीक है ये टू एट एट आ रहा है और ये बेटा कितना आ जाएगा फाइव वन टू जू बहुत बढ़िया चले बेटा आगे बिल्कुल सर आपसे बेटा एक और सवाल पूछा गया वो किसका वो बेटा आपसे स्प्रिंग का पूछा गया अब स्प्रिंग प्रॉब्लम को समझते हैं अब एसएचएम में बेटा क्या आने वाली है स्प्रिंग आने वाली है सर स्प्रिंग प्रॉब्लम में क्या समझने वाले हैं अब बेटा ये आपकी क्या होती है? स्प्रिंग होती है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है और ये वैल्यू क्या होती है बेटा एल लेंथ होती है क्लियर आप ये याद है कि नहीं याद है कि बेटा ये स्प्रिंग जो होता है अगर इस स्प्रिंग को काट देते हैं क्या कर देते हैं इस स्प्रिंग को सर इस स्प्रिंग को अगर मैं काट दू तो यहां पे के इंटू एल किसके बराबर होता है सर कांस्टेंट के बराबर होता है क्या हो गया हा क्या होता है बेटा के इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हाँ सर तो यहां पे क्योंकि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है क्लियर है और के वन एल वन इज इक्वल्स टू के टू एल टू होता है बेटा ये बात आप लोग कटिंग ऑफ स्प्रिंग में जानते हो कि नहीं जानते हो जल्दी से बताओ हाँ सर तो यहां पे सेम बेटा आपसे एक चीज पूछी गई कि एक ये सरफेस है हा सर और इस सरफेस से एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है क्या दिया गया बेटा ये एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक सिस्टम दिया गया है आपसे ये पूछा गया है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ एस एच द फाइंड पीरियड ऑफ एसे बेटा एसएचएम का टाइम पीरियड पूछा गया है और इसका आप चाहो तो ये लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल लेंथ में आप जानते हो कि ये इसकी क्या होती है बेटा मीन पोजीशन और ये इसकी क्या होती है बेटा नेचुरल लेंथ ठीक है हाँ सर और इसको मैंने एक काम किया बेटा इस डब्बे को इधर खींच के लेकर क्या आया तो ये प्लस ए है और ये क्या है बेटा माइनस ए है आप मुझे एक बात बताओ अगर बेटा इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूंगा इधर की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो क्या बेटा स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगी नहीं लगेगी हाँ अगर इसको मैं कंप्रेस करूंगा मतलब अगर इसको पीछे की तरफ खिसकाऊंगा तो इस पे स्प्रिंग फोर्स आगे लगेगी कि नहीं लगेगी हा सर मतलब अगर मैं बेटा इसको यहां से खिसकाता हूं तो पहले ये आगे जाएगा पहले ये आगे जाएगा वेलोसिटी जीरो होगी ये पीछे जाएगा पीछे जाएगा पीछे जाएगा यहां वेलोसिटी जीरो होगी फिर ये आगे जाएगा क्या बेटा ये सेम पाथ आपका एस एच एम का बनता है कि नहीं बनता है ये बताओ ये सेम पाथ आप लोगों का बेटा एस एच एम का बनता है कि नहीं हाँ सर तो यहां पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूं एफ इक्वल्स टू माइनस का के एक्स के बराबर होता है स्प्रिंग फोर्स हाँ सर ये इसके बराबर होता है एंड दैट इज इक्वल्स टू एम इन टू एक्वल्स टू माइनस का के एक्स के बराबर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा माइनस का के बाई एम के बराबर हो जाएगी इन टू एक्स ए इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स दैट मीनस ये क्या कर रहा है बच्चों एस एच एम कर रहा है अब रही बात टाइम पीरियड की तो टाइम पीरियड आप कैसे निकाल लोगे क्योंकि सर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू तो के बाई एम तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाती है अंडर रूट ऑफ के बाई एम के बराबर हाँ, सर। और क्या होता है? 2 तो पाई ओमेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा एम बाई के इसका टाइम पीरियड बेटा टी इक्वल्स टू टू पाई एम बाई के बराबर आएगा क्लियर है इतनी बात बेटा ये वाली बात समझ में आई जल्दी से बताओ फिर अपन आगे चलें जल्दी 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 यहां तक बताओ बेटा क्लियर है उल्टा लिख दिया क्या टी इक्वल्स टू टू पाई ओमेगा के बाई एम एम बाई के तो आएगा चले बेटा आगे और अगर सर इसे मैं हॉरिजॉन्टल टांग दूं तो बेटा इस तरीके से टांग दूं मैं मैंने इसको इस तरीके से टांग दिया ये मास्क कितना दिया है बेटा एम और ये इसकी नेचुरल लेंथ है तो आप ये जानते ही हो कि बेटा ये नेचुरल लेंथ पे तो रुकेगा ही नहीं ये कहां जाकर के रुकेगा ये सर थोड़ा और नीचे जाकर के रुकेगा क्योंकि ये इसकी क्या होती है बेटा मीन पोजीशन होती है और ये इसकी क्या होती है नेचुरल लेंथ यहां से यहां तक का डिफरेंस होता है दैट इज एक्स नॉट और ये वाली वैल्यू पे अगर मैं फोर्सेस लिखना चाहूं तो फोर्सेस क्या होती है बेटा इक्विलिब्रियम की या मीन पोजीशन की सर mg इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है kx नॉट के बराबर होता है तो ये इक्वेशन यहां लिख लो mg इज इक्वल्स टू kx नॉट के बराबर होता है आगे बेटा काम आएगा ठीक है सर तो आपने क्या किया बेटा इसको यहाँ पे तो था ये इसको और नीचे एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया क्योंकि यहाँ पे तो पोजीशन है अगर इसे ऐसे ऐसे एस एच एम करना है तो एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो देना ही पड़ेगा हाँ सर तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया और ये इधर से कितना चला गया बेटा नीचे और नीचे चला गया एक्स तो यहाँ पे बेटा टोटल स्प्रिंग फोर्स कितनी आ जाएगी सर के एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर नीचे क्या आ जाएगा एम जी और नीचे ही क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो एम जी माइनस के मतलब स्प्रिंग फोर्स एक्स नॉट प्लस एक्स बराबर एम ए के बराबर हाँ सर तो एम जी माइनस के एक्स नॉट

a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x मतलब ये क्या कर रहा है बच्चों एसएचएम कर रहा है अगर मुझे इसका क्या चाहिए टाइम पीरियड चाहिए तो t इक्वल्स टू 2 पाई क्योंकि ये बेटा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा सेम कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ m बाय k ये बेटा इसका टाइम पीरियड सेम वैसा ही आ जाता है जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है ये तक सारी बातें समझ में आई बेटा आप लोगों को हाँ सर आगे चलें बेटा अब इसी की जगह बेटा यही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को क्या मैं इंक्लाइन नहीं रख सकता हूं बिल्कुल रख सकते हो सर आप इस तरीके से बेटा मैंने इंक्लाइन रख दिया और ये जो एंगल है ये कितना है थीटा है अब मैंने बेटा यहां से इसको क्या कर दिया बेटा फिक्स्ड कर दिया ये मेरा ब्लॉक है अभी जिसका मास क्या है बेटा एम और ये इधर से क्या है फिक्स्ड है इसकी स्टिफनेस अभी क्या दी गई है बेटा के आप ये बताओ अगर बेटा ये के अगर ये डब्बे पे नीचे क्या लग रहा होगा सर एम जी साइन थीटा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा हाँ उसको कौन बैलेंस करेगा सर स्प्रिंग फोर्स तो एफ एस पी के बराबर क्लियर है ये अगर इसकी बेटा मैं कौन सी पोजीशन मान लू मीन पोजीशन मान लू तो एम जी साइन थीटा बराबर क्या के स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा एफ एस पी और इसकी वैल्यू के एक्स नॉट के बराबर होगी ये बात क्लियर है कि नहीं है पहले ये बताओ हाँ सर क्योंकि बेटा सिर्फ हॉरिजॉन्टल के ही केस में नेचुरल लेंथ मेरी मीन पोजीशन के बराबर होती है अदरवाइज मेरी स्प्रिंग थोड़ी एक्सटेंडेड रहती है ऐसा होता है कि नहीं होता है हाँ सर। तो ये कहा जाएगा बेटा इतने पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पे है। अगर मुझे एस एच एम कराना है तो यहां से नीचे एक्स किसका होगा बिल्कुल सर तो टोटल बेटा स्प्रिंग फोर्स जो इस पे आएगी तो नीचे इक्वेशन क्या लिखूंगा एम जी साइन थीटा हा सर माइनस पीछे क्या आ जाएगी स्प्रिंग फोर्स दैट इज के एक्स नॉट प्लस एक्स बराबर किसके आ जाएगा बेटा एम ए के बराबर आ जाएगा हाँ सर तो एम जी बेटा इसको भी छोटा एम ए लिख लेते हैं एम जी साइन थीटा माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स बराबर एम ए हो जाएगा ठीक है सर माइनस के एक्स नॉट की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर है तो एम जी साइन थीटा माइनस कितना आ जाएगा बेटा ये भी एम जी साइन थीटा है ये माइनस के एक्स है बराबर इससे ये कैंसिल आउट हो गया यहां पे बेटा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का के बाई एम इन टू एक्स तो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना आ जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के बेटा ये इसका टाइम पीरियड आ रहा है जल्दी से बता दो यहां तक सब क्लियर है बेटा यहां तक सब क्लियर है ये समझ में आया जल्दी से बताओ यहां तक सारी चीजें बेटा आप लोगों क्लियर हैं कि नहीं है फिर अपन आगे चले हां सर ठीक है अब बेटा मुझे आपको दिखाना है अगर इसी सेम चीज को मैं किसी कंटेनर के अंदर रख दूं तो आपको ये पता है कि नहीं पता है कि बेटा जो लिक्विड होता है वो एक फोर्स लगाता है अवर्ड जिसे अपन लोग क्या कहते हैं फोर्स ऑफ बॉइंस कहते हैं ये वाली बात पता है कि नहीं पता ये बताओ ये वाली बात पता है आप लोगों को कि अगर बेटा ये मेरा सरफेस है यहां से मैंने क्या लगा दी बेटा स्प्रिंग लगा दी और ये लिक्विड है पहले थोड़ा इसे ऊपर ही रखता हूं ठीक है तो अभी नीचे क्या लग रहा होगा बेटा एम जी ऊपर बेटा दो फोर्सेस आएंगे एक स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी एक प्लस का बेटा फोर्स ऑफ बाइंसी भी आएगा जल्दी से बताओ दोनों ये वाली चीज बेटा संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे हा सर ये दोनों इस बात का टेक केयर करेंगे अब इसको अगर बेटा मैं नीचे और x खिसका x और ले जाऊं क्योंकि यहां पे तो बेटा हमारी वैल्यू आ जाएगी ना इसको और नीचे खिसका दू तो ये इधर पे आ जाएगा x तो इक्वेशन बेटा यहीं पे एक्सलेशन आएगा नेट फोर्स क्या हो जाएगी mg जी माइनस एफ एस पी प्लस फोर्स ऑफ वॉइंसी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा एम इन टू ए पहले जो इक्वेशन थी वो तो यही थी ना एफ एस पी प्लस फोर्स ऑफ बॉइनसी प्लस टू एम जी के बराबर हाँ सर, अब अगर लिखूंगा तो बेटा एम जी माइनस स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट प्लस एक्स प्लस फोर्स ऑफ बॉइनसी इज इक्वल टू एम ए के बराबर हाँ सर तो एम जी माइनस के एक्स नॉट माइनस फोर्स ऑफ बॉइंसी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू एम ए तो बेटा ये वाली वैल्यू एम जी के बराबर है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस के एक्स बराबर जहां पे जहां पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का के बाई एम ठीक है क्या जाएगा? आ जाएगा माइनस का के बाई एम आ जाएगा इन क्या आ जाएगा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स और टाइम पीरियड जो आएगा इज़ पाई ऑफ़ के के बराबर है तो बेटा ये इसका क्या आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा क्लियर है बेटा यहां तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर है जल्दी से बता दो हाँ सर अब इसी में बेटा अपन क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट चीज दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में अपन दो टाइप के कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं पहला जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं सर ये हमारा सरफेस है ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के वन और ये हो जाएगा के टू यह मास एम है ये के वन है और ये क्या है बेटा के टू तो यहाँ पे वन बाय के इक्वलेंट जो आएगा दैट इज वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू के बराबर होगा जल्दी से बताओ ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को और वहीं पे अगर बेटा इस कॉम्बिनेशन को मैं क्या बना दूं पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दूं पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में यह हो जाएगा कि यह हमारा सरफेस है एक स्प्रिंग ये हो गई बेटा दूसरी स्प्रिंग यह हो जाएगी और ये हमारा क्या हो गया बेटा मास ये हो गया के वन ये हो गया के टू तो यहां पे बच्चों के इक्वलेंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज के वन प्लस के टू के बराबर हो जाएगी तो ये के इक्वलेंट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है समझ में आ रहा है बच्चों इतनी बात हाँ सर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया इसका के इक्वलेंट निकाल के बताओ सर कि ये मेरा स्प्रिंग है एक ये के है और ये के है इसका के इक्वल एंड निकालो ये मास एम है बेटा ये के है ये भी के है यहां पे ये भी के दिया गया है ये भी के दिया गया है क्लियर है अब बेटा जब combination of spring आ जाता है ना तो टाइम पीरियड का फॉर्मुला सेम रहता है टू पाई अंडर उम बाई के बस जब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आ जाता है तो आप ये याद रखना यहां पे के की जगह के को बदल देते हैं के इक्वलेंट से तो यहां पे ई क्यू आ जाता है बस इतनी बात याद रखना बाकी सारी की सारी चीजें क्या रहती है बच्चों सेम रहती है जैसे यहाँ पे के इक्वेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर ये है किस कॉम्बिनेशन में आप देखो बेटा अगर मैं इसको इधर किसकाउंगा तो जितना डिस्प्लेसमेंट एक्स इसका इधर होगा उतना कंप्रेशन एक्स इसका इधर होगा अगर बेटा दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो वो पैरल होते हैं तो के इक्वलेंट के प्लस के होगा तो इसकी वैल्यू टू के बराबर हो जाएगी और इसका टाइम पीरियड निकालना है तो T इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई टू के, के बराबर आ जाएगा क्लियर है हाँ सर और यही अगर चीज इसके साथ देखोगे तो अगर इसको यहां खिसकाऊं तो बेटा जितना कंप्रेशन है इसमें दोनों में कंप्रेशन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा हाँ सर तो इसका जितना कंप्रेशन होगा इसका उतना ही एक्सटेंशन हो जाएगा तो यहां पे के इक्वल अगर मैं देखूं तो ये दोनों आपस में पैरल में और ये दोनों भी पैरल में और फिर ये आपस में भी किस में होंगे बेटा पैरल में तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा फोर के के बराबर आ जाएगी तो यहां पे के इक्वलेंट निकाल दिया टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी एम बाई फोर के इस तरीके से बेटा हमारी वैल्यू आ रही होंगी क्लियर है बेटा यहां तक समझ में आया जल्दी से बताओ आप लोगों को अब इसका के इक्वलेंट निकालना है ये एक स्प्रिंग ये दूसरी और ये तीसरी एम मार्स सबका के के जल्दी से टाइम पीरियड निकाल के बताओ निकालो कितना आ रहा है बेटा टाइम पीरियड इसका कितनी आ रही है बेटा वैल्यू टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है जल्दी निकालो तो सर यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों तो पैरल में तीनों पैरल में है तो ऊपर वाला जो सिस्टम है वो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा थ्री के हो जाएगा और नीचे वाला जो सिस्टम है वो कितना हो जाएगा बेटा के हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा एम अब ये दोनों बेटा सीरीज में आ गए तो सीरीज में के इक्वलेंट कितना हो जाता है के वन इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू होता है हाँ सर पैरेलल में तो निकालना आता है तो ये आ जाएगा थ्री के इन के डिवाइडेड बाय फोर के के से बेटा के गुजर गया तो वैल्यू थ्री के बाई फोर आ रही है तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकाल लूँ तो टी टीवल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ़ एम बाई के के की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री के और ऊपर फोर तो आंसर आ जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ फोर एम बाई थ्री के बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा जल्दी से बता दो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सारी बातें हाँ सर अब यहाँ पे बेटा मैं आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूं जहां पे दो ब्लॉक एक साथ हो जाएंगे जिसको आप लोगों ने सी फ्रेम के नाम से भी सुना होगा तो मान लो बेटा यहाँ से एक आ, मास एम वन दिया गया है ये दूसरा मास क्या दिया गया है बेटा एम टू दिया गया है और ये के है क्लियर है हा सर आपसे पूछा गया क्या टाइम पीरियड के बारे में ठीक है जहां पे अपन क्या बोलते हैं बेटा ये हार्मोनिक मोशन ऑफ टू बॉडीज के बारे में आप खुद देखो बेटा यहां पे अगर इन दोनों डब्बों को ऐसे लेकर के आओगे और छोड़ दोगे तो ये बेटा ऐसे 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 अपनी जगह एस एच एम करेंगे कि नहीं करेंगे पहले ये बताओ एस एच एम अपनी जगह करेंगे हाँ सर तो यहां पे बेटा आप बस इतना याद रखना कि ये जो टू बॉडीज एसएचएम करती हैं इनका टाइम पीरियड होता है अंडर रूट टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर एम बाय म्यू म्यू जानते हो कि नहीं जानते हो म्यू का फॉर्मूला बता देना क्या होता है म्यू सुनाए कि नहीं अच्छा म्यू बाइके अंडर रूट म्यू के म्यू सुनाए कि नहीं सुनाए सर म्यू जो होता है बेटा दैट इज रिड्यूस्ड मास क्या होता है बेटा ये रिड्यूस्ड मास होता है जहां पे म्यू की वैल्यू एम वन म्यू की वैल्यू बेटा एम वन इंटू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू होती है इतनी बात बेटा आप लोग अच्छे से याद रखना क्लियर है चले बेटा आगे हाँ सर तो जैसे यहां पर बेटा एग्जाम्पल दिया गया है एक हमें और वो एग्जाम्पल क्या दिया गया है एक ये मास है बेटा थ्री है और इससे जुड़ा हुआ एक और मास है जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है बेटा फाइव है ये वैल्यू के है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एस एच कैसे निकालोगे सर बड़ा आसान है तो यहां पे टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर k के, के बराबर है तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा टू पाई अंडर ऑफ एम वन इंटू एम टू तो K कितना ये कैंसिल आउट हो गया T इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा बेटा फिफ्टीन एम बाई एट के ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा क्लियर है बेटा इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों अब एक और बढ़िया सा सवाल करते हैं बेटा एक यहां पे हमें टाइम पीरियड निकालना है ठीक है तो यहां पे बेटा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है क्या दिया गया ये मास एम है ये बेटा माइनस ए है और ये क्या दिया गया है प्लस ए दिया गया है पर दिक्कत की बात यह है इसके साथ समस्या क्या है इसके साथ समस्या ये है कि इसके आधे रास्ते पे हमने इसे रोक दिया है ए बाय टू पे एक वॉल बना दी है जिसका इलास्टिक ऑफ कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है ई e की वैल्यू कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो दिया गया है ई दैट इज वन क्लियर है ई e की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा वन दी गई है आपसे यह पूछा गया है इसका टाइम पीरियड निकालना है कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड बढ़िया सवाल है टाइम पीरियड निकालो क्या आएगा कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड निकालो जल्दी से सर टाइम पीरियड देखो ये इसकी अभी कौन सी पोजिशन है मीन पोजिशन है आप बेटा ये वाला सवाल देखो अपन फेजर से करें तो बहुत अच्छे से अपन समझ जाएंगे कि ये क्या करेगा बेटा जब ये अपनी जर्नी शुरू करेगा जब ये अपनी जर्नी शुरू करेगा बेटा मीन पॉइंट से तो ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, आगे जाएगा, जाएगा। इसी पॉइंट पे ये टकराएगा कि नहीं टकराएगा। और जब ये टकराएगा तो ये जाना है उसे कहां है प्लस ए पे प्लस ए पे वो जा ही नहीं पाएगा यहीं से ई की वैल्यू वन का ये मतलब होता है वो जितनी वेलोसिटी से टकरा रहा है उतनी वेलोसिटी से पलट के वो वापस भी आ रहा है तो यहां से पलट के क्या करेगा बेटा वापस जाएगा वापस जाएगा वापस जाएगा और यहां से ये वापस आ जाएगा तब जाकर के बेटा एक टाइम पीरियड ये कहलाएगा ठीक है हाँ सर तो अगर यहां पे देखें बेटा ये हमारी एक्सेस है और यहां पे बेटा हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं जरा ये बताओ सर हम लोग अपनी जर्नी जो टाइम पीरियड है कितना पार्ट ये नहीं चल रहा है सर ये ए बाई टू तक जाता है और उसी पॉइंट ए बाई टू से क्या हो जाता है, ये वापस हो जाता है। मतलब यहां पे ये A by तक तो जा रहा है बेटा ए बाई टू मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा थर्टी डिग्री दैट मीनस पाए बाय सिक्स के बराबर और उधर ही से वापस हो जाता है मतलब ये इधर से इधर जाता है और इधर ही से ये टकरा करके वापस हो जाता है है इतना पार्ट नहीं चल रहा है। और जितनी वेलोसिटी होती है उतनी वेलोसिटी वी से ये वापस चला जाता है मतलब ये इतना पार्ट बच्चों ट्रैवल ही नहीं कर पाता है बेचारा तो हम क्या करेंगे पूरे पार्ट में से टू पाई में से हम लोग इतना पार्ट घटा नहीं सकते हैं आ जाएगा टाइम पीरियड तो अच्छा ये बताओ ये अगर बेटा पाए बाय सिक्स है तो ये कितना आ जाएगा पाए बाय थ्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये भी कितना आ जाएगा पाए बाय थ्री आ जाएगा तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर टू पाए बाय थ्री आ जाएगी जल्दी से बताओ पहले इस बात पे सहमत कर रहे होगे नहीं कर रहे हो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा टू पाई बाय थ्री आ जाएगी अब आपको बताना है टाइम पीरियड कितना चल रहा है तो टोटल अगर थीटा ये नहीं चल रहा है ठीक है नॉट ट्रैवलिंग तो चलने वाला पार्ट कितना हो गया बेटा टोटल में से इतना माइनस कर दो तो टू पाई माइनस पाई बाय थ्री तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई सिक्स और एक तो ये फाइव पाई बाय थ्री हो गई थ्री टू जे सिक्स हाँ ठीक है तो और यहां से टी की वैल्यू बेटा इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा t by 6. तो ये बेटा इसका क्या आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा किसी का आया नहीं टू पाई बाय थ्री माइनस करना था ना कितना बेटा टू पाई बाय थ्री माइनस करना था ना थीटा कितना हो गया सिक्स पाई माइनस टू पाए बाई थ्री तो ये फोर पाए बाय थ्री तो टाइम कितना हो जाएगा फोर टी अपॉन सिक्स दैट मींस टू बाय थ्री ऑफ टी काटा सही है ना टू टी बाय थ्री हाँ बिल्कुल सही चले बच्चों आगे इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो जल्दी 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 हाँ सर इतना तो क्लियर है अब बेटा एक ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जहां पे हमारा ये सरफेस है ठीक है और इस तरीके से बेटा ये ब्लॉक दिया होता है मान लो ये थ्री एम का ब्लॉक है और इससे बेटा ये स्प्रिंग अटैच है और इससे ये एम ब्लॉक है क्लियर है आपसे पूछा जाता है फाइंड डेल मिनिमम बट डेल मिनिमम का मतलब है बेटा मिनिमम कंप्रेशन सो दैट थ्री एम ब्लॉक लीव्स कॉन्टैक्ट विथ सरफेस थ्री एम ब्लॉक क्या कर दे बेटा कॉन्टैक्ट छोड़ दे कहां से सरफेस से जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आ गई बेटा अब इसका बेटा डेल मिनिमम का एक बड़ा छोटा सा शॉर्टकट है आप इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं ठीक है आपको ज्यादा इतनी कहानी नहीं पढ़नी पड़ेगी जल्दी से बताओ इसका शॉर्टकट बताओ हाँ सर तो यहां पे कुछ मत किया करो बेटा यहां पर दो इन टू जी डिवाइडेड बाय के स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना के तो यहां पे बेटा आप लोग के पास डेल मिनिमम कितना आ जाएगा सम ऑफ मासेस कितना होगा थ्री एम प्लस एम इन टू जी के तो यहां से डेल मिनिमम की वैल्यू कितनी आती है बेटा दी बाई के डायरेक्ट आप ये याद करो आपको कोई चीज निकालने की जरूरत नहीं है अगर पांच का होता सात का होता और दो का होता तो कितना होता जरा बताओ सेवन एम और टू एम होता तो कितना होता है ये बताओ अब अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे निकलेगा वो भी मैं बता देता हूं बेटा ये नीचे वाला क्या लगेगा थ्री एम जी ऊपर क्या आएगा हमारा नॉर्मल क्लियर है और बेसिकली आप क्या चाहते हो कि ये थ्री एम जी वाला कॉन्टेक्ट छोड़ दे इधर से हाँ सर ऊपर से अगर बेटा ये वाले पॉइंट से अगर मैं दबाऊं तो ये नीचे की तरफ डेल मिनिमम आएगा हाँ सर और यहां पे क्या लगेगी बेटा फोर्स लगेगी कहां की तरफ ऊपर की तरफ ना क्योंकि कॉन्टेक्ट नॉर्मल का कब छूटेगा कोई एक फोर्स ऊपर की तरफ जाएगी तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगी बेटा ऊपर की तरफ क्लियर है अब यहां पे आप क्या लिखोगे एफ एस पी प्लस नॉर्मल इज इक्वल्स टू थ्री एम जी आप ये चाहते हो कांटेक्ट छूट जाए दैट मींस नॉर्मल जीरो हो जाए तो एफएसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एमजी स्प्रिंग फोर्स कितना होता है के एक्स बराबर 3 एमजी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 एमजी बाई के सर आंसर तो 3 एमजी बाई के आपने निकाला है पर आप तो बोल रहे हो 4 एमजी बाई के सही है तो क्या गड़बड़ है तो गड़बड़ ये है बेटा कि ऑलरेडी डेल मिनिमम मतलब डिफ्लेक्शन वो टोटल पूछता है इसकी भी बेटा बेटा नीचे एम लग रहा होगा एक्चुअल में तो ये कहा रहा होगा ऊपर रहा होगा ना कहीं पर इस पे एम लगा तो ये भी तो नीचे कितना खिसका है एम जी बाई के इसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा तो ये थ्री एम जी बाई के प्लस एम बाई के कितना बना लेगा फोर एम जी के बनाएगा क्लियर है कि नहीं है तो आप ये याद रखना ये याद रख लोगे तो ज्यादा बढ़िया है क्लियर है चले बेटा आगे यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई तो हां अब एक और बेटा आपसे सवाल पूछता हूं क्या कि ये हमारा क्या दिया गया बेटा सरफेस और ये मास कितना दिया गया बेटा आपका एम वन ये K1 है और इसका टाइम पीरियड T1 है क्लियर है हाँ सर ये दूसरा मास है और ये मास कितना हो जाएगा बेटा M2, ये क्या है K2 और इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा T2? टू आपसे ये पूछा गया है अगर इसको सीरीज में लगाएं और सेकंड इसको पैरेलल में लगाएं तो टाइम पीरियड या टी इक्वलेंट हमारे लिए क्या आएगा नया टाइम पीरियड क्या आएगा ये बताना है जल्दी से वैल्यू निकाल के बताओ टाइम पीरियड की बेटा ये वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे टाइम पीरियड कितना आ रहा है सर अगर इसका बात करेंगे तो टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के तो एम बाई के वन हो जाएगा बेटा ये वाला पार्ट जल्दी से बताओ हाँ सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर इन टू एम वन बाय के वन हा सर तो के वन की वैल्यू क्या आ जाएगी सर ये आ जाएगी फोर पाई स्क्वायर एम वन अपॉन टी वन स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी हाँ सर और यहाँ पे बेटा अगर मैं देखू तो यहाँ पे के टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी टी टू बराबर टू पाई अंडर रूट ऑफ एम टू बाई के टू आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई इन टू एम टू बाई के टू आ जाएगा यहाँ पे सर फोर पाई स्क्वायर आएगा फोर पाई स्क्वायर तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी सर ये के टू इज इक्वल टू फोर पाई टू अपॉन एम टू अपॉन टी टू स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी अगर बेटा मासिस सेम लेर ले, सेम मास वन इज इक्वल टू एम टू तो बेटा ये ऊपर वाले टर्म को मैं कांस्टेंट मान सकता हूं तो ये के वन की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टी वन स्क्वायर और के टू की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज वन बाय टी टू स्क्वायर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी यह कांस्टेंट लेना है तो सी ले लो कांस्टेंट लेना है तो सी ले लो अगर मासेस सेम है तो हाँ सर तो यहां पर बेटा के इक्वलेंट की वैल्यू सीरीज में क्या आ जाएगी वन बाय अपॉन टी इक्वलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय सी अपॉन टी वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी अपॉन टी टू स्क्वायर सी 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 कैंसल आउट स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर ये चीज बेटा याद रखना पैरेलल के केस में पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा बेटा ये के इक्वलेंट तो सी इंटू टी वन स्क्वायर या T इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन टी वन स्क्वायर प्लस C अपॉन टी टू स्क्न बाई टी इक्वलेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय टी वन स्क्वायर प्लस वन बाय टी टू स्क्वायर ये बेटा हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी क्लियर है इतनी बात जल्दी से बताओ यहां तक बेटा सारी बातें क्लियर है हाँ सर अब यहीं से बेटा अब हमारा नेक्स्ट जो शुरू हो रहा है एंगुलर मतलब अभी तक बेटा जो बातें चल रही थी वो किसके टर्म्स में चल रही थी वो लीनियर के टर्म्स में चल रही थी अब यही सारी बातें मैं आप लोगों से जो करना वाला हूं वो इन टर्म्स ऑफ एंगल के टर्म्स में मैं आपसे करना चाहता हूं ठीक है सर तो ये बेटा मेरा सरफेस है ये क्या है बेटा मेरा पैंडलम है जिसका मास क्या है बेटा एम मान लो अभी बेटा ये पैंडलम कहीं यहां चला जाएगा इसका ये क्या हो गया बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसे अपन किसके टर्म्स में जानते हैं बेटा थीटा के टर्म्स में जानते हैं और फिर ये इधर जा रहा होगा सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा थीटा तो बेटा इसका यहां से यहां जाना फिर वापस आना फिर यहां जाना फिर यहां से वापस जाना ये पूरा का पूरा मोशन कौन सा होगा बेटा एसएचएम वाला होगा यहां पे टॉर्क की बात करेंगे बिकॉज़ टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा के बराबर होगा तो टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ थीटा के बराबर होगा क्यू क्यों लिख दिया थीटा के बराबर के जो यहां पे आ जाएगा बेटा या कई लोग सी भी लिख लेते हैं सी लिख लेते हैं सी इन थीटा सी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा टॉर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा क्लियर है बेटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे लिए आई इज इक्वल्स टू माइनस का सी थीटा अल्फा इक्वल्स टू माइनस का सी बाई आई थीटा क्लियर है हाँ सर तो यहां से बेटा अपन देख सकते हैं ये वाला टंग क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा मतलब ये क्या कर रहा है बेटा एस एच है जहां पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अब क्या आ जाएगी बेटा सी बाय आई आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ सी बाय आई हो गई तो टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा जब मैं लिखूंगा तो वैल्यू डालूंगा बेटा तो ये आ जाएगी टू पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई सी के बराबर आई पता है कि नहीं पता है बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई सी के बराबर बेटा ये वैल्यू आप लोग याद रखना क्लियर है ये यह के केस में हमारा क्या आ जाता है टाइम पीरियड आ जाता है इतनी बात क्लियर है कि नहीं है हा सर सी क्या है सी टॉर्शनल कांस्टेंट है ना नहीं मास से इंडिपेंडेंट नहीं होगा बेटा यहां पे अगर आई देखोगे तो आई मोमेंट ऑफ एनर्जिया है आप सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हो यहां पे मोमेंट ऑफ एनर्जिया पे डिपेंड करेगा क्लियर है याद करो मोमेंट ऑफ एनर्जिया के फॉर्मूले में आता है बेटा जब सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे तब वैसी बातें करेंगे तो सर अभी आपने लिखा टू का सी थीटा। ठीक है अल्फा इक्वल्स टू माइनस का सी बाई आई इंटू थीटा इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा अल्फा क्या होता है बेटा

फॉर्म ऑफ एंगुलर एस एच एम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एंगुलर एस एच एम होता है क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बता दो और यहीं पे बेटा इसकी अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो ये थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट के बराबर होगा इसी को बेटा डिफरेंशियट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा उमेगा आ जाएगा उमेगा बेटा इसकी एंगुलर विलोसिटी होती है जिसकी वैल्यू आ जाएगी थीटानोट इंटू उमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट के बराबर और इसी का बेटा एक और बार अगर मैं डिफरेंशिएट कर दू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा अल्फा आ जाएगा दैट इज माइनस ऑफ थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे साइन उमेगा टी प्लस नॉट के बराबर है और यहाँ पे देख सकते हो अल्फा इज माइनस ऑफ माइनस ऑफ थीटा नॉट और थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर है कि नहीं है हाँ सर तो उमेगा स्क्वायर इन टू थीटा तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा ये दोबारा से क्या कर रहा है बेटा एस एच एम कर रहा है वही सेम इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं बस इस बार सारी इक्वेशन किसके टर्म्स में आ रही है एंगल के टर्म्स में आ रही है क्लियर है कि नहीं है इसमें कोई डाउट हो बेटा जल्दी से बता दो और यहां तक सारी चीजें क्लियर है फिर अपन आगे चले आगे चलें बेटा अपन यहां तक सारी बातें क्लियर है और इसके बाद बेटा अपन को जो चीज समझनी है इसके बाद अपन को बेटा जो चीज समझनी है वो किसकी आ जाती है बेटा सिंपल पेंडुलम बेटा सिंपल पैंडलम को जल्दी से आ जाओ शुरू करें अपन आए ना जल्दी 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 हाँ सर क्लियर है बेटा सिंपल पैंडलम की शुरुआत करें सिंपल पैंडलम की शुरुआत कहां से हो रही है आप ये देखो ये बेटा हमारा सरफेस है ये मान लो बेटा हमारा मास है एम और ये क्या दिया गया बेटा एल लेंथ ऑफ दी पेंडुलम ये किसी एंगल थीटा पे बेटा जाएगा ये एंगल कितना है थीटा ये लेंथ तो एल ही है इसका मास क्या होगा बेटा एम तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे मतलब फोर्स लग रहे होंगे फोर्स के कंपोनेंट हो रहे होंगे एक यहां पे हो जाएगा थीटा और एक यहां हो रहा होगा दैट इज एम जी कॉस थीटा और ये एंगल क्या होगा बेटा आपका थीटा होगा तो ये जो एम जी साइन थीटा है ना बेटा ये किसका का काम कर रहा होगा टॉर्क का, का काम कर रहा होगा जो इसे वापस ला रहा होगा तो टाव इक्वल्स टू तो माइनस का सी इन थीटा आपने लिखा टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे दैट इज एम जी साइन थीटा इन ये लेंथ क्योंकि टॉर्क क्या होता है बेटा फोर्स इन टू आर पर तो यहाँ पे लेंथ कितना आ जाएगा एल माइनस का सी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इसमें कोई दिक्कत है क्या जल्दी से बताओ अदरवाइज ऐसे नहीं भी करना टॉर्क से आपको नहीं देखना तो फोर्स से भी देख सकते हो फोर्स की वैल्यू क्या होती है सर एफ इक्वल्स टू यहां पे कितना आया है फोर्स के टर्म्स में देखेंगे। फोर्स कितना है सर फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए होता है ठीक है और फोर्स की वैल्यू कितनी है एम जी साइन थीटा बराबर एम इन टू ए क्लियर है और यही पे बेटा अपन को एस एच एम कराना है तो इसको दोबारा की तरफ पीछे डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं हाँ सर तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर एम से एम चला गया ए की वैल्यू बेटा पीछे जा रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स है एक ये याद रखना, माइनस का क्या आ गया बेटा जी साइन थीटा ठीक है सर अब यहां पे बेटा साइन थीटा में ये एंगल क्या है बहुत ज्यादा स्मॉल है बेटा ये जो थीटा बन रहा है थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एंगल का फॉर्मूला दैट इज आर्क अपॉन रेडियस तो एंगल थीटा इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे ये वाले आर्क की वैल्यू अगर मुझे लिखनी हो तो एल इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा हा सर एल इंटू थीटा के बराबर हो गया आर्क और इसकी रेडियस आर्क लेंथ पता करनी है ना साइन थीटा पता करना है साइन थीटा अगर छोटा हो जाएगा तो थीटा के बराबर हो जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या निकाल रहा हो यार एक मिनट रुको बच्चों, <laughs> टॉर्क और फोर्स दोनों मेथड एक साथ लगाने लगाओ दोनों मेथड एक साथ लगाने लगाओ चलो तो यहां पे सर फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए होता है ठीक है हा सर तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहां पे एम जी साइन थीटा बराबर एम इन टू ए के बराबर बेटा ये जो फोर्स है ना आप ये देखो इसका जो थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आगे हुआ है इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो पीछे लग रही होगी एंगल कितना है माइनस का है तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस क्योंकि ये रीस्टोरिंग स्मॉल है थीटा क्या है बेटा हमारा स्मॉल है तो एक्सलेशन इज इक्वल्स टू जी इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा साइन किसका आ जाएगा बेटा माइनस का अब ये थीटा की वैल्यू अगर देखू तो ए इक्वल्स टू माइनस का जी इज इक्वल्स टू बेटा अगर ये वाली लेंथ को एक्स ले लू तो रेडियस क्या हो जाएगा एल हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ गई एक्स बाई एल के बराबर जहां पे एक्वल्स टू माइनस का जी बाई एल इंटू एक्स के बराबर ये बेटा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल उमेगा और यहाँ पे बेटा देखेंगे अपन हाँ तो ये क्या क्या कर कर रहा रहा है 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 बच्चों इतनी सर होता होता बेटा तो यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी के बराबर ये बेटा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ जाएगा जो आपको याद करना है क्लियर है इतनी बात जल्दी से बताओ यहां तक सारी बातें समझ में आई बेटा आप लोगों को यहां तक सारी बातें क्लियर हैं अब ये जो चीजें बेटा मैंने फोर्स से निकाली हैं यही सेम चीजें मैं टॉर्क से भी निकाल सकता हूं निकाल के दिखाऊं आप को ब्रेक चाहिए क्या बेटा थोड़ा ही और रह गया है भूख लगने लगी है अच्छा अभी टाइमिंग कितना हुआ है अपन लोगों ने कब से शुरू किया था सात बजे से शुरू किया था ना पढ़ना तो अभी कितने हो गए साढ़े नौ के आसपास ठीक ठीक है है तो एक काम करते हैं टॉर्क वाला और बता दूं फिर वेरिएशन रह जाएगा टॉर्क वाला और देख लो टॉर्क वाला और दिखा दूं बस के बाद में आके देखोगे चलो आके अपन वो कर लेंगे तो 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 चलो अब इसके बाद बेटा देखो वेरिएशन बचा क्या क्या है एक बार वो सुन लो पहले तो इसको हटा दें बचा क्या क्या है आप अभी क्या पढ़ोगे अलग अलग कंडीशन पढ़ोगे सिंपल पैंडलम की ठीक है उसके बाद सुपर पोजिशन ऑफ एस एच एम किसका बेटा एस एच एम का और उसके बाद बेटा पी वाई क्यू ये तीन चीजें आपकी रह जाएंगी ठीक है तो ये वाले ब्रेक के बाद अपन ये तीनों चीजें साथ में खत्म कर लेंगे लगभग लगभग ये और ये खत्म करने में बेटा इन दोनों को खत्म करने में अपन को तीस मिनट लगेगा मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूं और इसको खत्म करने में तीस मिनट लगेगा तो ब्रेक के बाद लगभग एक, एक एक घंटा एक घंटा पंद्रह मिनट के आसपास लगेगा हो जाएगा उसके बाद ठीक है तो कितने मिनट का ब्रेक चाहिए आप लोगों को दस पांच पंद्रह ये तीन ऑप्शन है दस पांच पंद्रह जल्दी से बताओ एंगुलर एसएचएम एच इंपॉर्टेंट नहीं है वहां से बस बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आता है इसीलिए ठीक है चलो खाना खाना है सत्रह मिनट चलो अठारह मिनट ले लो एक मिनट और एक्स्ट्रा दे रहा हूं ठीक है जल्दी से आ जाओ फिर एक घंटे का करीबन एक घंटे एक घंटे पंद्रह मिनट में बेटा क्लास खत्म हो जाएगी ग्यारह सवा ग्यारह साढ़े ग्यारह तक मैं वाइंड अप कर दूंगा क्लियर है हाँ सर ठीक है चलो बेटा जल्दी से खाना के आ जाओ फिर अपन मुलाकात करते हैं ठीक सत्रह मिनट के आसपास मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को जल्दी से बता दो क्या मेरी आवाज आ रही है हेलो 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 शुरू करें बेटा आगे की कहानी यस yes. तो यहां पर बेटा मैं आपको क्या बता रहा था किसके बारे में बता रहा था बेटा सिंपल पैंडलम के बारे में और यही बता रहा था कि इसी को अपन एक और तरीके से भी बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या ये ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा सरफेस हाँ सर और ये स्प्रिंग यहां से बेटा अटैच है और ये इधर पे चल ठीक है और इसका बेटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा थीटा हो गया तो यहां पे जो फोर्स लगेगी दैट इज एम जी साइन थीटा नीचे क्या लगेगा बेटा एम जी और इधर क्या लगेगा बेटा एम जी कॉस थीटा क्लियर है ये लेंथ कितनी दी गई है एल तो यहां पे बेटा टॉर्क की वैल्यू देखोगे टाओ इक्वल्स टू किसके बराबर फोर्स एम और यहां पे साइन थीटा इन लेंथ कितनी है बेटा एल क्लियर है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा इधर हुआ है थीटा है पर टॉर्क देखोगे तो आर क्रॉस एफ कहा है बेटा अंदर है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस ठीक है

तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम एल होता है क्योंकि इंटू अल्फा माइनस का एम जी इंटू थीटा इंटू एल इससे ये कैंसिल आउट हो गया m से m कैंसिल आउट हो गया अल्फा की वैल्यू जो आएगी माइनस का क्या आ जाएगा बेटा g बाई एल इंटू थीटा के बराबर तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा मतलब ये क्या कर रहा है बच्चों एस एच एम कर रहा है

टीक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी के बराबर होता है क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को हाँ सर और इसी को और अच्छे से लिखो तो इसको बेटा एक्चुअल में जो टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पैंडलम जो होता है बेटा दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू टू बाई अंडर L बाई g की जगह बेटा इसको ऐसे लिखो कि ऊपर को सिर्फ L मत बोलो L क्या बोलो L इफेक्टिव बोलो क्या बोलो बेटा L इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ लेते हैं अपन लोग ठीक है या फिर ऐसे लिखो बेटा L इफेक्टिव नहीं L cm लिखो और g इफेक्टिव लिखो ऐसा लिखो ये एक्चुअल में अपन लिखेंगे क्योंकि जी हमेशा सेम तो नहीं रहेगा और ये एल जो लेनी है बेटा एल सी एम स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ मास इस तरीके से बेटा याद कर लो कंडीशन चेंज होगी तो चीजें बदल जाएंगी क्लियर है कि नहीं है हाँ और यहां पे बेटा आपको कुछ चीजें पता चली टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पैंडलम डिपेंड्स अपॉन एल सेंटर ऑफ मास एंड इफेक्टिव ग्रेविटी ठीक है और दूसरा बेटा ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ मास इस पे डिपेंड नहीं होता बेटा ये मास पे डिपेंड नहीं करता है क्लियर है इतनी बात सर अगला बेटा इसी में एक सवाल दिया गया है कि एक हमारे पास अरेंजमेंट है जिसमें हमने ऊपर से बेटा एक पियर है जिसमें वाटर भरा हुआ है पानी है क्लियर है एक स्पीयर है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है ठीक है सर और ये स्पीयर क्या कर रहा है बेटा नीचे से लीक कर रहा है इधर से इसमें एक होल है इधर से ये क्या कर रहा है बेटा लीक कर रहा है आपसे ये पूछा गया कमेंट करना है टाइम पीरियड पे कब जब ये कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों ये कंप्लीटली एम हो जाएगा ये बताइए कमेंट ऑन टाइम पीरियड वैन इट बिकम्स कंप्लीटली एम पूरा खाली हो जाए कमेंट करिए क्या होगा तो आप क्या कहेंगे सर अभी अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसकी एल सी एम या एल इफेक्टिव बेटा कहीं इसके सेंटर में होगी जब ये पूरा होगा हाँ सर नेक्स्ट सिचुएशन में क्योंकि बेटा यहां से ये पानी निकलता जा रहा है तो पानी का लेवल ड्रॉप होगा हाँ सर लेवल तो ड्रॉप होगा तो एल सी एम ऐसे लिखो आप तो। ये पूरी एल लेंथ है जिसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा इसका अभी सेंटर ऑफ मास जब कंप्लीटली फिल्ड है तो यहां पे होगा एलसीएम बिल्कुल सही नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा बेटा नेक्स्ट सिचुएशन में यही सेम स्फीयर बेटा हाफ फिल्ड हो जाएगा मतलब आधा खाली हो गया मान लो पर क्योंकि पानी निकलता जा रहा है मान लो इतना खाली हो गया तो अब इसका बेटा सेंटर ऑफ मास टोटल अब कहाँ आ जाएगा इसका कहीं यहाँ आएगा ना बचे हुए पानी का सेंटर ऑफ मास क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो अब आपकी जो एल सेंटर ऑफ मास या इसकी जो लेंथ आ गई वो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम मतलब बेटा जब ये एम हो रहा होगा तो इसका टाइम पीरियड क्या हो रहा होगा बेटा बढ़ रहा होगा और फाइनली फाइनली जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो आप क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो कि सर पूरा खाली होने पे इसकी जो वैल्यू रहेगी वो वापस इनिशियल वाले के बराबर आ जाएगी क्यों सर क्योंकि ये पूरा आप खाली हो चुका है तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वापस उसी जगह पे आ जाएगा और उसकी लेंथ भी ये एल हो गई और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी एल सी एल मतलब पहले यहां से जब तक पूरा एम नहीं हो रहा होगा तब तक टाइम पीरियड बढ़ेगा और जैसे ही पानी खत्म हो जाएगा तो बेटा अंडर रूट ऑफ एल घट जाएगा टी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल सी एम अचानक से घट गया तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या कर जाएगा बेटा यहाँ पे डिक्रीज तो मतलब पहले पूरा जब हो रहा होगा तो टाइम पीरियड बढ़ रहा होगा और उसके बाद टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया क्योंकि लेंथ कम हो गई पहले ये बताओ मेरी बात ये वाली क्लियर आ रही है बेटा तक बात क्लियर है बिल्कुल सही पहले इंक्रीज डिक्रीज चले आगे। अब ये वाले डेटा को बेटा अपन याद कर सकते हैं आता नहीं है नीट ने कभी पूछा नहीं है बट कई जगह बेटा आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को ये आना चाहिए इफ सिंपल पैंडलम कंपेरेबल टू अर्थ जान लो बेटा ये नीट ने कभी नहीं पूछा है बस जैसा फिगर है वैसा आप बस याद कर लो कि टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर बाय वन बाय आर ई प्लस वन बाय एल इन टू जी के बराबर क्लियर है बस इसको याद रख लेना बेटा ठीक है और इफ लेंथ इज इक्वल्स टू आरई के बराबर तो टी इक्वल्स टू टू बाई अंडर रूट ऑफ आर ई और आर ई एल्सियम लेंगे बेटा ऊपर आ जाएगा तो आर ई बाई टू जी के बराबर बस ये वैल्यूज याद रखना बेटा और कुछ भी नहीं करना है आपका और लगभग लगभग इसकी वैल्यू 59.4 मिनट के बराबर होती है कई लोग इसको वन आवर भी बोलते हैं कि अगर मेरी बेटा लेंथ ऑफ दी सिंपल पैंडलम रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए तो क्या होगा क्लियर है और अगर उससे भी बड़ी हो जाए उससे भी बड़ी हो जाए तो टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर R ई बाय जी के बराबर हो जाएगा जो लगभग लगभग 84.2 मिनट्स के आसपास आती है क्लियर है बेटा इतनी बात बस ये वैल्यूज याद रख लेना ठीक है और कुछ भी याद नहीं रखना है आपको 84.6 ठीक है 84.6 कर लो बेटा इतने मिनट्स के बराबर हो ठीक है चले बेटा आगे अपन और अगर मिनट्स में लिखना है बेटा आवर्स में लिखना है तो ये भी लिख सकते हो ये लगभग डेढ़ घंटे के बराबर है ठीक है तो ये छोटी सी चीज है बेटा आप लोग याद रखना ठीक है अब यहाँ पे जी इफेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं फ सिंपल पैंडुलिफ्ट अब बेटा लिफ्ट के केसेस अपन लोग कर लेते हैं लिफ्ट के केसेस में आप समझ ही गए होंगे तीन केसेस कौन कौन से हो जाएंगे एक अपवर्ड हो जाएगा एक डाउनवर्ड हो जाएगा और एक साइडवेज कर लेते हैं क्लियर है रिलेशनशिप हाँ. कैसा है बेटा इनवर्स रिलेशनशिप है है कि नहीं है इनवर्स रिलेशनशिप बिल्कुल सर तो यहाँ पे बेटा ये मास है ये इसकी लेंथ है लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो नीचे जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा तो जी इफेक्टिव नीचे हो जाएगा जी प्लस ए के बराबर तो टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए ये आ जाएगा बेटा लिफ्ट अगर कहां जा रही है आपकी ऊपर जा रही है क्लियर है अगर यही सेम लिफ्ट एम मास जा रही है बेटा नीचे जा रही है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी सर तो ये जी माइनस ए हो जाएगी तो टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस ए हो जाएगा यहीं पे अगर मैं बात करूं कि लिफ्ट इस तरीके से ए एक्सलेशन से जा रही है तो बेटा ये इस तरीके से पैंड आ जाएगा थोड़े और आगे से लेते हैं इस तरीके से पैंड आ जाएगा तो नीचे क्या लगेगा बेटा जी पीछे क्या लगेगा ए तो यहां से जी इफेक्टिव की या जी नेट की वैल्यू आ जाएगी अंडर उट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर क्लियर है ये हमारा क्या आ जाएगा जी इफेक्टिव और इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से आप लोग लोगे तो टी इक्वल्स टू तो टू पाई अंडर रूट ऑफ एल इफेक्टिव कर लोगे बेटा प्लेस ये वाली वैल्यूज हाँ या ना बिल्कुल सही और उसी में बेटा अगर ए की वैल्यू बेटा उसी में अगर ए की वैल्यू हमारी इतनी बढ़ जाए ए की वैल्यू हमारी बेटा इतनी बढ़ जाए पहले इसको हटा दूं बेटा अगर अच्छा एक्सलरेशन एक्सेरेशन जो है लिफ्ट का वो बेटा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा पहले ये बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या पूछा अगर बेटा यही है एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए तो क्या होगा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा ये बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों आ जाओ यार आराम से नीचे और नीचे आ जाओ हाँ मैं क्या कह रहा हूं बेटा आपसे ये सवाल पूछा कि ये जो लिफ्ट है ना हमारी हाँ सर ये लिफ्ट में क्या लगा हुआ है ये सिंपल पैंडलम है मास M है अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है ए से ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाए तो टाइम पीरियड याद रखना क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा क्लियर है हाँ कोई अगर पूछे कि भैया सिंपल पैंडलम को स्पेस में क्यों नहीं ले जा सकते हैं ठीक है तो उसका रीजन यही रहता है बेटा क्योंकि सिंपल पैंडलम में जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा जीरो जिससे टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम इज इनफाइनाइट क्लियर है कि नहीं है ये वाली चीज भी बेटा आप लोग याद रखना साथ ही साथ इसी के केस में अगर बेटा मैक आप लोगों को और बॉयंसी वाला केस बता दूं। बेटा ये हमारा क्या दिया गया है एक लिक्विड कंटेनर दिया गया है इसमें ये बेटा बॉब है ठीक है इस कंटेनर के अंदर क्या है बेटा ये इस तरीके से भरा हुआ है ठीक है इसका मास कितना एम है इसकी जो डेंसिटी है ठीक है डेंसिटी ऑफ द बॉडी को मैं रोबी बोल देता हूँ रोबी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को रूएल बोल देता हूँ क्लियर तो अगर बेटा यहाँ पे जी इफेक्टिव की वैल्यू देखोगे क्योंकि इफेक्ट तो जी इफेक्टिव पे आएगा तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे जी माइनस बेटा फोर्स ऑफ वी अपॉन मास के बराबर हो जाएगा हा सर तो बेटा G माइनस फोर्स ऑफ व्हाइंसी जो होती है बेटा दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज इनटू G के बराबर होता है अपॉन मास डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम के बराबर क्लियर है कि नहीं है इनटू क्या आ जाएगा बेटा जी तो ये जी कहां से आ गया इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना मास ही लिखना है वॉल्यूम बेटा पूरा समर्ज है तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास सर जी इफेक्टिव जो आएगा आपके पास दैट इज जी माइनस यहां पे रु एल अपॉन रु बी के बराबर इनटू जी अगर आप जी कॉमन ले लोगे यहां पे वन माइनस रू एल अपॉन रू बी के बराबर आ जाएगी आपकी वैल्यू तो ये बेटा क्या आ गया हमारे पास जी इफेक्टिव तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव दैट इज जी वन माइनस रू एल अपॉन रू बी बेटा ये वाला रिजल्ट ऐसे का ऐसा ही आप लोग याद कर लोगे आपके काम आएगा क्लियर है हाँ सर चले बेटा आगे अपन एक सवाल बेटा आगे पूछा आप जरा ये बताना आपने स्विंग मतलब झूला तो झूले ही होंगे अब आपने मान लो बेटा झूले की दो सिचुएशन दे रहा हूं आप बताना टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा क्लियर है मतलब ये हमारा स्विंग दिया गया है झूला दिया गया है ये क्या दिया गया झूला ठीक है और इस झूले के ऊपर बेटा एक बालक बैठा हुआ है आप जैसा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ है ऐसे पकड़ करके सर सर पर ही हाथ दे दिया आपने ऐसे यह बैठा हुआ है इसकी इच्छा हुई और ये जा रहा है बेटा ऐसा ठीक है इस टाइम पीरियड को मैंने टीमम बोला कि ये स्विंग घूम रहा होगा तो वो क्या कर रहा है सिंपल पेंडुलम अब मैंने इसी में बेटर सिचुएशन में ये किया कि इस बालक को मैंने खड़ा कर दिया अब टाइम पीरियड पे बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये बच्चा अगर खड़ा हो जाए तो टाइम पीरियड बताओ क्या होगा कम होगा ज्यादा होगा बहुत ज्यादा होगा बहुत कम होगा बताओ जल्दी क्या होगा अगर ये इस तरीके से खड़ा हो जाए ये T2 कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है टाइम पीरियड जल्दी से बताइए क्लियर है T2, वन इज ग्रेटर देन टी T1 कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा जल्दी से बताओ देखो सर आप पहले जब यह बैठा था तो इसका नीचे क्या था एल सी एम मान लो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आ रहा है बेटा ये इसका क्या हो गया सेंटर ऑफ मास अब जब ये खड़ा हो गया तो इसका बेटा सेंटर ऑफ मास जो है या एल की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट ऑफ एल के बराबर हाँ सर अब अगर ये बेटा इसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल है तो अगर ये कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा तो टी टू इज लेस देन टी वन क्लियर है हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं चले बेटा आगे अपन अगर ये वाली बात समझ में आ गई हो तो हाँ सर अब आपसे बेटा क्या पूछा जा रहा है यहां पे इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पैंडलम इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पैंडलम इंक्रीज बाय इंक्रीज बाय फोर्टी फोर परसेंट कितने से इंक्रीज कर दिया बेटा फोर्टी फोर परसेंट सेट्स टाइम पीरियड परसेंटेज इंक्रीज किसमें चाहिए बेटा टाइम पीरियड में चाहिए निकाल के बताइए जल्दी से अगर 44 परसेंट चेंज आया है किस में बेटा लेंथ में तो टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा ये आप लोग को बताना है बताओ जल्दी से क्या वैल्यू आ रही है देखो अगर लेंथ का चेंज देखो तो एक तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही समझ जाऊंगा यार देखो टाइम पीरियड जो है बेटा टी वन दट इज टू पाई अंडर रूट उल बाई जी होता है आपने 44 परसेंट बढ़ा दिया मतलब टाइम टी टू जो है दैट इज टू पॉइंट टू पाई अंडर मतलब दैट इज 1.44 ऑफ एल बाई जी के बराबर हाँ सर तो अगर इसमें से बेटा कॉमन ले लूँ तो T2 की वैल्यू कितनी बाहर आएगी 12 का स्क्वायर होगा ना हाँ सर तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट टू का स्क्वायर हाँ तो ये वन पॉइंट टू टाइम्स ऑफ टी वन के बराबर आ जाएगी तो ये तो आसानी से बेटा ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो आपकी इच्छा ऐसे सॉल्व करने की नहीं है तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो और यहां पे अगर परसेंटेज पूछा है ना हाँ तो इन टू क्या कर दो बेटा हंड्रेड और कर दो तो ये टी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बारह परसेंट आ जाएगी क्लियर है, है? बारह परसेंट क्यों ट्वेंटी आएगी ना हाँ ट्वेंटी परसेंट बड़ा तो ये पॉइंट टू है ना ट्वेंटी परसेंट चेंज है क्योंकि इधर से ऐसे कर सकता हूँ ना बेटा परसेंटेज चेंज में क्या करोगे फाइनल माइनस इनिशियल तो वन पॉइंट टी वन माइनस टी वन अपॉन टी वन इन टू हंड्रेड तो टी वन टी वन टी वन कैंसल आउट हो गया तो ये पॉइंट टू इंटू हंड्रेड करोगे तो कितना आएगा बेटा ट्वेंटी परसेंट ही तो आएगा क्लियर है हाँ सर अब यहां पे बेटा ये तो बड़े चेंज के बारे में बात करते हैं अगर चेंजेस हमारे छोटे होंगे तो हम क्या करेंगे चेंज इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव परसेंट तो बेटा हम लोग किसका पंडा लगाएंगे एरर वाला पंडा लगाएंगे कैसे टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी के बराबर है स्कवायरिंग बोथ साइड टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर इन टू एल अब बेटा ये टर्म तो कांस्टेंट है इसको फर्क नहीं पड़ेगा तो 2 डेल्टा T बाई टी बराबर डेल्टा L बाई एल के बराबर प्लस डेल्टा G बाई जी ये हम लोग किसका लगाएंगे बेटा एरर का क्लियर है कि नहीं है तो जिसका भी परसेंटेज चेंज चाहिए आपको आप यहां से आराम से निकाल सकते हो क्लियर है चाहे तो इसको भी यहां पे भेज सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा अगर जी में भेजना है तो जी को इधर भेज दो तो टी स्क्वायर इंटू जी इक्वल तो टू एल तो अब डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा जी बायल टू एल तो अपन ये इस तरीके से लिख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्या इतनी बात क्लियर है हाँ सर अब एक और पेंडुलम के बेटा बारे में सुन लो जिसको हम किस नाम से जानते हैं के नाम से जानते हैं बेटा सेकेंड स्पैंडलम के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज टू सेकेंड टाइम पीरियड कितना होता है बेटा दो सेकेंड होता है इसका लेंथ इसकी जो होती है इक्वल्स टू एक मीटर के बराबर ठीक है तो लेंथ कितना हो गया टू सेकेंड टाइम पीरियड और लेंथ हो गई वन मीटर तो ये पेंडुलम है बेटा ये इसकी क्या आ गई बेटा एक्सट्रीम पोजीशन तो बेसिकली इसको इधर से इधर जाने में आधा सेकेंड लगता है वापस आने में आधा सेकंड लगता है इधर से आगे जाने में आधा सेकंड लगता है और वापस आने में आधा सेकंड लगता है आधा और आधा एक और आधा और आधा एक तो एक साइकिल कितने सेकंड में हो रही है बेटा दो सेकंड में हो रही है तो इंपॉर्टेंट बातें आप लोग ये याद रखिएगा क्लियर है हाँ सर और यहीं पे कोई बेटा टी और एल का ग्राफ पूछ ले आपसे टाइम पीरियड जो है होता है ना बेटा दैट इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर बाय बाई ये तो होता ही है अगर इसमें ग्राफ पूछ लिया आपसे किस किस के बीच का तो ग्राफ हमसे पूछ लिया किसका टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ का तो यहां पे क्या बेटा रूट है मतलब वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स है ना तो इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा ऐसा बनता है और यहीं पे अगर टाइम पीरियड किसका दे दिया टी और रूट एल का दे दिया तो बेटा अब ये पूरी क्वांटिटी यहां पे आ गई तो अब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्लियर है इतनी बात बेटा यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं जल्दी से बता दो अब नेक्स्ट जो आ जाता है बेटा उसको अपन क्या बोलते थे हैं ऑसिलेशन वैसे बेटा ये हमारी कोर्स में ज्यादा नहीं आता बस इसकी जनरल इक्वेशन आती है पहले आप समझ लो डैम्ड होता क्या है रियलिटी में बेटा आपके जो ऑसलेशन होते हैं वो सारे के सारे डेम्ड ऑसलेसन ही होते हैं डेम्ड मतलब ये ऑसलेसन बेटा एक टाइम के बाद क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं आप ये मानते हो कि अभी एनर्जी जो है ना वो उसमें कहीं लॉसेज नहीं हो रहे हैं पर एक्चुअल में तो बेटा एनर्जी का लॉस होता है क्लियर है हा सर जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आपने क्या किया इधर से डिस्टर्ब किया ये केक से, एम क्या बेटा, है इसका। अगर आपने इसको इधर से डिस्टर्ब किया तो स्टार्टिंग में बेटा आपके ऑसले क्या होंगे बहुत ज्यादा ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही हो गया फिर क्या होंगे बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऑसिलेशन धीरे धीरे अरे यार इतना अच्छा बनाता धीरे धीरे क्या हो जाएंगे बेटा ये खत्म हो जाए क्लियर है तो ये एक्चुअल में बेटा क्या हो रहे होते हैं धीरे धीरे खत्म हो रहे होंगे क्लियर है तो यहां पे हो तो रहा है ऐसे बट एक बेटा और एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं क्लियर है और डैम्पिंग कांस्टेंट को अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा इसकी इक्वेशन जो आ जाती है F इक्वल्स टू माइनस की एक्स ये तो आता ही आता है बस यहाँ पे माइनस का b इंटू वी और आ जाता है बस ये इक्वेशन को आप बेटा ध्यान में रख लो क्लियर है हाँ सर जिसे इसको क्या बोलेंगे डैम्पिंग कॉन्स्टेंट और ये v क्या हो जाएगी बेटा वेलोसिटी हो जाएगी तो जैसी बेटा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी इसकी भी लिखेंगे ये कितना हो जाएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्शन हो गया हा यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस बी वेलोसिटी का बेटा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा के वापस आ जाएगा प्लस का के एक्स स्क्वायर तो बेटा ये क्या जाएगी? आ जाएगी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी डेम्ड ऑसिलेशन की क्लियर है जल्दी से बता दो हाँ सर और यहां पे बेटा दो चीजें और लिख लो वैसे नहीं पूछा जाएगा फिर भी मैं बताता जा रहा हूं बेटा आप लोगों को कि x क्योंकि अब बेटा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है साइन ओमेगा टी डैश टी प्लस के नॉट के बराबर होता है क्लियर है कि नहीं है या फिर इनिशियल फेज को सिर्फ नॉट ये आपको याद नहीं रखना आपको बस एम्पलीट्यूड का बेटा रिलेशनशिप याद रखना है जो काम का है दैट इज पहले क्या आ जाएगा बेटा ए नॉट मैक्सिमम इन एम्पलीट्यूड ई की पावर माइनस का बी टी बाई टू एम ये वाली वैल्यू आप लोग याद रखना क्लियर है कोई ओमेगा डैश पूछ लेगा तो अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस का बी बाई टू है ये वैल्यू बेटा आप लोग याद रखेंगे क्लियर है कि नहीं है ये इधर पे और इसकी जनरल इक्वेशन बेटा ये नहीं आता है हमारी जगह पे ज्यादा नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा अगर पूछ ले तो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बता दो यहां तक सारी बातें क्लियर है आप लोगों को हाँ सर यहां तक तो सारी बातें क्लियर है अब इसके बाद बेटा थोड़ा सा पार्ट और रह गया है मैंने आपको कहा था कि लगभग लगभग तीस मिनट मुझे इसको चाहिए है तो वो तीस मिनट आप अगर मानो तो 10 बजे से अपन ने शुरू किया था पढ़ाना और 30 मिनट में बेटा ये वाली बात तो मैंने आपको करा दी कि पेंडुलम के साथ ये कंप्लीट करा दूंगा अब मुझे बस 30 मिनट्स और दे दो जिससे कि मैं आपका सुपर पोजिशन ऑफ एस और करवा ठीक है और उसके बाद अपन क्या कर लेंगे बेटा पी कर लेंगे ठीक है तो नेक्स्ट अपन जो करने वाले हैं दैट इज नोन एज सुपर पोजिशन ऑफ एस बेटा ये सिर्फ सिंपल वेक्टर्स की तरह होता है आप इसको मानो पर इसके लिखने के तरीके और लिखने के एक्सेप्शन को हमें समझना है क्लियर है क्या समझना है बेटा लिखने के तरीके और लिखने के एक्सप्रेशन को समझना है जैसे y1 वन इज इक्वल्स टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन के बराबर है क्लियर है ये क्या दिया गया बेटा पेज दिया गया है ठीक है तो और वाई टू जो दिया गया है दैट इज ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू दिया गया है ये बेटा दो चीजें आप लोगों को मान लो दी गई हैं क्लियर है हाँ सर तो यहां पे बेटा जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी जिसे मैं क्या बोलूंगा बेटा वाई नेट बोलूंगा वो ए रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड साइन या अभी बेटा ये वाले पार्ट को छोड़ दो इसको मैं अलग से क्योंकि वो बहुत सारी कंडीशन पर डिपेंड करता है वो मैं अभी धीरे धीरे सिखाऊंगा अभी तो इसको आप समझो इसको कैसे लिखते हैं क्लियर है हाँ सर, ए आर को कैसे लिखते हैं या आपको लिखना हो तो यहाँ पे फाइव लिख लो सकते ठीक है ए आर को कैसे लिखते हैं ए रिजल्टेंट सेम आ जाएगा ऑफ़ रिजल्टेंट स्क्वायर प्लस ए टू स्क्न ए, ए टू यहां पे बेटा डेल्टा फाइव आ जाता है डेल्टा फाइव मतलब पाई टू पाई वन, ये इसके बराबर आ जाएगा और यहीं पे अगर आप लोग बेटा टेन अल्फा रिजल्टेंट देखोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा दैट इज ए टू साइन डेल्टा फाइव अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा फाइव बेटा ये वेक्टर्स में आप लोगों ने पढ़े हैं ये रिजल्टेंट मैंने ही आप लोगों को सिखाए हैं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से बता दो क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे Amplitude इस तरीके से दिए गए होंगे कि ये ए वन वैक्टर है हा सर ये बाकी गए? ये आपका मान लो बेटा ए टू वैक्टर है ये कौन सा हो जाएगा बेटा ए टू वैक्टर है बिल्कुल सही और इसी के बीच में आपका क्या आ जाएगा बेटा एक ए रिजल्टेंट आ जाएगा ये क्या जाएगा आ जाएगा बेटा ए आर आ जाएगा ठीक है हाँ सर और ये एंगल क्या हो गया बेटा आपका अल्फा ये क्या आ गया ए आर और यहां से इसको जोड़ दो और यहां से बेटा पैल तो ये क्या हो गया ए टू और ये क्या हो गया बेटा ए वन इस तरीके से अपन निकालते थे याद है कि नहीं है हाँ बहुत बढ़िया अब इसके बेटा अलग अलग कंडीशन में आप लोगों को दिखाता हूं और उसके बेसिस पे अपन सीखेंगे ठीक है जैसे पहला आपको दे दिया पहला क्या दे दिया बेटा यहां पे पेज दे लू बेटा मैं पहला आपको बेटा जो ले लिया वो इक्वेशन से कराता तो हूँ मैं क्योंकि सुपर पोजिशन को बेटा इक्वेशन लिखने का ही तरीका है बेसिकली इक्वेशन आपको आती है तो दैट वेल एंड गुड और इक्वेशन लिखने को तरीका नहीं पता है तो बेटा अपन गलती कर जाएंगे उसमें अपन गलत ऑप्शन जो होगा ना वो भी सही होगा वो भी हमारे में गलत हो जाएगा क्लियर है आ जा जल्दी आ जा जल्दी आ जा बस दो तीन चीजें ही हैं बस एक दो अलग अलग एक्सेप्शन और उसके बाद ख़त्म चलो यहां पे बेटा दिया गया है y इक्वल्स टू इक्वेशन दी गई है इक्वेशन दी गई है हमारी बेटा y इक्वल्स टू थ्री साइन ओमेगा t प्लस पाए बाय थ्री ठीक है सर यह पाए बाय टू कर लो प्लस ठीक है एक ये इक्वेशन दे दी वाई वन की बेटा आपको ठीक है प्लस फोर साइन ओमेगा ये दूसरी इक्वेशन दे दी बेटा इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आएगी जरा ये बताओ सर इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन जो आएगी तो देखो आप जब भी बेटा ये y नेट लिखते हो अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाइव तो बेटा ये ए वन वो लेना है जिसका फेज डिफरेंस छोटा होगा पहला रूल ए वन आपको उसको लेना है जिसका पेज पाई जो है बेटा वो कैसा है छोटा है स्मॉल है तो इसमें तो पाई बाय टू ऐड हो रहा है तो छोटा ये है तो इसको आप ए वन लोगे इसको आप क्या लोगे ए टू लोगे क्लियर है हा सर तो वाई नेट क्या आ जाएगा अंडर रूट लिख देंगे अब यहां पे डेल्टा फाइ कैसे लेना है डेल्टा फाइ को लेने का तरीका ये होता है कि मेरा बेटा ओमेगा टी और ओमेगा टी कैंसल आउट हो जाना चाहिए तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाए बाय टू माइनस ओमेगा टी फेज तो डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए इससे ये कट गया तो ये वैल्यू आ गई पाए बाय टू दैट मीन्स नाइन्टी डिग्री और अगर 90 डिग्री बेटा वैल्यू आ जाएगी तो आप समझ ही गए होगी कि ये दोनों 90 है कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जीरो तो ये क्या हो जाएगा बेटा फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इसकी फाइव Clear. और यहीं पे अगर बेटा टेन अल्फा चाहिए तो फोर यहां पे क्या आ जाएगा साइन 90 अपॉन थ्री प्लस ए वन ये हो गया ए वन ए टू ना ए टू कॉस पाई क्या होता ए टू साइन थीटा ना ए टू साइन डेल्टा फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू रहता है ना कॉस डेल्टा फाइव तो यहां पे बेटा ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा फाइव बताओ यार कितना आ रहा है ए वन किस को लिया है ए वन फोर को लिया है ना हाँ तो ऊपर सही तो लिख रहा था ए वन साइन डेल्टा पाई अपॉन ए टू प्लस ए वन कॉस डेल्टा पाए ए वन कितना है फोर साइन पाई की वैल्यू वन अपॉन ए टू इज थ्री तो टेन अल्पा की वैल्यू अगर फोर बाय थ्री हो गई तो ये कितना आ जाएगा बेटा फिफ्टी थ्री डिग्री तो so इक्वेशन क्या आ जाएगी वाई की वाई इक्वल्स टू एन एट दैट इज फाइव साइन ओमेगा टी प्लस फिफ्टी थ्री डिग्री ये बेटा इस तरीके से लिखा जाएगा क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ बेटा बेटा यहां तक क्लियर है अब अपन क्या करने वाले हैं अपने पीवाई की क्वेश्चन कहा पीछे से शुरू करें या आगे से करें जल्दी से बताओ चलो आगे से ही करते हैं बड़े सिंपल सिंपल से 2008 का ये हो गया ए आई पी एम टी दो हजार जल्दी से बेटा ये वाले को बताओ आ रहा है बेटा इसका आंसर अच्छा? एनर्जी बतानी है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ़ अ लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय टू सेंटीमीटर इज यू इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय एट सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी यू वन इक्वल्स टू बेटा हाफ के एक्स वन स्क्वायर अपॉन डिवाइड ही कर दूं सीधे यू टू को इक्वल्स टू हाफ के एक्स टू के स्क्वायर को इससे ये कैंसिल आउट हो गया यू वन की वैल्यू यू दी गई है और ये हमारा यू टू इक्वल्स टू एक्स वन अपॉन एक्स टू का होल स्क्वायर तो ये वैल्यू आ जाएगी दो बटे आठ का होल स्क्वायर इससे बेटा चार बार चला गया तो सोलह तो यू टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोलह ऑप्शन नंबर सी इसका क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम कितना होता है बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बता ही चुका हूँ फेज डिफरेंस पाई बाय टू का होता है कि नहीं होता है बेटा अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो वेलोसिटी भी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आता है और इसमें बेटा वी एक्सलेशन की जो इक्वेशन आती है वो कितनी आती है माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और बेटा साइन और कॉस में डिफरेंस कितने का होता है पाई बाय टू का होता है तो पाई बाय टू को जीरो पॉइंट फाइव पाई नहीं लिख सकते हैं क्या जल्दी से बताओ हा सर नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ काइनेटिक एनर्जी नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर रिप्रेजेंटेड बाय बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हाफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वन हाँ सर कॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन ही हो सकती है तो के नॉट आ जाएगा ना और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स और टोटल एनर्जी मैक्स और काइनेटिक एनर्जी मैक्स ये सब सेम ही तो हो सकती है बेटा दैट इज ऑफ के नॉट तो दोनों की वैल्यू के नॉट और के नॉट हो जाएगी बेटा दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप देखो दोनों की अगर मैक्सिमम वैल्यू को देखो तो ये भी हाफ के ए स्क्वायर हो सकता है ये भी हाफ के ए स्क्वायर हो सकता है ये तो कांस्टेंट रहता ही है और ये भी कितना हो सकता है मैक्सीम हाफ के स्क्वायर इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है के नॉट मैक्सिमम तो क्या आ जाएगा बेटा वैल्यू के नॉट और के नॉट आ जाएगा क्लियर है इतना अगले सवाल को करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड ए द पीरियड ऑफ ऑसोलेशन इज टी द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल हाफ द एम्पलीटूड आप ये बताओ ये मेन पोजीशन है ये हाफ द एम्पलीटूड होता है हाफ द एम्पलीट्यूड मतलब कितना हो जाएगा सर वन बाय टू दैट मीनस पाए बाय थ्री हो जाएगा हाफ द एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा पाए बाय सिक्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे पाए बाय सिक्स आ जाएगा टी कितना आ जाएगा दोनों टांगों को जोड़ दो और नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर दो टू का तो ये बारह आ गया टी आंसर है क्लियर है कुछ करने की जरूरत है क्या इसमें अगला क्वेश्चन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये दी गई है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन और ये ओमेगा टू हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट सेम है द रेशियो ऑफ देर मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो ए वन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा वन का स्क्वायर अपॉन ए टू ए ओमेगा टू का स्क्वायर ए तो कैंसिल आउट हो गया रेशियो बताना है तो हंड्रेड अपॉन थाउजेंड का होल स्क्वायर तो वन बाय टेन तो वन बाय हंड्रेड वन रेशियो हंड्रेड तो टेन टू दी पावर टू क्लियर है बेटा यहां तक क्लियर है जल्दी से बताओ हा सर अगला सवाल क्या कह रहा है आपका आप पॉइंट परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ टाइम पीरियड टी द इक्वेशन ऑफ द मोशन इज गिवन बाय दिस ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स ठीक है आफ्टर द इलेप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टाइम द पीरियड ऑफ द वेलोसिटी इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी देखना ध्यान से सुनना वो कह रहा है आफ्टर द इलेप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये सब छोड़ो द पीरियड द वेलोसिटी एट द पॉइंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा वन बाय टू वन बाय टू में कॉस कब आता है सर वन बाय टू में कॉस आता है सिक्सटी पे दैट इज पाए बाय टाइम निकालना है ना हा पे आता है ना हाँ सर पाए बाय थ्री टाइम कितना हो जाएगा पाए बाय थ्री का टी बाय सिक्स आंसर कितना है इसका टी बायस डी ऑप्शन क्लियर है अच्छा टू का मल्टीप्लाई नहीं किया क्या? एक मिनट ये तो थर्टी हो जाएगा ना ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा पाई बाय से एक अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द इक्वेशन इज गिवन बाय दिस आफ्टर द टाइम लैप ऑफ व्हाट फ्रैक्शन द वेलोसिटी एट द पॉइंट इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम तो हाफ ऑफ दी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाए पर वही इनिशियल फेज दिया गया है ना hmm. कर लेते हैं वीक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितनी आ जाएगी विलोसिटी वी इक्वल्स टू ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाए बाय सिक्स चलो पूरा ही कर लो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी एमेगा बाय टू ओमेगा बाय टू इज इक्वल टू एमेगा एमेगा सेन बाय टू कब आ जाएगा बेटा ये पाए बाय थ्री पे आ जाएगा हाँ सर पाए बाय थ्री पे नहीं पाए बाय सिक्स पे आएगा थर्टी डिग्री है ना और इधर से बाय सिक्स आ गया तो ये तो जीरो हो जाएगा अच्छा कॉस है ना यार बेटा इसको डिफ्रेंशियट करो ए साइन उमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स इसको डिफ्रेंशियट करना है तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी? ए ओमेगा कॉस आएगा बेटा कॉस मिस हो गया था साइन ही लिख दिया था उमेगा टी प्लस पाए बाय सिक्स कॉस लिख लेना वेलोसिटी कितनी चाहिए ए ओमेगा बाय टू चाहिए ना इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाए बाय सिक्स एमेगा से ए ओमेगा कॉस इधर जाएगा तो वन बाय टू कम मिलेगा पाए बाय सिक्सटी पे ना थ्री इस पे मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे कॉस तो अब हट ही गया है तो ओमेगा टी प्लस पाए बाय सिक्स बेटा इसको यहाँ पे भेज दो तो ये वैल्यू कितनी आ गई पाए बाय थ्री माइनस पाए बाय सिक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी नीचे एलसीएम ऊपर कितना आ जाएगा बेटा पाई बाई टू पाए बाय टी इन टू टी पाई से पाई चला गया आंसर आ जाएगा टी बाय ट्वेल्व इज इक्वल क्लियर है अब इसको बेटा करने का एक और छोटा तरीका था ठीक है अगर मेरा पाए बाय थ्री पे वैल्यू आ गई है तो वो पाए बाय थ्री होगा ठीक है तो पाए बाय थ्री से डिस्प्लेसमेंट जो आता वो कितना आता दैट इज रूट थ्री ए बाय टू रूट थ्री ए बाय टू उसमें मिलता मुझे नहीं वन बाय टू आता ना चलो कोई नहीं इधर ही से आ गया तो टी बाय ट्वेल्व भी देख क्लियर चले आगे हाँ ये वाले में बेटा बताओ वैल्यू क्या आ रही है इसमें भी डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो बेटा सिंपल पेंडिलम परफॉर्मिंग आ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स इक्वल टू जीरो विथ एन एम्बली टाइम पीरियड टी दीड ऑफ दू ए बायू बेटा स्पीड बतानी है कितनी होगी ए बाय टू तो रूट थ्री बाय टू हाँ तो स्पीड वी इक्वल्स टू बेटा एक्स इक्वल्स टू ए बाई टू पूछा है ना तो वेलोसिटी ए बाय 2, ए बाय 2 मीन्स कितने डिग्री हो गया जरा ये बताओ सर 30 डिग्री 30 डिग्री में कॉस की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री बाय टू ए उमेगा के बराबर उमेगा को क्या लिख सकता हूँ सर रूट थ्री बाय टू ए उमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी के बराबर 2 से 2 चला गया तो आंसर कितना हो जाएगा रूट थ्री ए पाई बाई टी के बराबर तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कौन सा ऑप्शन है रूट थ्री पाई बाई टी पाई का स्क्वायर आएगा क्या नहीं तो रूट थ्री पाई ए टी बेटा यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा तो थ्री ए पाई रूट थ्री नहीं रूट थ्री ए यहां पे टू टी है बेटा इन्होंने कोई ऑप्शन मिसिंग है रूट थ्री पाई ए बाय टी इस वाले में बेटा टू नहीं है तो रूट थ्री पाई ए टी बेटा बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा टी वाले में बेटा पाई स्क्वायर है ठीक है, चले बेटा आंसर आएगा तो यही बेटा इसमें स्क्वायर है ना इस वजह से और इसके ऊपर रूट भी नहीं है नेक्स्ट इक्वेशन इक्वेशन बेटा, ऑफ ऑफ फॉलोइंग द मोशन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन अब बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है जितना भी हो तो कौन सा ऑप्शन सही है यहां पे देखो ये प्लस है ये तो हो नहीं सकता है यहां ही प्लस है ये वाला हो जाएगा क्योंकि यहां पे भी प्लस है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका

मास कितना हो गया टू टाइम्स हो गया तो टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ टू एम बाई के तो टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया सर रूट टाइम्स नया टाइम पीरियड रूट टू टाइम्स ऑफ पुराना वाला टाइम पीरियड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्लियर है यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा टू पार्टिकल आर ऑसोलेटिंग क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड विथ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ डिफरेंस इज डिस्प्लेसमेंट हाफ है बेटा फेज डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट हाफ कब कब मिलेगा जल्दी से ये बताओ बेटा तो ये वाले में हो गया ना डिस्प्लेसमेंट हाँ। हाफ हमें कब मिलेगा अगला वाला कौन सा है कॉस का है क्या ग्राफ का अब बेटा डिस्प्लेसमेंट वन बाय टू अपन को कब कब मिलता है डिस्प्लेसमेंट हाफ दैट इज तो इधर से सर जाते टाइम पे मिलेगा जाते टाइम पे ए बाई टू दैट मीनस थर्टी डिग्री और यहां से जब हम घूम के वापस आ रहे हैं तो मैंने बताया बेटा पाई माइनस थीटा करो थर्टी डिग्री तो ये वन फिफ्टी डिग्री गया फेज डिफरेंस इन दोनों को माइनस कर दो तो डेल्टा पाई इज इक्वल्स टू 150 माइनस थर्टी तो ये कितना आ जाएगा बेटा 120। ट्वेंटी थ्री वन ट्वेंटी को क्या लिख सकते बेटा टू पाई बाय थ्री क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा बेटा यहाँ पे एक्सलरेशन और टाइम का फंक्शन पूछा गया है एक्सेलरेशन और टाइम का फंक्शन क्या हम लोगों ने ये निकाला है कि नहीं हाँ सर और इक्वेशन यहाँ पे दी गई है की इक्वेशन इसी की बतानी है द दसोलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन उमेगा ये विच वन ऑफ करेक्ट तो यहां पे बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी ये एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी है डिफ्रेंशिएट कर दो डी एक्स बाई डी टी तो वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि ओमेगा माइनस का साइन ओमेगा के बराबर होगी का साइन हाँ सर और वापस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा एक्सलरेशन आ जाएगा दैट इज डी बी बाई डी टी जो कि आ जाएगा माइनस का एमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा के क्लियर है तो बस माइनस का कॉस आ जाएगा बेटा तो कॉस की वैल्यू क्या रहती है बेटा मैक्सिमम और नेगेटिव में मैक्सिमम ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो हमारा करेक्ट है क्लियर है बेटा हमें जो इक्वेशन दी गई है ना हम उसके हिसाब से करेंगे क्लियर है ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ा है हमने तो ए साइन ओमेगा टी का पढ़ा है ना यहाँ पे इक्वेशन ही अलग है ठीक है अगला ये कह रहा है बेटा द वेन टू डिस्प्लेसमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय वाई वन एंड वाई टू सुपर इम्पोजिज द मोशन तो अभी बताया बेटा ये ए वन है और ये क्या है ए टू है और ये साइन है ये कॉस है तो बेटा पेज डिफरेंस जो पाई होगा वो कितने का होगा पाई बाई टू का होगा तो ए नेट की जो वैल्यू आएगी या ए रिजल्टेंट नेट एम्पलीट्यूड आएगा दर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पाए टू। तो टर्म तो बेटा ये जीरो हो जाएगा तो ए रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ रही है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर तो एम्प्लीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग द एस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ठीक है x1 v2 पोजिशन है x1 and x2 है ठीक है तो v1 क्या आ जाएगा बेटा उमेगा अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और v2 क्या हो जाएगा सर V2 हो जाएगा V2 की वैल्यू कितनी है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए टू माइनस एक्स टू का होल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दू मैं और वेलोसिटी को क्या कर देंगे बेटा टाइम पीरियड चाहिए ना वेलोसिटी के टर्म्स में आ रहा है स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर दो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा वी वन स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर ठीक है और ये नीचे बेटा जो वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है और यहाँ पे वी वन की जगह वी टू स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ओमेगा ए टू स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर होगा क्लियर है आप इसको तो बेटा टू पाई बाई टी लिख सकता हूं ओमेगा को ओमेगा के टर्म्स में बेटा कुछ चेंज करते हैं एक मिनटों को डिवाइड करने से एम्ब्लिट्यूड तो बाहर आ जाएगा ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म्स में ए तो निकल आएगा या माइनस कर दो बेटा इसको माइनस करने में फायदा है डिवाइड ना करके ये वाली जो इक्वेशन है ना बेटा इसको माइनस कर दो क्योंकि एक्सप्रेशन माइनस का बन रहा है ना तो ये वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू है और ये टू है है ना तो इक्वेशन वन माइनस टू तो ये माइनस वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो बेटा ये वाले से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां पे बेटा ओमेगा कॉमन ले लू तो x1 स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा का बेटा यहां पे रूट भेज दो ओमेगा क्या है बेटा टू पाई बाई टी है टी इधर जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगा तो इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ ये टर्म ऊपर आ जाएगा तो एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी तो एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अपऑन वी वन स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा ऐसा वाला सवाल हम लोगों ने किया है जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा अ पार्टिकल इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स की वैल्यू कितनी दी गई है ए मैक्स इज अल्फा और बी मैक्स इज बीटा Time period निकालना है तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा तो टी तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू पाई बीटा अपॉन अल्फा तो टू पाई बीटा अपॉन अल्फा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा अ बॉडी ऑफ मास इज अटैच टू अ लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड अपर एंड इज फिक्स द स्प्रिंग हैज स्प्रिंगल मास वेन मास इज स्लाइटली डाउन एंड रिलीज इट्स ऑसोलेशन ऑसोलेट विदियड से टाइम पीरियड ऑफ ऑसोलेशन बिकम फाइव सेकेंड जल्दी से निकालो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो बेटा नॉर्मल टाइम पीरियड t इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के तो पहले कितना आया तीन सेकंड इज इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के हाँ सर दूसरे वाले में एक किलो से बढ़ा दिया तो फाइव बराबर टू पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस वन बाई के क्लियर है दोनों को बेटा पहले डिवाइड कर दो और स्क्वायर कर दो तो टू पाई से टू पाई के से के चला जाएगा स्कवायरिंग कर देंगे तो नाइन बाई ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू एम अपॉन एम प्लस वन तो ये आ जाएगा नाइन एम प्लस नाइन बराबर ट्वेंटी फाइव एम तो नाइन एम बराबर सिक्सटीन ये आ जाएगी बेटा वैल्यू हमारी तो so, एम की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगी नाइन बाय सिक्सटीन बराबर है तो बेटा नाइन बाय सिक्सटीन आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी बीस करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट के इज कट इन टू देंथ इन द रेशियो वन इज टू टू इज थ्री ठीक है दे आर कनेक्टेड इन अज द न्यू फोर्स कॉन्स्टेंट बेटा पहले सीरीज में किया गया तब के है दे आर कनेक्टेड इन पैरल ठीक है पहले के का रेशियो निकालो लेंथ का रेशियो दिया गया है तो आपको बता ही दिया था बेटा कि के जो है दैट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एल तो अगर इसका रेशियो ये दिया गया तो टोटल रेशियो सिक्स है तो बेटा इसका जो रेशियो निकल के आएगा इनवर्स रिलेशनशिप है तो पहले लेंथ का रेशियो लिख लें तो ये एल का रेशियो बटा हुआ हो जाएगा हाँ सर और अगर इसी का के चाहिए तो के वन कितना हो जाएगा सिक्स के इज टू ये कितना हो जाएगा थ्री के टू ये कितना हो जाएगा टू के ये बेटा इनके के, के रेशियोज जा जा, आ जा, जाएंगे ऐसे निकाल सकते हैं हाँ सर पहले कैसे दिए हैं बेटा ये लोग पहले सीरीज में दिए गए तो सीरीज में तो बेटा इनका रेशियो वन बाय के इक्वलेंट का वन बाय सिक्स के प्लस वन बाय सिक्स के प्लस वन बाय बाय थ्री के प्लस वन बाय टू के तो इससे तो बेटा के इक्वलेंट के ही आ जाएगा और अगर पैरेलल के केस में देंगे तो के इक्वलेंट बेटा ये ऐड हो जाएंगे तो सिक्स के प्लस थ्री के प्लस टू के तो ये इलेवन के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हाँ सर रेशियो निकालना है तो बेटा ये के अपॉन इलेवन के तो रेशियो कितना जाएगा? 1 11 आ जाएगा बेटा वन इज इलेवन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बीस करेक्ट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग लीनियर सिंपल हारमोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ थ्री सेंटीमीटर द पार्टिकल इज एट टू सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ विलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन एक्सलरेशन टाइम पीरियड बेटा विलोसिटी किसके बराबर है एक्सेलरेशन के बराबर है एक्स डिस्टेंस पे क्लियर है हाँ तो वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है मीन पोजीशन की बात है हाँ सर और डिस्टेंस एक्स है ना पर्टिकुलर नहीं बोला ठीक है तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा तो इससे तो बेटा एक ये कट गया पहली बात तो ये अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है तीन तीन का स्क्वायर इज नाइन और यहाँ पे बेटा फोर आ जाएगा टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू उमेगा और ये एक्स निकालना है टाइम पीरियड तो एक्स की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे दो दी गई है ना, ना, ना. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट फाइव इक्वल्स टू टू पाई बाई टी के बराबर इन टू तो ये टी इधर चला जाएगा तो ये फोर पाई, बाई रूट पाई। फोर पाई बाय रूट पाइव बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्लियर है ऑफ सफिशियंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक एंड सिंपल पेंडुलम ऑसलेटर द एक्सलेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पैंडलम इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्ट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मेन पोजिशन ठीक है आपको क्या निकालना है बेटा टाइम पीरियड ठीक है एक्सलरेशन किसके बराबर है बेटा ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर है एक्सलरेशन ट्वेंटी है बराबर ओमेगा स्क्वायर इन टू एक्स की वैल्यू फाइव फाइव से ये कितनी बार चला गया फोर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ये टू इक्वल्स टू ओमेगा ओमेगा कितना है बेटा आपका टू पाई बाई टी के बराबर है टू से टू चला गया टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया पाई के बराबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्लियर है बेटा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी वाला हो जाएगा यहाँ पे कह रहा है दिस प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसोलेशन बेटा ये तो देखो ये कॉन्सटेंट ऑफ है इससे हमें मतलब ही नहीं है हाँ सर अब बच्चा ए और बी अभी मैंने बताया बेटा कॉज थीटा और साइन थीटा में फेज डिफरेंस फाइव बाय टू तो इसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो एम्पलीट्यूड ही पूछा तो एम्पलीट्यूड तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्लियर है इतनी बात नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेजिटी एग्जीक्यूटिंग एस एच एम बेटा देखो वेलोसिटी की जब बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एक कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा इसकी जीरो हो जाएगी क्लियर है हाँ सर अब कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल द पीरियड ऑफ द रेवल्यूशन इज इनिशियल पोजिशन ये बेटा इनिशियल पोजिशन इसकी दी गई है टी इक्वल्स टू जीरो एंड सेंस ऑफ रेवल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर रोटेटिंग ठीक है अब यहां पे बेटा टाइम कितना लगा चार सेकेंड लगा ये ये रेडियस वेक्टर है थ्री एक्स मतलब ये इसका क्या है बेटा एम्पलीट्यूड के बराबर है कि नहीं है हाँ सर तो मतलब इसका एम्पलीट्यूड तो तीन आएगा एक बात तो पक्की है हाँ सर और टाइम कितना लगा फोर तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है टू पाई बाई टी होता है टी की वैल्यू कितनी आ गई चार तो टू पाई बाई टी क्या होता है आओ, टी इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा है ना हाँ सर तो अभी ये कितना चला है तो ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाय टू पाई बाय टू करके देख लो बेटा इसमें पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लो पहले तो ये माइनस तीन नहीं होगा चार भी नहीं होगा तो या तो बेटा हमारा थ्री पाई सी और डी में से हो जाएंगे क्लियर है हा सर और ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी आई है ओमेगा इक्वल्स टू टू पाए बाई टाइम पीरियड फोर दिया गया है ना ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा पाए बाय टू आ जाएगी तो मतलब इक्वेशन में एम्पलीट्यूड तीन है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पाए बाय टू है तो देखो ये वाला ऑप्शन ये तीन एम्पलीट्यूड आ गया बेटा ये पाए बाय टू है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्लियर है सर तो अब अगर बेटा गौर से देखो तो आप देखो ये दो में कितने आसान सवाल पूछा गया यहां पे भी 2019 जल्दी से बताओ डिस्टेंस कवर बायिकल एक्ट अंडर गोइंग एस एच एम इन वन टाइम पीरियड एम्प्लीट्यूड कितनी बार करेगा चार बार एक बार मीन पोजीशन से प्लस ए प्लस ए से मीन पोजीशन मीन पोजीशन से माइनस ए माइनस ए से फिर से मीन पोजीशन ये करेगा कि नहीं करेगा हा सर तो ये वैल्यू आ जाएगी बस तो यहीं तक है भैया आपका एस वाला पार्ट यहीं पे आखिरकार समाप्त हो जाता है क्लियर है तो चीजें मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी आप लोगों के क्लियर है यस सर तो आखिरकार बेटा ये खत्म ही हो गया ठीक है तो अब आप लोगों का अगला जो चैप्टर होगा बेटा वो वेव्स वाला होगा तो वो वाला चैप्टर आप बड़े अच्छे से करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला अब मेरी मॉर्निंग में ही क्लास है आठ साढ़े आठ बजे जिसमें बेटा मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वर्क पावर एंड एनर्जी के वो कराने वाला क्लियर तो मिलते हैं बेटा मॉर्निंग के लेक्चर में तब तक आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहें और मैंने बता ही दिया है कि बेटा सही ट्रैक पर तो जा ही रहे हो बस अवन लग, मन लगा करके और अच्छे से पढ़ाई करिए ठीक है मतलब ऑलमोस्ट इतनी सारी चीजें हो ही चुकी हैं लास्ट में बस अपने आप को कंट्रोल कर लेना और चीजें बढ़िया हो जाए क्लियर है हैव इन चलो फिर मिलते हैं बेटा अपने अगले लेक्चर में तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते मिलते हैं अगले लेक्चर में बाय बच्चों